तो जी हाँ चलिए भाई नमस्कार करते हैं सभी व्यूवर्स का एक बार फिर से लंका प्रीमियर लीग के इस अट्ठारहवें मैच में जी हाँ मुकाबला आज का खेला जाएगा कैंडी फाल्कन्स वर्सेस डांबुला के बीच में जी हाँ दोनों टीमों के बीच में एक जबरदस्त मुकाबला आज का होने की उम्मीद है आर प्रेमदासा क्रिकेट स्टेडियम के अंदर ये मुकाबला खेला बड़ा ही ऐतिहासिक मैदान है श्रीलंका के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो आर प्रेमदासा स्टेडियम तो चलिए मुकाबले की शुरुआत करते हैं एक टीम है बिल्कुल टोबल टेबल टॉपर 12 पॉइंट्स के साथ टेबल में सबसे ऊपर के स्थान पर है एक टीम है यहाँ पर बात अगर की जाए दामुला की तो दो पॉइंट्स के साथ सबसे निचले स्थान पर है इस पॉइंट टेबल के अंदर तो चलिए देखते हैं किस तरह से दोनों टीमें आपस में लड़ती है क्या दामूला की टीम जाते जाते एक यहाँ पर सेटबैक दे पाएगी कैंडी जैसी मजबूत टीम को बात करेंगे कुछ प्लेयर्स के बारे में जो आज आपकी टीम को जीत दिला सकते हैं कुछ फैंटेसी के पॉइंट्स के बारे में बात करेंगे फैंटेसी के कुछ आपको आंकड़े देंगे इस लंका प्रीमियर लीग के उसके अलावा कुछ प्लेयर्स के बारे में भी बात बताएंगे जो आपकी आज फैंटेसी टीम को काफी ऊंचाइयों तक लेकर जा सकते हैं तो चलिए भाई शुरू कर रहे हैं बहुत जल्दी मुकाबला शुरू होने वाला है यहां पर काफी जल्दी साढ़े सात बजे मुकाबला शुरू हो जाएगा तो टॉस आपको टॉस के तुरंत बाद आपको प्लेइंग इलेवन यहां पर बता देंगे तब तक एक्सपेक्टेड प्लेइंग इलेवन आपको बताएंगे हम अपने इस सेगमेंट में तो चलिए ग्राउंड की अगर यहां से बात की जाए तो आर प्रेमदासा स्टेडियम कोलंबो श्रीलंका का के अंदर यह मैदान है चालीस हजार दर्शकों की क्षमता वाला यह मैदान तो मुकाबले में मजा आएगा मुकाबले में मजा आएगा बताएंगे आपको इस मुकाबले की इस मैदान की पिच के बारे में कि पिच यहां की कैसी रहने वाली है आज की इस मुकाबले के लिए चलिए दोनों टीमों के बारे में अगर बात करें तो कैंडी फाल्बुला की टीम के बीच में अठारवा टी ट्वेंटी मुकाबला यह आज का खेला जाएगा तो काफी दिलचस्प काफी दिलचस्प रहने की यह उम्मीद है चलिए यहां से अगर पॉइंट्स टेबल के ऊपर निगाहें एक बार डालें कि पॉइंट्स टेबल कैसी रहने वाली है तो जी हाँ आप देख सकते हैं काफ़ी बड़ा डिफरेंस यहां पर देखने के लिए मिलता है पॉइंट्स टेबल के अंदर कैंडी फालकन्स की टीम ने जहां सात में से अपने छः मुकाबले जीते हैं बारह पॉइंट्स उनके नाम हैं वहीं दामुला की टीम को देखिएगा अब तक छः में से सिर्फ एक मुकाबला अपने नाम कर पाई है वो भी बा मुश्किल मुश्किल से वो मुकाबला जीता था तो मात्र दो पॉइंट है तो मुकाबला कहीं नहीं है दोनों टीमों का अगर देखा जाए तो मुकाबला कहीं नहीं है लेकिन दामुला की टीम इतनी भी खराब टीम नहीं है जितनी आपको पॉइंट्स टेबल के अंदर वो दिख रही है जी यहाँ प्लेयर्स काफ़ी अच्छे हैं कुछ इनफॉर्म प्लेयर्स भी हैं जिनके बारे में आपको बताएंगे अपने अगले सेगमेंट में तो यहां से कुछ उलट फेराज हो सकता है क्या कुछ उलट फेराज यहां से दामुला की टीम करके दिखा सकती है क्या देखना यह यहां से काफी दिलचस्प रहने वाला है चलिए यहां से अब सीधा आपको लेकर चलते हैं मौसम की तरफ जी हां एक बार मौसम की तरफ आपको बताते हैं कि आज का मौसम कैसा रहने वाला है इस मुकाबले के लिए तो चलिए मौसम की अगर यहां से बात की जाए तो तीस दशमलव एक डिग्री सेल्सियस रहेगा यहां पर तापमान यहां पर मौसम थोड़ा सा क्लाउडी रहेगा ओवरकास्ट कंडीशन यहां पर रहने वाली है जिसका सीधा सीधा मतलब है कि तेज गेंदबाजों को यहां पर एक अच्छी मदद मिलने वाली है चलिए तिरसठ रहेगी हवा में नमी वहीं बारिश का चांस लगभग सत्तर जी हाँ बीच में बारिश की कुछ बूंदे हल्की बूंदाबांदी आपको मुकाबले के बीच में देखने के लिए यहां पर मिल सकती है तो देखना दिलचस्प होगा हालांकि जितने भी अब तक मुकाबले हुए हैं बारिश जिस भी मुकाबले में आई है ज्यादा देर तक टिकी नहीं टिकी नहीं है लगभग सभी के सभी मुकाबले पूरे खेले गए हैं तो यहां से भी उम्मीद यही है कि ओवर्स आपको कटते हुए नहीं दिखाई देंगे हालांकि बीच में अगर मुकाबले के एक आधी बार अगर बारिश आती भी है तो वो एक पासिंग शावर होगी चलिए जी हाँ पिच की तरफ एक बार पिच की तरफ यहाँ से निगाहें करते हैं कि पिच यहाँ पर किस तरह की रहने वाली है तो जैसा कि आप देख सकते हैं आपकी स्क्रीन के ऊपर पिच का अगर यहाँ से हाल बताएं तो पिच ओवरऑल यहाँ पर आर प्रेमदासा स्टेडियम की बैलेंस्ड रहेगी हालांकि जिस प्रकार का मौसम है जिस प्रकार की कंडीशन है तो पिछले कुछ मुकाबलों को देखते हुए कहा जा सकता है कि तेज गेंदबाजों को थोड़ा सा मदद जरूर होगी यहाँ पर तेज गेंदबाजों के लिए थोड़ा सा एक्स्ट्रा यहाँ पर मदद ज़रूर होगी इस पिच के लिए तो ओवरऑल ये जो पिच है तेज गेंदबाजों के लिए यहाँ पर काफ़ी बढ़िया रहने वाली है चलिए आपको डिटेल्ड पिच रिपोर्ट के बारे में अगर बात बात बताई बताई जाए जाए जी हाँ, डिटेल्ड पिच पिच रिपोर्ट के बारे में बात जाए, तो आर प्रेमदासा की जो टीम है वो हालांकि पुराने जमाने से ही पहले टाइम से ही गेंदबाजों के लिए काफी मददगार पिच मानी जाती है डेढ़ रन का टोटल डेढ़ रन का जो टोटल है वो यहां पर काफी रहने वाला है और जो टीम टॉस जीतेगी वो यहां पर पहले बॉलिंग करने का बिल्कुल फैसला करेगी क्योंकि जो भी पिच दुनिया के आप किसी भी कोने में जाइएगा जहां पर पिच गेंदबाजी के लिए अनुकूल होती है तो अक्सर जो टीमें हैं टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का ही वहां पर फैसला करती है तो शायद आज भी ये कायम रहेगा चलिए तो मैच के आपको कुछ स्टैट्स यहाँ पर जल्दी से बता देते हैं इस मुकाबले के बारे में चलिए बात करते हैं कि तेज गेंदबाजी वर्सेस स्पिन गेंदबाजी तो तेज गेंदबाजों ने लिए हैं सड़सठ सड़ विकेट स्पिन गेंदबाजों को मिले हैं छप्पन विकेट हालांकि आंकड़ा बिल्कुल यहाँ पर बराबर है लेकिन आज के मुकाबले में शायद तेज गेंदबाजी यहाँ पर तेज गेंदबाजी के अंदर थोड़ा ज़्यादा पहनापन आपको दिखाई दे सकता है सबसे पहला कारण ये मैदान प्रेमदासा का जो मैदान है वो अक्सर तेज गेंदबाजों के लिए ज़्यादा मददगार साबित होता है दूसरी बात थोड़ा सा मौसम जिस प्रकार की ओवरकास्ट कंडीशन है तो शुरुआत में तेज गेंदबाजों को अच्छा उछाल और अच्छे उछाल के साथ साथ यहां पर गेंद स्विंग होते हुए भी दिख सकती है तो चलिए यहां पर बात करते हैं अपने अगले एस्पेक्ट की तो जी हां टॉस का यहां पर क्या सीन है तो पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम जीती है छप्पन प्रतिशत मुकाबले पहले गेंदबाजी करने वाली टीम जीती है चवालीस प्रतिशत मुकाबले लेकिन फिर भी पहले बल्लेबाजी करने वा करके जीतने वाली टीमों का प्रतिशत ज़्यादा है लेकिन शायद फिर भी आज के मौसम की कंडीशन को देखते हुए जो टीम टॉस जीतेगी शायद यहाँ से पहले गेंदबाजी करने के लिए उत्सुक रहेगी देखना होगा हालाँकि वो तो टॉस के टाइम पर ही पता चलेगा चलिए हेड टू हेड की अगर यहाँ से बात की जाए तो कैंडी फाल्कन्स की टीम ने जीते हैं दो मुकाबले डांबुला की टीम ने जीते हैं तीन मुकाबले तो हेड टू हेड में यहाँ पर अभी भी डांबुला की टीम का जो पलड़ा है वो काफ़ी भारी है और सिर्फ यही एक रीज़न है कि डांबुला की टीम को हम थोड़े से यहाँ पर अंक जरूर दे रहे हैं क्योंकि इतनी ख़राब टीम नहीं है अगर आप हर टीम को प्रदर्शन के लिहाज से नापेंगे तो देखिए कहीं ना कहीं कोई, कोई सभी टूर्नामेंट ऐसे होते हैं जहाँ पर एक ना एक अच्छी टीम हमेशा ख़राब प्रदर्शन करके जाती है तो डांबुला की टीम उन्हीं में से एक है डांबुला जैंट्स की टीम हालाँकि इतनी ख़राब टीम नहीं है लेकिन अगर आप इसकी टेबल पे नंबर देखेंगे तालिका में स्थान देखेंगे डामुला की टीम का तो दो पॉइंट्स यहां पर मिले हैं तो आप शायद सोच सकते हैं कि शायद इस टूर्नामेंट की सबसे खराब ये टीम है लेकिन ऐसा नहीं है लेकिन ऐसा यहां पर नहीं है तो बिल्कुल शायद यहां पर टक्कर तो दे सकती है टक्कर इस मुकाबले में दी जा सकती है कैंडी की टीम को चलिए पिछले पांच मुकाबलों की बात की जाए तो कैंडी फाल्कन्स की टीम ने कमाल का, का काम किया है पिछले पांच में से अपने चार मुकाबले जीते हैं और इस टूर्नामेंट के अंदर तो कैंडी की टीम ने क्या ही कमाल का, का काम किया है उनका मजबूत पक्ष रहा है उनकी गेंदबाजी वहीं दामुला की अगर बात की जाए तो पिछले पांच में से चार मुकाबले जीते हैं शुक्र यह है कि पिछला मुकाबला कम से कम जीत कर यहां तक आए हैं तो थोड़ा सा मोमेंटम बना रहेगा जीत का क्योंकि उससे पहले चार मुकाबले लगातार हारे थे दामुला की टीम ने तो चलिए आज देखते हैं आज कौन सी टीम अपनी इस जीत की सारणी को थोड़ा थोड़ा सा ज्यादा बेहतर बनाएगी जी हां तो ये हो गए आंकड़े तो सीधा आप लेके चलते हैं आपको एक्सपेक्टेड प्लेइंग प्लेंग इलेवन की तरफ जी हा एक्सपेक्टेड प्लेइंग इलेवन की तरफ आपको यहां से लेके चलते हैं बिल्कुल लेके चलते हैं देख लेते हैं कौन सी टीम में आज कौन कौन से ग्यारह खिलाड़ी आज आपको खेलते हुए यहां से दिखाई दे सकते हैं तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं कैंडी फालकन की कैंडी फालकन की एक्सपेक्टेड प्लेइंग इलेवन आपकी स्क्रीन के ऊपर है आप देख सकते हैं जी हाँ बात करते हैं यहाँ से अगर प्लेयर्स की तो यहाँ पर आपको खेलते हुए दिखाई दे सकते हैं मिनोद का आंद्रे फ्लेचर कमिंडू मैंडिस आशेन बेंद्रा नजीबुल्ला जारदान व्दू हसरंगा चमिका करुणा रत्ने फेबियन एलिन ओशन थामेस इसरू उड़ाना चमिंडू वाज सिंगे यहाँ पर जो ये प्लेइंग एलेवन आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं इस साल की सबसे लंका प्रीमियर लीग के अंदर खासकर सबसे कमाल की ये प्लेइंग एवन रही है मेरे ख्याल से दावेदार कप जीतने की दावेदार भी सबसे बड़ी है यहाँ पर कैंडी फालकन्स टीम लेकिन देखना होगा शायद अगर आज ये ग्यारह खिलाड़ी खेलने की उम्मीद है बाकी अगर इसके अंदर कोई चेंजेस होता है तो आपको बिल्कुल टॉस के बाद जैसे ही प्लेइंग इलेवन आएगी आपको वहां पर बता दिया जाएगा लेकिन बात की जाए अगर प्लेयर्स की तो आंद्रे फ्लैजर यहां पर काफी कमाल का, का काम किया है वायंदू हसरंगा ने शुरुआत इस टूर्नामेंट की जब हुई थी तो अपनी गेंदबाजी से सबको बाकी की सभी टीमों को डरा कर रखा था वाइंदू हसरंगा ने उसके अलावा चमेंडू वाज सिंगे इसरू उड़ाना ओशैन था एलन ने भी कमाल का काम किया है जी हाँ चाहे गेंदबाजी हो जब भी बल्लेबाजी का नंबर आता है पर भी कुछ अपना अपनी टीम के लिए बिल्कुल यहां पर योगदान देकर जाते हैं फेबियन एलन उसके अलावा चमिका करुणा रत्ने भी टॉप फॉर्म में है इस समय चलिए यहां से बात करते हैं दामोला जैंट्स की एक्सपेक्टेड प्लेइंग एलेवन की तो जी हां जॉर्डन कॉक्स यहां पर आपको दिखाई देंगे शेवन डेनियल होंगे भानुका राजपक्षे दशुन शनाका लाहिरू मधुशंका रविंदू फर्नैंडो सिकंदर रजा प्रमोद मधुशान मैथ्यू फोडे दिलुम उड़ाना नूर अहमद यहां पर आपको खेलते हुए दिखाई देंगे तो आप देख सकते हैं दामूला जैंट्स की टीम भी ऐसा नहीं है कि सितारों से पूरी तरह से सुसज्जित है चाहे आप सिकंदर रजा की बात कीजिएगा जो कि बहुत बढ़िया प्लेयर हैं दुनिया भर की लीगों में खेलते हैं हमेशा अपना बेस्ट देने की कोशिश करते हैं चाहे दशुन शनाका की बात कीजिएगा वो भी इनफॉर्म प्लेयर हैं चाहे आप यहाँ से बात कीजिएगा का राजपक्षे की वो भी दुनिया भर की लीगों में खेलते हैं और आक्रामक बल्लेबाजी के लिए अपनी जाने जाते हैं और करते भी हैं चाहे आप आई की बात कीजिएगा चाहे बाकी अलग बाकी लीगों की बात कीजिएगा लेकिन इस समय टीम का जो कॉम्बिनेशन है वो थोड़ा सा बिगड़ा हुआ है बात बन नहीं रही है बल्लेबाजी में बल्लेबाज फ्लोप हो रहे हैं गेंदबाजी में वो फील आ नहीं रही है तो यहाँ से कोशिश करेंगे दाम्बुला की टीम यहां से कोशिश करेगी कि आज के मुकाबले को जीतकर कम से कम थोड़ा इज्जत बचाई जाए क्योंकि अब आगे पहुँचने का चांस तो है नहीं इस टीम के पास इस साल दो के अंदर लेकिन यहाँ से थोड़ा सा इज्जत बचाने के लिए काम जरूर किया जा सकता है आज दाम्बूला जाइंट्स के लिए तो देखना होगा यहाँ से आज मुकाबला कैसा रहता है दिलचस्प रहेगा काफी देखना चलिए कुछ प्लेयर्स की बात करते हैं जिनके ऊपर आपको खासी पैनी निगाहें रखनी पड़ेगी श्रीलंका प्रीमियर लीग के अंदर तो चलिए देख लेते हैं यहाँ से कुछ प्लेयर्स दोनों ही टीम के कि कौन से वो प्लेयर्स आज होने वाले हैं जो अपनी टीम के लिए आज एम मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर साबित हो सकते हैं चलिए नंबर वन पर आते हैं यहाँ पर कार्लोस ब्रैथवेट कैंडी की टीम की तरफ से इनको अगर आज मौका मिलता है तो छः मैचों में अब तक पंद्रह विकेट ले चुके हैं जी हाँ ये हम सिर्फ गेंदबाजी की बात कर रहे हैं कार्लोस ब्रैथवेट की हालाँकि इनका जो मजबूत पक्ष है आज भी वो बल्लेबाजी माना जाता है लेकिन बल्लेबाजी में इतना कुछ काम किया नहीं है किया है लेकिन उम्मीद के मुताबिक खड़े नहीं उतरे हैं कार्लोस ब्रैथवेट लेकिन गेंदबाजी के अंदर जो उम्मीद थी उससे भी बढ़कर इन्होंने कमाल का काम किया है कैंडी फाल्कन्स के लिए चलिए बात करें एक और कप्तान की चाहे कप्तान बोलिएगा चाहे सबसे बेहतर गेंदबाज बोलिएगा वाइंदू हसरंगा की सात मैचों में अब तक नौ विकेट है शुरुआत बड़ी जबरदस्त हुई थी लेकिन पिछले कुछ मुकाबलों में विकेट्स थोड़ा सा कम मिले हैं लेकिन बढ़िया प्लेयर हैं जी ऐसे प्लेयर हैं कि किसी भी दिन फॉर्म में अपनी आ सकते हैं और वो हैट्रिक कौन भूल सकता है वो हैट्रिक वायंदू हसरंगा की कौन भूल सकता है जो इसलंका प्रीमियर लीग में ली थी चलिए बात करते हैं अब डामुला की तरफ से प्रमोद मधुषन की जी हाँ चार मैचों में छः विकेट ये भी ले चुके हैं लाहिर कुमारा अगर बात की जाए तो चार मैचों में छह चटका चुके हैं यहां पर हालांकि थोड़ी सी ज्यादा जरूर है इन दोनों गेंदबाजों की प्रमोद मधुशन की है नौ की लाहिरा कुमारू की है दस की लेकिन गेंदबाज ये दोनों बढ़िया है आज ये दोनों गेंदबाज अगर दोनों को टीम में जगह मिलती है तो शायद यहां से दाम्बला की टीम के लिए दोनों गेंदबाज काफी अच्छा कमाल का, का काम करके दिखा सकते हैं चलिए बल्लेबाजों की अगर यहाँ से बात की जाए तो आंद्रे फ्लेचर आंद्रे फ्लेचर यहाँ पर टॉप पर रहेंगे कैंडी फाल्कन्स की तरफ से सात मैचों में दो रन बल्लेबाजी का एवरेज बावन से ऊपर का वहीं कमिंदू मेंडिस ने भी कमाल का, का काम किया है दस मुकाबलों में दो रन बैटिंग एवरेज छब्बीस दशमलव आठ आठ का हालांकि स्ट्राइक रेट से थोड़ा सा शिकायत यहां पर जरूर रहने वाली है कमिंदू मैंडिस के क्योंकि स्ट्राइक रेट देखिए 110 115 का टी के अंदर नहीं चलता है लेकिन जिस तरह की गेंदबाजी है इनकी खासकर कैंडी की टीम की खासियत जरूर रही है कि अगर ये थोड़ा सा लो स्कोर भी बनाते हैं तो वो चल जाता है क्योंकि गेंदबाजी की जो यूनिट है इनकी सबसे तगड़ी यूनिट है इस समय अगर बात की जाए लंका प्रीमियर लीग के अंदर चलिए जॉर्डन कॉक्स की यहां से बात करते हैं तो छह मुकाबलों में एक सौ इकहत्तर रन बैटिंग एवरेज कोई खास नहीं अट्ठाईस दशमलव पांच का लेकिन स्ट्राइक रेट बड़ा लाजवाब है एक सौ इक्यावन का अगर आज यहां से मौका मिलता है और इस तरह के स्ट्राइक रेट से कुछ एक अच्छे रन यहां पर जॉर्डन कॉक्स बना देते हैं तो शायद यहां पर दबाव डाला जा सकता है कैंडी की टीम के ऊपर दूसरे नंबर पर आते हैं बल्लेबाज शेवन जी हां, शेवन जी बल्लेबाजी की अगर बात की जाए तो छह मुकाबलों में अब तक एक सौ पैंसठ रन बनाए हैं बैटिंग एवरेज देखिएगा सत्ताईस दशमलव पांच का स्ट्राइक रेट यहां पर काफी कमाल का एक सौ इक्कीस दो का तो देखना होगा कौन सा आज बल्लेबाज यहां से कमाल का, का काम करके दिखाएगा दोनों टीमों की तरफ से तो चलिए यार काफी सारे लोग भाई जुड़े हुए हैं सवाल आपके बहुत जल्दी लिए जाएंगे एक बार इस सेगमेंट को खत्म कर लिया जाए और बहुत जल्द आपको ड्रीम 11 टीमें भी दो दिखाने वाले हैं देख लीजिएगा आपकी स्क्रीन के ऊपर आने वाले लेकिन उससे पहले बात करेंगे कुछ एक टॉप प्लेयर्स की एक कुछ एक टॉप प्लेयर्स की यहां पर बात करेंगे जिनका प्रदर्शन हालिया जो प्रदर्शन है वो काफी कमाल का रहा है और आज भी उम्मीद है उम्मीद के मुताबिक आज भी ये प्लेयर आपको अच्छा काम करके दिखाई देंगे चलिए सबसे पहले बात करेंगे डामुला की तरफ से डामुला की तरफ से आते हैं एक आपके बल्लेबाज शेवन डेनियल जिनके बारे में हमने अभी बात की है हालांकि आप इनका अगर रिसेंट फॉर्म देखेंगे तो आप देख सकते हैं पिछले मुकाबले में 80 रन बनाए थे तो फॉर्म में है फॉर्म में है ये बल्लेबाज आज भी शायद यहाँ पर डाम्बूला की टीम के लिए एक बेहतर यहाँ पर बल्लेबाज का ऑप्शन साबित हो सकते हैं शेवन डेनियल चलिए बात करें यहाँ पर अगर चतुरंगा डी सिल्वा की तो बल्लेबाजी में कमाल का, का काम किया है थोड़ा बहुत ठीक ठाक किया है ज़्यादा कुछ खास नहीं ग्यारह गेंदों में ग्यारह रन पिछले मुकाबले में बनाए थे तो शायद आज के मुकाबले में अगर मौका मिलता है हालांकि इनको मौका मिलना थोड़ा सा मुश्किल लगता है टीम के कम्बिनेशन को देखते हुए लेकिन अगर मौका मिलता है तो शायद एक बेहतर ऑलराउंडिंग ऑप्शन यहाँ पर साबित हो सकते हैं डामुला की टीम के लिए चलिए बात करते हैं यहाँ पर डामुला के एक और गेंदबाज लाहिरू कुमार की इन्होंने भी भाई काफ़ी कमाल का, का काम करके दिखाया है हालांकि पिछले मैच में विकेट नहीं मिला था पिछले मैच में आज अगर इनको मौका मिलता है लाहिरू कुमारा को तो शायद ये ठीक ठाक ऑप्शन रह सकते हैं हालांकि आपके ऊपर डिपेंड करता है क्योंकि इनका जो प्रदर्शन है लाहिरू कुमारा का पिछले कुछ समय से काफ़ी ज़्यादा अनप्रिडिक्टेबल रहा है एक मैच में आते हैं चार विकेट लेकर चले जाते हैं दूसरे ही मैच में बिना विकेट के चले जाते हैं तो थोड़ा सा फिफ्टी फिफ्टी इनका चांस रहा है लाहिरू कुमारा का चलिए बात करते हैं अब कैंडी फाल्गन की तरफ से ऑलराउंडर फैबियन एलन की बल्लेबाजी में काफ़ी कमाल का काम गेंदबाजी में भी काफ़ी कमाल का काम जहां टीम को जरूरत होती है वहां दो सौ के स्ट्राइक रेट से भी रन बनाकर चले जाते हैं और जहां टीम को जरूरत होती है वहां एक दो विकेट भी एक साथ चटका देते हैं तो फैबियन एलन क्या कमाल का टैलेंट यहां पर उभर कर निकले हैं चाहे आप बात करें टी लीग की चाहे बात करें टी ट्वेंटी लीग की मेरे ख्याल से फैबियन एलन का जो भविष्य है वो काफ़ी उज्जवल है पिछली दो तीन सीरीजों से इनको नोटिस किया है फैबियन एलन को तो लगातार इनका जो प्रदर्शन है उसका जो स्तर है वो लगातार बढ़ता हुआ जा रहा है सीरीज सीरीज दर चलिए से बात करते हैं कार्लोस की तो इनकी गेंदबाजी की हमने बात कर ली इनकी बल्लेबाजी की यहां पर अगर बात की जाए तो बहुत निराशाजनक बहुत ही ज्यादा निराशाजनक प्रदर्शन रहा है कार्लोस ब्रेथवेट का लेकिन अगर बात की जाए गेंदबाजी की तो शायद बड़े बड़े गेंदबाजों को पीछे पछाड़ चुके हैं इस टूर्नामेंट के अंदर कार्लोस ब्रेथ्वे जी हाँ कार्लोस ब्रैथवेट की अगर बात की जाए यहाँ से तो थोड़ा सा निराश किया है जैसा कि हम आपको बता रहे थे थोड़ा सा निराश जरूर किया है यहाँ से बल्लेबाजी में लेकिन गेंदबाजी में बड़े बड़े बल्लेबाज बड़े बड़े गेंदबाजों को यहाँ से पीछे छोड़ दिया है कार्लोस ब्रेथवेट ने आज उम्मीद होगी कि बल्ले से भी थोड़ा सा अगर रन बरसाएंगे तो कैंडी की टीम को जो अपने मुकाबले जीतने के लिए अठारहवें उन्नीसवें बीसवें ओवर तक जाना पड़ता है तो शायद वो सोलवें सतरवें ओवर तक भी खत्म किए जा सकते हैं चलिए चमी का करुणा रत्ने की अगर बात की जाए कैंडी फाल्कन्स के लिए तो एक जबरदस्त बॉलर जबरदस्त गेंदबाज जिसने सामने वाली टीमों की खटिया खड़ी कर रखी है चमिका करुणा करुणारत्नी पिछले मुकाबले में चार विकेट यहां पर लेकर गए थे आज मौका मिलेगा नहीं मिलेगा वो यहां से देखना दिलचस्प होगा लेकिन अगर मौका मिलता है तो यह गेंदबाज बड़े ही कमाल का है आज भी यहां पर जबरदस्त आपको काम करके दिखा सकता है हालांकि कुछ प्लेयर्स को रेस्ट जरूर दिया जाएगा क्योंकि पॉइंट्स ठीक ठाक है यहां पर तो शायद कैंडी की टीम की तरफ से कुछ प्लेयर्स को यहां पर आराम आज दिया जा सकता है वो टॉस के बाद ही यहां पर पता चलेगा लेकिन चमिका कुणा रत्न आज खेलेंगे नहीं खेलेंगे यह प्लेइंग इलेवन के बाद यहां से पता चलेगा तो चलिए ये तो यहाँ से कुछ प्लेयर्स अब कुछ बात कर लेते हैं जी हाँ ड्रीम इलेवन की ड्रीम इलेवन की फैंटेसी के कुछ प्लेयर्स से खास प्लेयर्स से आपको एक बार मिलवा देते हैं रूबरू एक बार आपको करवा देते हैं फैंटेसी के कुछ प्लेयर्स से क्योंकि कमाल का रहा है फैंटेसी सीज़न अगर लंका प्रीमियर लीग की बात की जाए तो काफ़ी कमाल की कंसिस्टेंट यहाँ पर अपना जो टीमें लोग बनाते हैं भाई अच्छा काम कर भी रहे हैं अच्छा जीत भी रहे हैं तो इसके अंदर लंका प्रीमियर लीग के अंदर कुछ हुआ हो चाहे ना हुआ हो लेकिन फैंटेसी जो टीमें हैं वो काफ़ी कमाल की बनकर निकल कर ने आ रही हैं तो चलिए बात करते हैं यहां से कुछ प्लेयर्स की जिन्होंने फैंटेसी के अंदर अपने अपने डिपार्टमेंट में काफ़ी कमाल का, का काम किया तो सबसे पहले ऑलराउंडर्स की तरफ चलते हैं कौन से वो तीन ऑलराउंडर हैं जिन्होंने सबसे ज़्यादा पॉइंट्स दिए हैं फैंटेसी पॉइंट दिए हैं नंबर वन पर आते हैं वाइंदू हसरंगा पिछले खेले गए सात मुकाबलों में सत्तावन पॉइंट हर मैच में देकर जाते हैं सत्तावन पॉइंट आपको हर मैच में देकर जाते हैं दूसरे नंबर पर आते हैं फैबियन एलन कैंडी की ही तरफ से छः मुकाबले खेले हैं हर मैच में आपको इकसठ पॉइंट देकर जाते हैं तो पॉइंट देने के मामले में तो ये वांदू हसरंगा से भी आगे निकल चुके हैं चलिए तीसरे नंबर पर आते हैं यहां पर दामुला की तरफ से सिकंदर रजा पांच खेले गए मुकाबलों में हर मुकाबले में आपको पच्चीस पॉइंट यह भी देकर चले जाते हैं तो मेरे ख्याल से बेहतर चॉइस ऑलराउंडर में आज भी दो ही रहने वाली है यहां से वाइंदू हसरंगा और फिन एलन चलिए यहाँ से बात की जाए अगर विकेट कीपर्स की तो आंद्रे फ्लैचर होंगे नंबर वन पर आंद्रे फ्लैचर के हैं पिछले सात मुकाबलों में हर मैच में देकर जाते हैं तिरसठ दशमलव तीन पॉइंट जी हाँ कमाल का काम कमाल की बल्लेबाजी और अगर आप देखें इनको फैंटेसी पॉइंट्स के लिहाज से तो बड़े ही ज़बरदस्त पॉइंट यहाँ पर देकर जा रहे हैं पिछले खेले गए सात मुकाबलों में चलिए कॉक्स की बात करते हैं डांबुला की तरफ से तो इन्होंने भी खेले गए छः मुकाबलों में तिरपन दशमलव सात पॉइंट देकर जाते हैं हालांकि थोड़ा सा फ़ायदा रहता है विकेट कीपर को लेने का थोड़ा सा फ़ायदा जरूर ये रहता है कि अगर विकेट कीपर टीम के अंदर खेल रहा है तो देखिए तीन चार कैच आसानी के साथ पकड़े जाते हैं एक आधा बीच में अगर रनआउट भी यहाँ पर हो जाए तो देखिए पॉइंट्स बन जाते हैं चाहे विकेट कीपर रन बनाए चाहे ना बनाए लेकिन पॉइंट्स आपके यहाँ से बन जाते हैं तो विकेट कीपर का थोड़ा सा एडिशनल बेनिफिट ज़रूर होता है चलिए बात करते हैं एक और विकेट कीपर की कैंडी की तरफ से भानुका की जी हाँ महेश भानुका की अगर बात की जाए तो अब तक सिर्फ एक मुकाबला खेला है एक मुकाबले में सिर्फ और सिर्फ यहाँ से 27 फैंटेसी पॉइंट आपको दिए हैं चलिए गेंदबाजी की यहाँ से बात करते हैं नंबर वन पर आते हैं इसरू उड़ाना कैंडी फाल्कन्स की तरफ से खेले गए सात मुकाबलों में हर मैच में आपको बयालीस दशमलव एक पॉइंट देकर चले जाते हैं गेंदबाजों में दूसरे नंबर पर आते हैं डामुला की तरफ से पी मधुषण तो मधुषन ने भी खेले गए चार मुकाबलों में हर मैच में आपको सबसे ज़्यादा दोनों टीमों को मिलाकर सबसे ज़्यादा पॉइंट्स दिए हैं ऑन एवरेज हर मैच में लगभग बासठ पॉइंट करुणा रत्ने की चमिका करुणा रत्ने की अगर बात की जाए कैंडी की तरफ से तो खेले गए सात मुकाबलों में ये भी आपको हर मैच में पचास पॉइंट तो देखिए देकर चले जाते हैं तो यहाँ पर गेंदबाजों की श्रेणी में भी मेरे ख्याल से तीनों गेंदबाज ही टॉप पर रहेंगे चलिए बात करते हैं अब बल्लेबाजों की तो दशन शनाखा यहाँ पर टॉप पर हैं हर मैच में अड़तीस दशमलव आठ पॉइंट देकर जाते हैं शुरुआत बड़ी ज़बरदस्त हुई थी लेकिन अभी थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि जो डिप है थोड़ा सा जो परफॉर्मेंस है वो डिप जरूर हुई है दशुन शनाका की भी लेकिन पॉइंट्स अच्छे दिए हैं फिर भी यहाँ से पॉइंट्स अच्छे दिए हैं हालांकि अगर बात की जाए पॉइंट्स देने के मामले में तो शायद बल्लेबाजी में ही सबसे कम पॉइंट मिले बल्लेबाजों ने ही सबसे कम पॉइंट दिए हैं इस पूरे लंका प्रीमियर लीग में ऑलराउंडर्स ने कमाल का काम किया है खासकर विकेट कीपर्स ने बड़ा ज़बरदस्त काम किया है गेंदबाजों ने भी भर भर के पॉइंट्स दिए हैं लेकिन जो बल्लेबाज हैं मेन बल्लेबाज हैं किसी भी टीम के वहाँ पर थोड़ा सा पॉइंट्स की जो दिक्कत है वो हमेशा से चल रही है लंका प्रीमियर लीग के अंदर तो चलिए दूसरे नंबर पर आते हैं कुशाल मैंडे सात मुकाबले खेले हैं उनतालीस दशमलव नौ पॉइंट अब तक दिए हैं तीसरे नंबर पर हैं डेनियल दामुला की तरफ से छः मुकाबलों में ये भी हर मैच में आपको बयालीस दशमलव दो पॉइंट देकर चले जाते हैं तो चलिए ये थे कुछ प्लेयर्स अब बात करते हैं यहाँ से जी हाँ सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले दोनों टीमों की तरफ से तीन गेंदबाज कौन से है? नंबर वन पर आते हैं वाइंदू हसरंगा सात पारियों में अब तक दे चुके हैं नौ विकेट फैबियन एलन आते हैं दूसरे नंबर पर छः पारियों में आठ विकेट जी हाँ इसरू उड़ाना है तीसरे नंबर पर सात पारियों में आठ विकेट तो तीनों के तीनों गेंदबाज यहाँ पर कैंडी फालकन्स की तरफ से हैं तो डामुला के जो प्लेयर हैं उनका तो टॉप थ्री में यहाँ पर नंबर भी नहीं है खासकर विकेट्स लेने के मामले में चलिए रनों के मामले में देखते हैं कि क्या यहां पर कोई बल्लेबाज टिकता है टॉप थ्री की लिस्ट में डामुला की तरफ से तो नंबर वन पर है तो जी हाँ आंद्रे फ्लेचर आते हैं यहाँ पर नंबर वन पर सात पारियों में दो रन दूसरे नंबर पर हैं कमिंदू मैंडेस छः पारियों में एक रन जोर्डन कॉक्स जी हाँ चलिए बल्लेबाज का नंबर आया यहाँ पर डांबुला के प्लेयर का जोर्डन कॉक्स का छः पारियों में एक रन ये भी बना चुके हैं तो चलिए है, यहाँ पर बल्लेबाजों की लिस्ट में एक कम से कम एक प्लेयर ऐसा आया है बल्लेबाजों की लिस्ट में कि जिसको आज अपनी ड्रीम इलेवन टीम में लिया जा सकता है और नाम है उसका जोर्डन कॉक्स तो चलिए इस जितनी भी बातें हमने अब तक आपको बताई हैं उसके थोड़ा सा एक निचोड़ की तरफ आगे बढ़ते हैं कि निचोड़ क्या है तो जी हाँ सबसे ज्यादा फैंटेसी पॉइंट तीन टॉप के खिलाड़ी कौन से हैं जिन्होंने अब तक दिए हैं नंबर वन पर आते हैं आंद्रे फ्लैचर अब तक सात पारियों में इस लंका प्रीमियर लीग के एडिशन में चार पॉइंट दे चुके हैं वहीं वाइंदू हसरंगा सात पारियों में तीन पॉइंट अब तक दे चुके हैं वहीं फैबियन एलन की बात की जाए तो छह पारियों में तीन पॉइंट दे चुके हैं तो तीनों टॉप के जो बल्लेबाज हैं कैंडी फाल्कन्स की टीम के हैं जिन्होंने सबसे ज्यादा पॉइंट्स दिए हैं तो बिल्कुल जो हमारी टीम रहेगी जो हमारी दोनों टीमें अभी आपको दिखाएंगे ड्रीम इलेवन की फैंटेसी की तो वहाँ पर भी शायद आपको यही चीज़ें देखने के लिए मिलेगी तो चलिए देखते हैं इसी के साथ बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की तरफ जिसका नाम है सेशंस जी हाँ सेशन की बात की जाए तो आपको अक्सर बताता हूँ प्रेमदासा स्टेडियम में एक बार देख लेते हैं कि सेशन किस तरह से चलते हैं छः ओवर में कितने रन बनते हैं पहली पारी में दूसरी पारी में दस में कितने बनते हैं लंबी कितनी आती है कितने यहाँ पर एवरेज स्कोर रहता है तो पिछले दस मुकाबलों का अगर यहाँ से एग्रीगेट अगर टोटल किया जाए तो पहले छः ओवर में पहली पारी में बनते हैं ओन एवरेज बयालीस रन दूसरी पारी में बनते हैं उनचास रन दस ओवर का स्कोर है पहली पारी का सड़सठ रन दूसरी पारी का है तिहत्तर रन पंद्रह ओवर की अगर बात की जाए तो पहली पारी बनते हैं 102 रन दूसरी पारी में बनते हैं 102 रन 20 ओवर में पहली पारी का एवरेज स्कोर है 140 रन दूसरी पारी का एवरेज स्कोर है 142 रन जैसा कि आपको पहले बताया प्रेमदासा मैच की जो पिच की जो स्टेडियम की पिच है थोड़ा सा गेंदबाजों के लिए इंक्लाइन मानी जाती है खासकर तेज गेंदबाजों के लिए स्कोर यहां पर ज्यादा बनते नहीं है आज भी एक सौ का जो स्कोर है वो पार स्कोर यहां पर हो सकता है तो शायद यहां पर बल्लेबाजी थोड़ा संभल करनी होगी और जो टीम संभल कर बल्लेबाजी करेगी नहीं तो यहां पर आपको एक आधा आज दो दोनों टीमों की तरफ से एक आधा यहां पर सेटबैक देखने के लिए जरूर मिल सकता है क्योंकि विकेट्स यहां पर एक साथ गिरते हैं जी हां ऐसा नहीं है कि विकेट्स यहां गिरने में समय लगता है जब एक नया बल्लेबाज एक जमा हुआ बल्लेबाज आउट होता है तो उसके बाद आने वाले बल्लेबाज को खेलने में जमने में थोड़ा वक्त लगता है अगर वहां पर कहीं चूक हो जाती है तो लगातार यहां पर विकेट धड़ल्ले के साथ एक साथ गिरते हैं तो उम्मीद करते हैं देखना होगा कि ऐसा आज किस टीम के साथ होता है तो चलिए एक बार आपको टीमें भाई दिखा देते हैं यहाँ पर जल्द से जल्द दो टीमें हैं ड्रीम इलेवन टीमें जो फैंटेसी टीमें आपकी स्क्रीन के ऊपर है ग्यारह प्लेयर्स उम्मीद करते हैं कि ये सभी ग्यारह के ग्यारह प्लेयर्स आपको खेलते हुए आज दिखाई दें आपके आज के मैच में तो जल्द से जल्द स्क्रीन ले लीजिएगा तो दोनों ड्रीम इलेवन टीमें आपकी स्क्रीन के ऊपर है तो स्क्रीन लीजिएगा बाकी कुछ बदलाव अगर इसके अंदर यहाँ से करना होगा तो वो आपको बता दिया जाएगा तो हमारी पहली टीम के कप्तान रहेंगे आंद्रे फ्लैचर वाइस कैप्टन रहेंगे फैबियन एलन दूसरी टीम के कप्तान रहेंगे हमारे कॉक्स वाइस कैप्टन रहने वाले हैं दूसरी टीम के वाइंदू हसरंगा तो दोनों टीमें लगभग लगभग यहां पर बहुत अलग हैं जी हाँ काफी प्लेयर्स का आज डिफरेंस है अक्सर जो हमारी दो टीमें होती है वहां पर दो तीन प्लेयर्स का यहां पर डिफरेंस होता है लेकिन आज के मैच में काफी ज्यादा डिफरेंस यहां पर देखने के लिए मिला है चलिए ये डिफरेंस मैं आपको बता देता हूँ क्यों हूँ क्योंकि जो पहली टीम है पहली टीम के अंदर हमने एज्यूम करके चला है कि आज का जो मुकाबला है कैंडी फाल्कन्स की टीम जीत जाएगी और दूसरी जो हमारी टीम है उसके अंदर हमने एज्यूम करके दिया है कि या तो आज अपना दामुला की टीम ज़बरदस्त टक्कर देगी यहाँ पर कैंडी की टीम को या फिर आज का मुकाबला जीत जाएगी तो दो अलग अलग परिणामों के लिए दो अलग अलग टीमें आपके सामने यहाँ पर बनाकर तैयार कर दी गई हैं देख सकते हैं स्क्रीन ले लीजिएगा जल्द से जल्द बाकी तब तक हम चलते हैं अपने अगले सेगमेंट की तरफ़ चलिए एक बार टीम की परफॉर्मेंस की बात यहाँ से देख लेते हैं टीम की परफॉर्मेंस यहाँ पर कैसी रही है दोनों टीमों की क्या उनकी यहाँ पर प्रोज हैं क्या कौन से दोनों टीमों के है तो एक बार देख लेते हैं चलिए यहाँ से बात करते हैं टीम की ओपनिंग की तो टीम की ओपनिंग यहाँ पर कैंडी फाल्कन्स की भी ज़्यादा अच्छी नहीं है शुरुआत हालांकि अच्छी हुई थी लेकिन इस समय दोनों टीमों की जो ओपनिंग है वो थोड़ी सी चरमराई हुई जरूर लगती है पहला विकेट दोनों टीमों का जल्दी गिर जाता है मिडल ऑर्डर के अंदर भी अगर बात की जाए तो कैंडी की टीम थोड़ा सा आगे है थोड़ा सा आगे है मिडल ऑर्डर के अंदर भी बल्लेबाजी में बैटिंग डेप्थ की अगर बात की जाए तो यहाँ पर कैंडी की टीम आगे निकल जाती है काफ़ी आगे निकल जाती है क्योंकि कुछ एक क्रिटिकल मैच यहाँ पर आके जितवाए हैं चाहे फैबियन एलन हो जिस समय पर वो बल्लेबाजी करने आते हैं वो बढ़िया रन बना सकते हैं तो डेप्थ के मामले में यहाँ पर काफ़ी आगे निकल जाती है कैंडी की टीम तेज गेंदबाजी में यहाँ पर टॉप ऑन तेज गेंदबाजी में टॉप ऑन रही है कैंडी की टीम जी हाँ सबसे ज़बरदस्त तेज गेंदबाज इस समय कैंडी की टीम के पास है स्पिन बॉलिंग में यहाँ पर थोड़ा सा आगे कैंडी की टीम थोड़ा सा आगे जरूर है लेकिन ऐसा नहीं है कि डांबुला की टीम के पास गेंदबाजी नहीं है गेंदबाज उनके पास भी अच्छे हैं बस देखना होगा कि कैसे खुद को सुनियोजित तरीके से आज अटैक करते हैं क्योंकि अगर बढ़िया तरीके से जो डामुला की टीम है अगर टीम स्पिरिट के साथ सभी खिलाड़ी एक साथ मिलकर खेलते हैं गेम को गेम की तरह तो शायद आज कैंडी की टीम को शायद अपने इस टूर्नामेंट की दूसरी हार का सामना करना पड़ सकता है तो चलिए बात करते हैं इस ग्राउंड की प्रेमदासा स्टेडियम पर कौन सी टीम का यहाँ पर, पर प्रदर्शन कैसा रहा है तो कैंडी की टीम का प्रदर्शन यहाँ पर काफ़ी ख़राब है वहीं डाम्बुल की टीम ने यहाँ पर काफ़ी बढ़िया प्रदर्शन किया है नौ मुकाबलों में से नौ मुकाबलों में से सिर्फ दो मैच जीते हैं कैंडी की टीम ने इस टीम के इस मै इस मैदान के ऊपर वहीं डामुला की टीम ने आठ में से चार मुकाबले अपने नाम किए हैं तो चलिए देखना दिलचस्प रहेगा यहाँ से कि किस तरीके से यहाँ पर ये मुकाबला बाकी का चलेगा तो चलिए एवरेज स्कोर की बात की जाए तो कैंडी की टीम का है एक 135 रन डामुला की टीम का है 141 रन हाईएस्ट स्कोर इस मैदान के ऊपर कैंडी की टीम का है 170 रन डामुला की टीम का है एक रन और लोवेस्ट स्कोर की अगर बात की जाए तो कैंडी का है चौरानवे रन वहीं डामुला का है यहाँ पर उनहत्तर रन तो चलिए अगर इस मैदान के परफॉर्मेंस को ध्यान से देखा जाए तो यहाँ पर साफ साफ दिखाई देता है कि डांबुला की जो टीम है वो खेलना पसंद करती है प्रेमदासा स्टेडियम के ऊपर उसको खेलना पसंद है और काफ़ी बढ़िया तरीके से काफ़ी मुकाबले जीते भी तो आसान नहीं रहने वाला है कैंडी की टीम के लिए इस प्रेमदासा स्टेडियम के ऊपर सीधा सीधा हरा देना आसान नहीं रहने वाला है तो चलिए यहाँ से देखते हैं भाई टॉस कितनी जल्दी यहाँ से हो जाएगा एक बार फिर से जल्द से जल्द एक बार प्लेइंग एलेवन के ऊपर नज़र मार लेते हैं प्लेइंग एवन आप अपनी स्क्रीन के ऊपर यहाँ से देख सकते हैं तो कैंडी फाल्कन्स की आज एक्सपेक्टेड प्लेइंग एलेवन यहाँ पर शायद रहने वाली है जो उसके बारे में आपको बता दें ग्यारह खिलाड़ी एक बार फिर से जल्दी से मिनोद भानु का आंद्रे फ्लैचर कमिंदू मैंडिस आशेन बांद्रा नजीबुल जादरान वाइंदू हसरंगा चमी करुणा रत्न फेवियन एलन एन ओशन थामेस इसरू उड़ाना चमिंदू वाज सिंगे यहाँ पर आज आपको खेलते हुए दिखाई दे सकते हैं हालाँकि आपको पहले ही बता चुका हूँ क्योंकि कैंडी की टीम ऑलरेडी काफ़ी सारे पॉइंट्स बटोर चुकी है तो अपने कुछ खिलाड़ियों को रेस्ट ज़रूर दिया जा सकता है आज के इस मुकाबले में लेकिन दाम्बूला की अगर बात की जाए तो शायद अपनी सबसे बेस्ट टीम को आज खिलाना चाहेगी तो उनकी सबसे बेस्ट टीम मेरे ख्याल से जो आज खेल सकती है वो होंगे जॉर्डन कोक्स शेवन डेनियल भानुका राजपक्ष दशुन शनाका लाहिरू मधुशंका रविंदू फर्नांडो सिकंदर रजा प्रमोद मधुशन मैथ्यू फोड़ी दिलूम उड़ाना और नूर अहमद तो ये ग्यारह खिलाड़ी आज, आज आपको खेलते हुए दिखाई दे सकते हैं दाम्बुला जैंट्स की तरफ से तो बाकी देखते हैं एक बार देखते हैं टॉस का क्या हाल है भाई बाकी आपके सवाल भी लेते हैं मुकाबला काफ़ी बेहतरीन रहेगा तो अभी लोग जुड़ते रहिएगा स्ट्रीम को लाइक करते रहिएगा चैनल को सब्सक्राइब करते रहिएगा और जी हां डेल्टिन सेवन पर जाना बिल्कुल मत भूलिएगा तो चलते हैं यहां से टॉस की तरफ टॉस देखते हैं कितनी देर में यहां से हो जाएगा प्लेइंग इलेवन आते ही आपको प्लेइंग इलेवन दिखाई जाएगी और पहली गेंद से आपके साथ जुड़ जाएंगे इस मैच की लाइव हिंदी कमेंट्री में तो चलिए जी हम भाई सभी व्यूअर्स को एक बार फिर से नमस्कार स्वागत करते हैं आज के इस मुकाबले में तो दो टीमें दो ऐसी टीमें जिनमें से एक टीम इस समय टेबल में बिल्कुल सबसे टॉप पर बैठी हुई है और दूसरी टीम की अगर बात की जाए तो इस समय सबसे नीचे लगी हुई टीम है तो देखना होगा आज आखिरी मौका होगा यहाँ पर जी हाँ दामुला की टीम के लिए आज आखिरी मौका होगा इस मुकाबले में अगर अपनी जो उम्मीदें हैं जिंदा रखनी है इस टूर्नामेंट में आगे बढ़ने की तो आज का जो मुकाबला है वो जीतना यहाँ से बेहद ज़रूरी है दाम्बला की टीम के लिए तो चलिए देखते हैं किस तरह से यहाँ पर मुकाबला चलता है उम्मीद है कि एक बेहतर मुकाबले की यहाँ से उम्मीद करके चलते हैं तो आपको यहां से सारे जो, के सारे जो स्टेट है वो बता दिए गए हैं टॉस पर बहुत जल्द होने वाला है थोड़ा सा जो मौसम है यहां पर अगर बात की जाए तो थोड़ा सा यहां पर ओवरकास्ट कंडीशन जरूर है जी हां मैदान के ऊपर ओवरकास्ट कंडीशन है हालांकि बारिश आने की यहां पर संभावना नहीं है अगर आती भी है तो बहुत हल्की एक पासिंग शावर आपको देखने के लिए मिल सकती है मुकाबले के बीच में ओवर कटने की यहां से कोई संभावना नहीं है हालांकि अगर बात की जाए पिच की तो पिच जो है थोड़ा सा तेज घेना

तो जी हाँ चलिए देखते हैं टॉस यहाँ से कितनी देर में होता है टॉस के लिए सभी लोग यहाँ पे जुड़ते रहिएगा प्लेइंग एलेवन जी हाँ टॉस हो चुका है चलिए टॉस यहाँ से हो चुका है कैंडी फाल्कन्स की टीम ने टॉस जीता है टॉस जीत कर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला यहाँ से किया तो चलिए टॉस भाई साहब यहाँ से हो चुका है कैंडी की टीम यहाँ से मुकाबले में तो फेवरेट है ही इस समय टेबल में भी सबसे नंबर वन पर है और टॉस भी जो आज है वो अपने नाम कर लिया है यहाँ पर कैंडी की टीम ने देख सकते हैं आप अपनी स्क्रीन पर तो टॉस जो है वो टॉस यहाँ पर जीत लिया है कैन की टीम ने तो देखना दिलचस्प होगा और पहले यहाँ पर फैसला किया है जी हाँ बल्लेबाजी करने का तो रिस्क लिया है रिस्क यहाँ पर लिया है कैन की टीम ने क्योंकि ड्यू यहाँ पर बहुत ज़्यादा पड़ती है पूरे श्रीलंका के अंदर इस समय अगर मौसम की बात की जाए श्रीलंका ही नहीं अगर आप पूरे भारतीय महाद्वीप को यहाँ से उठाए तो ड्यू की जो कंडीशन है वो बहुत ज़्यादा ख़राब रहती है इन मुकाबलों के अंदर लेकिन फिर भी कैंडी की टीम ने यहाँ पर एक छोटा सा रिस्क जरूर लिया है टॉस जीत कर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया है तो दूसरे बार जी हाँ गेंदबाजी करनी होगी कैंडी फाल्कन्स की टीम को तो हो सकता है कि इस समय टेबल की सबसे टॉपर की टीम है तो शायद थोड़ा सा यहाँ पर बदलाव थोड़ा सा रिस्क यहाँ पर लेना चाहते हो हालाँकि खबरें ऐसी भी हैं कि आज कुछ प्लेयर्स को आराम भी दिया जा सकता है हालाँकि देखना होगा बाकी कितनी कि उसके अंदर सच्चाई है तो चलिए एक बार आपको यहाँ से प्लेइंग इलेवन दिखा देते हैं प्लेइंग इलेवन एक बार आपको यहाँ से दिखा देते हैं देखते हैं कि प्लेइंग इलेवन यहाँ पर किस प्रकार से रहने वाली है तो सभी लोग भाई जुड़ते रहिएगा प्लेइंग इलेवन के लिए प्लेइंग इलेवन यहाँ पर आने वाली है बहुत जल्द आपकी स्क्रीन के ऊपर तो आपकी स्क्रीन के ऊपर प्लेइंग इलेवन लेकर आने वाले हैं तो सर सभी लोग भाई जल्द से जल्द यहाँ पर जुड़ते रहिएगा प्लेइंग इलेवन देखते हैं किस किस खिलाड़ी को यहाँ पर रेस्ट दिया गया है किस किस खिलाड़ी को यहाँ पर आराम दिया गया है और कौन कौन सा खिलाड़ी आज आपको यहाँ पर खेलते हुए नजर आएगा जी हाँ बहुत जल्द यहाँ पर प्लेइंग इलेवन आ जाएगी आपकी स्क्रीन के ऊपर टॉस कहा एक बार फिर से आपको बता देते हैं कैंडी की टीम ने टॉस जीता है टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया थोड़ा सा रिस्की आज ऑप्शन था चूज करते हुए टॉस जीतकर यहां पर पहले बल्लेबाजी करते हुए क्योंकि जो ड्यू का खेल है वह काफी बड़ा रहने वाला है और मेरे ख्याल से, से दामोला की टीम भी काफी खुश होगी क्योंकि वो भी अगर टॉस जीतती गेंदबाजी करने का ही फैसला करती तो कैंडी की टीम ने वही कर दिया जो दामोला की टीम यहां से चाहती थी अब दामूला की टीम टीम के पास काफी बेहतर मौका है यहां से इस मुकाबले को जीतने का हालांकि टॉस हारे हैं लेकिन हुआ वही है जो की टीम चाहती थी बाकी देखते हैं मुकाबले में किस तरह का प्रदर्शन करते हैं क्या एक और आज यहां पर टाइट मुकाबला देखने के लिए मिलने वाला है देखना यहां से काफी दिलचस्प रहेगा बाकी देखते हैं प्लेइंग इलेवन की तरफ एक बार रुक करते हैं देखते हैं प्लेइंग यहां पर कितनी देर में आती है आर प्रेमदासा स्टेडियम कोलंबो श्रीलंका के अंदर यह मुकाबला दोनों टीमें हालांकि काफी जबरदस्त है सितारों से सुसज्जित है लेकिन परफॉर्मेंस के आधार पर अगर बात की जाए तो दोनों टीमों का कंपैरिजन भाई हो ही नहीं सकता जो इस समय परफॉर्मेंस रहा है इस टूर्नामेंट के अंदर दोनों टीमों का तो वहाँ बिल्कुल भी जो कंपैरिजन है वो पॉसिबल नहीं है क्योंकि एक टीम आसमान की ऊंचाइयों पर है तो दूसरी टीम बिल्कुल धरती के गर्त में पड़ी हुई है जी हाँ दाम्बला उस टीम का नाम है बाकी देखते हैं कैसे आज का मुकाबला चलता है चलिए बात करते हैं इंपॉर्टेंट प्लेयर्स की पिछले मैच से दो इंपॉर्टेंट प्लेयर हमने उठाए हैं नंबर वन पर आते हैं जॉर्डन कोक्स जिस तरीके से बल्लेबाजी की थी पिछले मुकाबले में जॉर्डन कोक्स ने तो काफ़ी कमाल किया था आज भी मेरे ख्याल से अगर दामूला की टीम से चलते हैं जॉर्डन कोक्स तो यहाँ से एक बेहतर स्थिति में खुद को पाएगी दामूला की टीम अट्ठावन गेंदों में सतहत्तर रन बनाए थे और शायद इस टूर्नामेंट के अंदर सबसे बेहतर पारी अगर किसी ने खेली है दामूला की टीम के लिए तो जॉर्डन कोक्स की यही पारी याद आती है इसके अलावा कोई और ख़ास पारी ऐसी है नहीं चलिए बाकी बात की जाए आंद्रे फ्लैचर की जी हाँ कैरिबियन सुपर स्टार आंध्रे फ्लैचर ने कमाल करके दिखाया है लंका प्रीमियर लीग में ऐसा लगता है कि लंका की जो पिछे यहाँ बिल्कुल पसंद आ गई है आंध्रे फ्लैचर को तो बावन के यहाँ पर औसत से रन बनाए हैं दो रन इस सीजन में जो कि किसी भी बल्लेबाज के द्वारा बनाए हुए रनों से ज्यादा हैं तो आंद्रे फ्लैचर यहाँ पर एक मेन मुद्दा रहेंगे अगर आंद्रे फ्लैचर का विकेट थोड़ा सा जल्दी ले लेते हैं तो शायद उसके बाद देखना होगा कि किस तरीके से कैंडी की टीम रिस्पॉन्स करती है तो देखना काफ़ी दिलचस्प रहेगा तो चलिए प्लेइंग इलेवन का भाई इंतजार यहां से करते हुए प्लेइंग इलेवन बहुत जल्द आने वाली है तो चलिए प्लेइंग इलेवन यहां से आ चुकी है जी हाँ प्लेइंग इलेवन यहां से आ चुकी है तो बहुत जल्द आपको प्लेइंग इलेवन बता देते हैं एक बार तो प्लेइंग इलेवन आ चुकी है जुड़े रहिएगा दाम्बूला की टीम कैंडी की टीम की प्लेइंग इलेवन आ चुकी है तो आपकी स्क्रीन पर भी एक बार दिखाने की कोशिश करेंगे यहाँ से बहुत जल्द दोनों ही टीमों की प्लेइंग इलेवन तो देखना दिलचस्प होगा किस किस खिलाड़ी को यहाँ से जगह मिली है किस किस खिलाड़ी को बाहर का रास्ता दिखाया गया है इस टीम के

चलिए यहां से टीम के अंदर बदलाव है टीम के अंदर यहां से बदलाव है तो चलिए बात करते हैं एक बार दाम्बुला की टीम की प्लेइंग इलेवन अगर आपको बताऊं तो जोर्डन कोक्स होंगे विकेट कीपर शेविन डेनियल खेलते नजर आएंगे रविंदू फर्नाडो होंगे नूर अहमद प्रमोद मधुशन भानु का राजपक्षे दशुन शना का कप्तान होंगे सिकंदर रजा दिलूम सुधीरा तिलक रत्ने मैथ्यू फोर्डी कलन परेरा यहां पर होंगे तो शायद जो हमारी टीम थी एक्सपेक्टेड प्लेइंग इलेवन बिल्कुल एग्जैक्ट सेम डिटो वही टीम यहां पर आई है जो आपको एक्सपेक्टेड जो प्लेइंग इलेवन बना कर दी थी काफ़ी लोग सवाल पूछ रहे थे कार्लोस ब्रैथवेट के बारे में तो भाई साहब पहले से ही अंदेशा था खबरें आ चुकी थी कि शायद कार्लोस ब्रैथवेट आज के मुकाबले में नहीं खेलेंगे तो इसी वजह से आपको जो एक्सपेक्टेड प्लेइंग इलेवन है वो बनाकर दी थी तो चलिए देखते हैं कार्लोस ब्रैथवेट के ना होने से टीम को कितना फ़र्क यहाँ पर पड़ने वाला है क्योंकि बल्लेबाजी में ना सही लेकिन गेंदबाजी में तो देखिए काफ़ी कमाल का काम करके दिखाया है तो चलिए देखते हैं आपकी स्क्रीन के ऊपर दिखाने की कोशिश करते हैं कि प्लेइंग इलेवन यहाँ से आ चुकी है या अभी और कितना वक्त लगने वाला है जी हाँ ऐसा लग रहा है कि अभी वक्त लगने वाला है अभी वक्त यहाँ से लगने वाला है प्लेइंग इलेवन आपकी स्क्रीन के ऊपर आने में तो चलिए देखते हैं जी हाँ जी हाँ जी हाँ ऐसा लगता है कि प्लेइंग इलेवन आ चुकी है आपकी स्क्रीन के ऊपर तो कोशिश करते हैं एक बार चलिए जी हाँ प्लेइंग 11 आपकी स्क्रीन के ऊपर आ चुकी है तो एक बार आपको भाई आपकी स्क्रीन के ऊपर भी दिखा देते हैं बता देते हैं कि प्लेइंग 11 आज के इस मुकाबले की क्या रहने वाली है तो सभी लोग भाई जुड़ते रहिएगा जुड़ते रहिएगा सभी लोग जल्द से जल्द और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भूलिएगा मत क्योंकि मुकाबला जो है जी हाँ क्योंकि मुकाबला जो है वो काफी बेहतरीन आज का होने वाला है काफी बेहतरीन मुकाबला आज का यहां पर आपको देखने के लिए मिलने वाला है तो कोशिश करेंगे यहां से कोशिश करेंगे यहाँ से कि एक ज़बरदस्त मुकाबला आपको यहाँ पर देखने के लिए मिले हालांकि दोनों टीमों की कोई टक्कर नहीं है कोई बराबरी नहीं है जैसा कि आपको बताया एक टीम अगर अर्श पर है तो दूसरी टीम यहाँ पर फर्श पर मौजूद है लेकिन कई बार ऐसी जो दो टीमों के बीच में मुकाबला होता है और वहाँ पर जो सेटबैक होता है टूर्नामेंट के अंदर क्या कैंडी फालकन्स की टीम के लिए पहला सेटबैक आज के इस मुकाबले में होने वाला है देखना यहाँ से काफ़ी दिलचस्प रहेगा तो भाई जुड़े रहिएगा आज के इस मुकाबले को देखने के लिए बहुत जल्द आपके सवाल भी लेंगे काफ़ी सारे भाई सवाल भेज रहे हैं सवाल ले नहीं पाए हैं कि अब सवालों की तरफ आपके बढ़ते जरूर हैं आपके सवालों की तरफ बढ़ेंगे यहाँ से तुरंत तो चलिए देखते हैं किस तरीके से यहाँ पर प्लेइंग 11 है जी हाँ अपनी स्क्रीन की तरफ आप अगर थोड़ा सा ध्यान देंगे तो प्लेइंग 11 आपकी स्क्रीन के ऊपर यहाँ पर आ चुकी है चलिए एक बार यहाँ से दिखाते हैं आपको प्लेइंग एलेवन आपकी स्क्रीन के ऊपर थोड़ा सा यहाँ पर वक्त लगते हुए वक्त थोड़ा सा यहाँ पर लगते हुए लेकिन निराश नहीं होना है निराश नहीं होना है क्योंकि मुकाबला शुरू होने में अभी थोड़ा सा वक्त है और बाकी जो हमने आपको ड्रीम इलेवन टीमें बना के दी थी उसके बारे में भी बात करेंगे अगर यहाँ से कोई चेंजेज़ उसके अंदर करना है तो बिल्कुल आपको यहाँ से बताएंगे हालाँकि कार्लोस ब्रेथवेट को हमने वहाँ पर भी नहीं रखा था जी हाँ कार्लोस ब्रैथवेट के बारे में जानकारी आ चुकी थी आज सुबह ही लंका प्रीमियर लीग के लिए तो चलिए यहां से जी हाँ आपको दिखा देते हैं एक बार प्लेइंग इलेवन आपको एक बार दिखा देते हैं दोबारा से एक बार आपको बता देते हैं प्लेइंग इलेवन तो जी हाँ टॉस का सबसे पहले आपको बताएं कि टॉस यहाँ पर कैंडी फाल्कन्स की टीम ने जीता है टॉस जीतकर एक थोड़ा सा जिसकी उम्मीद नहीं थी वो फैसला यहाँ पर लेते हुए टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया है यहाँ पर टीम ने पहले बल्लेबाजी करेगी हालांकि दूसरी पारी में गेंदबाजी करना काफ़ी मुश्किल होता है शाम के मुकाबलों में खासकर एशियन महाद्वीपों के अंदर क्योंकि ड्यू की वजह से ड्यू काफ़ी ज़्यादा पड़ती है गेंद बिल्कुल गीली हो जाती है अगर दो शॉट किसी खिलाड़ी तो ने बाहर मार दिए गेंद अगर जाती है सीधा ग्राउंड की तरफ आउटर ग्राउंड में तो फिर देखिए गेंद बिल्कुल एकदम गीली बनकर आती है चलिए जी हां कैंडी फाल्कन्स की तरफ से अगर बात की जाए तो यहां से आपको अगर बताएं प्लेइंग इलेवन कैंडी फाल्कन्स की जी हां आपको बताते हैं कैंडी फाल्कन्स की आपको प्लेइंग 11 जी हाँ चलिए कैंडी फाल्कन्स की तरफ चलते हैं एक बार प्लेइंग एलेवन आपको बता देते हैं कैंडी फाल्कन्स की तो कैंडी फाल्कन्स की टीम में आपको खेलते हुए दिखाई देंगे यहाँ पर भानु का जी हाँ भानु का विनोद भानु का यहाँ पर खेलते हुए दिखाई देंगे कुशाल मैंडिस यहाँ पर होंगे आशीन भंडारा आपको खेलते हुए दिखाई देंगे नजीबुल्ला जादरान यहाँ पर होंगे वाइंदू हसरंगा इस टीम के कप्तान रहेंगे चमिका करुणा रत्न यहाँ पर आपको खेलते हुए दिखाई देंगे ओशन थॉमस को यहाँ पर टीम में आपको देखते हुए मिलेंगे फेबियन एलन यहाँ पर खेलते हुए दिखाई देंगे उसके अलावा यहाँ पर होंगे मिंदुवाज सिंगे जी हां आज जगह मिली है केविन बंदारा को केविन बंदारा को आज जगह मिली है टीम के अंदर उसके अलावा जहूर खान को भी टीम के अंदर आज वापसी हुई है कैंडी की तरफ से बाहर किस किस को किया गया है आंध्रे फ्लैचर इसरू उड़ाना को आज टीम से बाहर किया गया है चलिए आंद्रे फ्लैचर और इसरू उड़ाना को टीम से बाहर किया गया है तो आंद्रे फ्लैचर इस टीम के सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज टीम से बाहर हैं इसरू उड़ाना जिन्होंने बड़ी जबरदस्त गेंदबाजी की है वो भी टीम से बाहर हैं तो एक रिस्क तो लिया है एक रिस्क लिया है और या शायद यही रिस्क है जिसका जो फायदा है वो दामुला की टीम आज उठा सकती है तो देखना दिलचस्प रहेगा दाम्बला की टीम किस प्रकार से आज करती है यहां पर गेंदबाजी या फिर बल्लेबाजी चलिए बात करते हैं दाम्बला की टीम की तो यहां पर जोर्डन कोक्स आपको खेलते हुए दिखाई देंगे विकेट कीपर है उसके अलावा यहां पर होंगे शेवन डेनियल जी हां उसके अलावा होंगे रविंदू फर जो उसके अलावा खेलते हुए दिखाई देंगे नूर अहमद मौका मिला है प्रमोद मधुशन को भानुका राजपक्षे इस टीम के अंदर होंगे दशुन सनाका टीम के कप्तान होंगे सिकंदर रजा ऑलराउंडर के तौर पर यहां पर आपको खेलते हुए दिखाई देंगे इसके अलावा दिलूम सुधीरा यहां पर आपको खेलते हुए दिखाई देंगे इसके अलावा होंगे अगर आज बात की जाए तो चमिका विक्रम सिंघे को जी हाँ चमिका विक्रम सिंघे को आज बाहर किया गया है उसके अलावा मैथ्यू फोर्डी जी हाँ भी आज मैथ्यू फोर्डी आपको खेल चलते हुए दिखाई देंगे चलिए ये रही यहाँ पर दोनों ही टीमों की प्लेइंग एलेवन आपकी स्क्रीन के सामने तो आज शायद कैंडी की जो टीम है वो थोड़ा सा कमज़ोर तो दिखती हुई कमज़ोर थोड़ा सा आज लग रही है कैंडी फाल्कन्स की टीम क्योंकि कुछ बदलाव यहाँ पर होते हुए जो इस टीम के स्ट्रॉग होल्ड थे जो इस टीम के सबसे बेहतर बल्लेबाज थे इस समय तक चल रहे थे या गेंदबाज थे उनको आज रेस्ट दिया गया है शायद फाइनल की तैयारियाँ करने में लग गई है कैंडी की टीम फाइनल की तैयारियाँ करने में लग गई है और ऐसा लगता है कि कैंडी की टीम की इस तैयारियों की बदौलत आज एक जैकपोर्ट मुकाबला हमें देखने के लिए मिल सकता है तो चलिए देखते हैं किस तरीके से मुकाबला चलता है मुकाबला बहुत जल्द शुरू होने वाला है तो लेते हैं यहां से थोड़े से आपके सवाल उसके बाद सीधा चलेंगे मुकाबले की तरफ तो जी हाँ यहाँ से बात अगर की जाए टीम की तो भाई साहब टीमें आपको बता दी गई हैं तो चलिए लेते हैं यहाँ पर आपके थोड़े से सवाल सवाल भाई भेजते रहिएगा चेतन भाई जुड़े हैं सत्येंद्र भाई एक टीम ऑलराउंडर को बना दो भाई बाकी की आपकी मर्जी से बनाओ चेतन भाई क्या हाल है भाई कैसे हैं चेतन भाई हमारे साथ जुड़ चुके हैं तो चेतन भाई आपका स्वागत है सत्येंद्र यादव भाई ने लिखा है धन्यवाद जोगिंदर सिंह जुड़े हैं सर पहले बैटिंग कौन करेगा जोगिंदर सिंह भाई पहले आज कैंडी की टीम ने अपने पैरों पर खुद कुल्हाड़ी मार ली है हालाँकि टीम काफी मुकाबले जीत चुके हैं तो देखिए टूर्नामेंट के अंदर हर एक चीज का एक्सपीरियंस होना चाहिए तो शायद कैंडी की जो टीम है वो आज एक्सपीरियंस लेना चाहती है कि किस तरीके से यहां पर अगर पहले उनकी बल्लेबाजी आ जाती है फाइनल के अंदर या फिर सेमीफाइनल के अंदर तो वो किस प्रकार से इसको डील करेंगे तो शायद ये काफी महत्वपूर्ण तो रहेगा आज देखना होगा बाकी शायद एक फैसला है कैंडी की टीम का यह फैसला कि वो पहले टॉस जीतकर बल्लेबाजी करेंगे यहीं पर सिर्फ एक चांस बनता है छोटा सा दाम्बला की टीम के लिए कि क्या वो इस मुकाबले के अंदर थोड़ा ऐसा जी हाँ कुछ मजा लेके आ सकती है क्या चेतन भाई ने लिखा बोलर भाई हसरंगा उब्तुल्ला महेश ने लिखा है आपका टीम बोलो भाई उपतुल्ला भाई बिल्कुल बोलेंगे भाई मुकाबला एक बार शुरू होने दीजिएगा क्योंकि देखिए कैंडी की टीम काफ़ी मजबूत है आज मन कर रहा है कि आज थोड़ा सा दाम्बूला का सपोर्ट करें दाम्बूला का सपोर्ट करते हुए भाई साहब डर बड़ा लगता है तो थोड़ा सा इंतजार कीजिएगा थोड़ा सा वक्त दीजिएगा मुकाबला शुरू होने दीजिएगा उसके बाद बात करेंगे सचिन भाई ने लिखा है आज कौन सी टीम जीतेगी भाई सचिन रॉक भाई भाई साहब जो भी टीम जीते लेकिन आपके नाम के जो सामने रॉक लगा हुआ है ना वो बिल्कुल नहीं हटने देंगे, बिल्कुल नहीं हटने देंगे तो बिल्कुल निश्चिंत रहिएगा चेतन भाई जुड़े हैं शशांक भाई कैसे हो चेतन भाई बहुत बढ़िया हूं, तो भाई आज के मेरे को ऐसा लगता है कि दोनों मुकाबले थोड़ा ठीक रहे नहीं है जो दिन के पहले मुकाबला था अपना इसका बिग बैच लीग का दूसरा मुकाबला था अपना लंका प्रीमियर लीग का तो दोनों शायद मुकाबले ज्यादा ठीक रहे नहीं है तो आज तीसरा मुकाबला आज रात के आखिरी मुकाबले के लिए आप लोगों के साथ जुड़ चुके हैं तो चलिए देखते हैं कैसे यहां पर भाई मामला बनता है कोशिश करेंगे बाकी एकदम बढ़िया करने की सब कुछ जोगिंदर सिंह भाई ने लिखा पहले बैटिंग कौन करेगा जोगिंदर भाई पहले बल्लेबाजी आपको कैंडी की टीम करते हुए दिखाई देगी चेतन भाई करुणा रत्ने लेना भाई बस बाकी देखना आपकी मर्जी है एपिक भाई ने लिखा है ओपनिंग कौन आएगा एपिक भाई का एपिक सवाल यहां पर आते हुए कि ओपनिंग करने के लिए कौन आएगा हालांकि भाई कैंडी की टीम के अंदर आज बदलाव जरूर हुए हैं जी हाँ आंद्रे फ्लैचर आज टीम के अंदर नहीं है तो भाई साहब देखना होगा देखना होगा क्या कॉम्बिनेशन बनाते हैं कैंडी वाले और एक्चुअली क्या है ना इतने सारे बदलाव कैंडी की टीम कर चुकी है तो शायद आज आपको उनके नंबर्स में भी बदलाव होते हुए दिख जाए क्योंकि आज ये टीम पूरी तरह से रिस्क लेना चाहती है ये टीम चाहती है कि हम सब कुछ गलत कर दें अगर तो क्या आज भी ये मुकाबला जीत सकते हैं तो देखना दिलचस्प रहेगा चेतन भाई शशांक भाई ये वाला मैच मस्त होगा चेतन भाई उम्मीद तो है उम्मीद तो है कि ये मैच यहाँ से मस्त होना चाहिए बाकी भाई पिछले जितने भी मैच किए हैं शायद पिछले तीन चार मुकाबलों से अब तो आदत सी पड़ चुकी है जैकपॉट की तो देखना दिलचस्प होगा कि इस मुकाबले में भाई कैसा यहाँ पर कमाल का, का काम करके दिखाती है ये टीम है बाकी दाम्बूला से उम्मीदें बहुत हैं दाम्बूला से उम्मीदें बहुत हैं आज के इस मुकाबले में तो चलिए देखते हैं हालाँकि उम्मीदें रखनी नहीं चाहिए क्योंकि टीम की जो हालात हैं इस समय वो भाई साहब काफ़ी ख़राब हैं चेतन भाई शशांग भाई ये वाला मैच मस्त होगा संदीप गेमर भाई आपका टीम संदीप भाई देखिए आज मन है मन है यहाँ से सच बता दूँ आपको दाम्बला की टीम को सपोर्ट करने का क्योंकि सिचुएशन भी यही कहती है कंडीशंस भी यही कहती है और जिस प्रकार के जो बदलाव हैं कैंडी की टीम ने अपनी टीम के अंदर किए हैं आज वो भी थोड़ा सा यही दर्शाते हैं कि आज शायद यहाँ से एक उलटफेर होते हुए आपको दिख जाए बाकी मुकाबला शुरू होने दीजिएगा मुकाबला शुरू होने दीजिएगा आज चलेंगे हम एंट्री के हिसाब से एंट्री जिस टीम के पहले मिलती है जो रेट छोटा लगता है उसके हिसाब से देखेंगे डिसाइड करेंगे कि कौन सी टीम यहां से बाजी आज की मारती है सुखराम गोदारा भाई टीम में कैप्टन वाइस कैप्टन किसको बनाए सुखराम भाई देखिए कप्तान वाइस कैप्टन की अगर बात आती है यहां से तो देखिए यहां से फेवरेट रहेंगे हसरंगा भी रहेंगे हसरंगा भी यहां से फेवरेट रह सकते हैं लेकिन ये जो पिच है प्रेमदासा स्टेडियम की जो पिच है ये तेज गेंदबाजों को खासकर बढ़िया तरीके से सपोर्ट करती है तो कप्तान के लिए मेरे पास ऑप्शन भाई यहां पर इस समय तो दो ही रहेंगे वाइंदू हसरंगा को बना सकते हैं आप जोर्डन कोक्स को आप बना सकते हैं हालांकि अगर थोड़ा सा और रिस्क लेना चाहते हैं तो दशुन शनागा के साथ जा सकते हैं फैबियन एलन को भी आप अपना कप्तान बना सकते हैं क्योंकि भाई प्रदर्शन जो है फैबियन एलन का वो भी काफी कमाल का रहा है प्रदीप राव ने लिखा भाई किस चैनल पर आ रहा है प्रदीप राव भाई चैनल तो शायद भाई साहब सोनी पर होगा नहीं तो आप डेल्टिन पर जाकर देख सकते हैं तो चलिए भाई मुकाबला शुरू होने वाला है मुकाबला यहाँ से शुरू होने वाला है बहुत जल्द है तो भाई एक बार आपको फिर से प्लेइंग इलेवन बताते हैं प्लेइंग 11 आपको एक बार फिर से बता देता हूँ और उसके बाद सीधा जुड़ेंगे यहाँ से चलेंगे मुकाबले के लिए तो सभी लोग भाई जुड़ते रहिएगा इस बेहतरीन मुकाबले के लिए वीरेंद्र सिंह ने लिखा है के भंडारा कैन ओपन कौन सा मजबूत टीम है तक क्रिकेट इन हिंदी ने लिखा भाई साहब मजबूत टीमों की अगर बात की जाए तो हालांकि देखिए क्रिकेट में मजबूत जैसा कुछ होता नहीं है मजबूत से मजबूत टीमें हमने पिछले तीन दिनों में डहती देखी हैं ताश के पत्तों की तरह तो मजबूती से विश्वास उठ चुका है पिछले दो तीन दिनों के क्रिकेट को देख कर, लेकिन फिर भी अगर आप पूछ रहे हैं तो बता दूँ कि जो मजबूत टीम है यहाँ से कैंडी की टीम है कैंडी की टीम है यहाँ से मजबूत टीम तो भाई साहब चलिए एक बार आपको यहाँ से दिखाते हैं प्लेइंग 11 प्लेइंग 11 के बाद तब तक मुकाबला शुरू हो जाएगा तो आखिरी बार प्लेइंग 11 एक बार देख लीजिएगा आपकी स्क्रीन के ऊपर उसके बाद यहाँ से जुड़ेंगे सीधा आपके साथ प्लेइंग 11 लेकर मैच लेकर जी हाँ मैच की पहली गेंद से आपके साथ उसके बाद फिर जुड़ जाएंगे आ, तो प्लेइंग 11 का मजा लीजिएगा उसके बाद जुड़ेंगे सीधा आपके साथ मुकाबले के अंदर तो जी हाँ टॉस का सबसे पहले आपको बताएं कि टॉस यहाँ पर कैंडी फाल्कन्स की टीम ने जीता है टॉस जीतकर एक थोड़ा सा जिसकी उम्मीद नहीं थी वो फैसला यहाँ पर लेते हुए टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया है यहाँ पर टीम ने पहले बल्लेबाजी करेगी हालांकि दूसरी पारी में गेंदबाजी करना काफ़ी मुश्किल होता है शाम के मुकाबलों में खासकर एशियन महाद्वीपों के अंदर क्योंकि ड्यू की वजह से ड्यू काफी ज्यादा पड़ती है गेंद बिल्कुल गीली हो जाती है अगर दो शॉट किसी बल्लेबाज ने बाहर मार दिए गेंद अगर जाती है सीधा ग्राउंड की तरफ आउटर ग्राउंड में तो फिर देखिए गेंद बिल्कुल एकदम गीली बनकर आती है चलिए जी हा कैंडी फाल्कन्स की तरफ से अगर बात की जाए तो यहां से आपको अगर बताएं प्लेइंग इलेवन कैंडी फाल्कन्स की जी हां आपको बताते हैं कैंडी की आपको प्लेइंग इलेवन जी हाँ चलिए कैंडी फाल्कन्स की तरफ चलते हैं एक बार प्लेइंग एलेवन आपको बता देते हैं कैंडी फाल्कन्स की तो कैंडी फाल्कन्स की टीम में आपको खेलते हुए दिखाई देंगे यहाँ पर भानु का जी हाँ का विनोद भानु का यहाँ पर खेलते हुए दिखाई देंगे कुशाल मैंडिस यहाँ पर होंगे आशीन भंडारा आपको खेलते हुए दिखाई देंगे नजीबुल्ला जादरान यहाँ पर होंगे वाइंदु हसरंगा इस टीम के कप्तान रहेंगे चमिका करुणा रत्ने यहाँ पर आपको खेलते हुए दिखाई देंगे ओशन थॉमस को यहाँ पर टीम में आपको देखते हुए मिलेंगे फेबियन एलन यहाँ पर खेलते हुए दिखाई देंगे उसके अलावा यहाँ पर होंगे

या शायद यही रिस्क है जिसका जो फायदा है वो दामोला की टीम आज उठा सकती है तो देखना दिलचस्प रहेगा दामोला की टीम किस प्रकार से आज करती है यहां पर गेंदबाजी या फिर बल्लेबाजी चलिए बात करते हैं दामोला की टीम की तो यहां पर जोर्डन कोक्स आपको खेलते हुए दिखाई देंगे विकेट कीपर है उसके अलावा पर होंगे शेवन डेनियल जी हां उसके अलावा होंगे रविंदू फरनैन जो उसके अलावा खेलते हुए दिखाई देंगे नूर अहमद मौका मिला है प्रमोद मधुशन को भानु का राजपक्षे इस टीम के अंदर होंगे दशुन सनाका टीम के कप्तान होंगे सिकंदर रजा ऑलराउंडर

对我们就可以看到它的 ये रही यहाँ पर दोनों ही टीमों की प्लेइंग एलेवन आपकी स्क्रीन के सामने तो आज शायद कैंडी की जो टीम है वो थोड़ा सा कमज़ोर तो दिखती हुई कमज़ोर थोड़ा सा आज लग रही है कैंडी फाल्कन्स की टीम क्योंकि कुछ बदलाव यहाँ पर होते हुए जो इस टीम के स्ट्रॉन्ग होल्ड थे जो इस टीम के सबसे बेहतर बल्लेबाज थे इस समय तक चल रहे थे या गेंदबाज थे उनको आज रेस्ट दिया गया है शायद फाइनल की तैयारियाँ करने में लग गई है कैंडी की टीम फाइनल की तैयारियाँ करने में लग गई है और ऐसा लगता है कि कैंडी की टीम की इस तैयारियों की बदौलत आज एक जैकपोर्ट मुकाबला हमें देखने के लिए मिल सकता है चलिए देखते हैं किस तरीके से मुकाबला चलता है मुकाबला बहुत जल्द शुरू होने वाला है तो लेते हैं यहां से थोड़े से आपके सवाल उसके बाद सीधा चलेंगे मुकाबले की तरफ 11. तो जी हाँ टॉस का सबसे पहले आपको बताएं कि टोस तो जी हाँ टॉस का सबसे पहले आपको बताएं कि टॉस यहाँ पर कैंडी फाल्कन्स की टीम ने जीता है टॉस जीतकर एक थोड़ा सा जिसकी उम्मीद नहीं थी वो फैसला यहां पर लेते हुए टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया है यहाँ पर टीम ने पहले बल्लेबाजी करेगी हालांकि दूसरी पारी में गेंदबाजी करना काफी मुश्किल होता है शाम के मुकाबलों में खासकर एशियन महाद्वीपों के अंदर क्योंकि ड्यू की वजह से ड्यू काफी ज्यादा पड़ती है गेंद बिल्कुल गीली हो जाती है अगर दो शॉट किसी बल्लेबाज ने बाहर मार दिए गेंद अगर जाती है सीधा ग्राउंड की तरफ आउटर ग्राउंड में तो फिर देखिए गेंद बिल्कुल एकदम गीली बनकर आती है चलिए जी हाँ कैंडी फाल्कन्स की तरफ से अगर बात की जाए तो यहां से आपको अगर बताएं प्लेइंग इलेवन कैंडी फाल्कन्स की जी हाँ आपको बताते हैं कैंडी फाल्कन्स की आपको प्लेइंग 11 जी हाँ चलिए कैंडी फाल्कन्स की तरफ चलते हैं एक बार प्लेइंग एलेवन आपको बता देते हैं कैंडी फाल्कन्स की तो कैंडी फाल्कन्स की टीम में आपको खेलते हुए दिखाई देंगे यहाँ पर भानु का जी हाँ का विनोद भानु का यहाँ पर खेलते हुए दिखाई देंगे कुशाल मैंडिस यहाँ पर होंगे आशीन भंडारा आपको खेलते हुए दिखाई देंगे नजीबुल्ला जादरान यहाँ पर होंगे वाइंदू हसरंगा इस टीम के कप्तान रहेंगे चमिका करुणा रत्न यहाँ पर आपको खेलते हुए दिखाई देंगे ओशन थॉमस को यहाँ पर टीम में आपको देखते हुए मिलेंगे फेबियन एलन यहाँ पर खेलते हुए दिखाई देंगे उसके अलावा यहाँ पर होंगे मिंदुवाज सिंगे जी हां आज जगह मिली है केविन बंदारा को केविन बंदारा को आज जगह मिली है टीम के अंदर उसके अलावा जहूर खान को भी टीम के अंदर आज वापसी हुई है कैंडी की तरफ से बाहर किस किस को किया गया है आंध्रे फ्लैचर इसरू उड़ाना को आज टीम से बाहर किया गया है चलिए आंद्रे फ्लैचर और इसरू उड़ाना को टीम से बाहर किया गया है तो आंद्रे फ्लैचर इस टीम के सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज टीम से बाहर हैं इसरू उड़ाना जिन्होंने बड़ी जबरदस्त गेंदबाजी की है वो भी टीम से बाहर है तो एक रिस्क तो लिया है एक रिस्क लिया है और या शायद यही रिस्क है जिसका जो फायदा है वो दामुला की टीम आज उठा सकती है तो देखना दिलचस्प रहेगा की टीम किस प्रकार से आज करती है यहां पर गेंदबाजी या फिर बल्लेबाजी चलिए बात करते हैं की टीम की तो यहां पर जोर्डन कोक्स आपको खेलते हुए दिखाई देंगे विकेट कीपर है उसके यहां पर होंगे शेवन डेनियल जी हाँ उसके अलावा होंगे रविंदू फरनैन जो उसके अलावा खेलते हुए दिखाई देंगे नूर अहमद मौका मिला है प्रमोद मधुशन को भानुका राजपक्षे इस टीम के अंदर होंगे दशुन सनाका टीम के कप्तान होंगे सिकंदर रजा ऑलराउंडर तौर पर यहां पर आपको खेलते हुए दिखाई देंगे इसके अलावा दिलूम सुधीरा तो चलिए जी हाँ भाई मुकाबला यहाँ से शुरू हो चुका है तो जुड़ चुके हैं आपके साथ दो गेंदे हो चुकी है कैंडी फाल्कन्स की टीम ने अब तक तीन रन बना लिए हैं दोनों ही बल्लेबाजों का खाता खुल चुका है तो चलिए बल्लेबाजी करने के लिए आए हैं केविन बंदारा और उनका साथ देने के लिए आए हैं यहाँ पर भानु का तो चलिए यहाँ पर ओपनिंग जोड़ी आ चुकी है कैंडी की टीम की गेंदबाजी कर रहे हैं दशुन शना का तो चलिए देखते हैं किस तरीके से यहाँ पर मुकाबला चलता है और कैसी रहती है यहाँ पर बल्लेबाजी कैंडी की टीम ने आज काफ़ी बदलाव किए हैं ड्यू फैक्टर को देखते हुए इतना भी स्कोर इस समय इस मैदान के ऊपर उपयुक्त है जो कि 150-155 पर है तो कम से कम 20 रन एक्स्ट्रा यहां से लेकर चलने पड़ेंगे कैंडी की टीम को क्योंकि दूसरी पारी में आपके गेंदबाजों को यहां पर ड्यू का काफ़ी हद तक सामना करना पड़ेगा तो चलिए यहाँ से देखते हैं गेंदबाजी किस तरीके से चलती है तो चलिए दशुन शनाका इसी के साथ अगली गेंद यहाँ पर अच्छी गेंद थी ऑफ स्टम्प के बाहर कट करने का प्रयास जरूर किया था यहाँ पर भानुका ने जी हाँ बाल बाल बचते हुए बीट किया था इस गेंद पर गेंद सीधा जाते हुए विकेट कीपर के दस्तानों में तो कोई रन नहीं मिलेगा डॉट गेंद यहाँ पर आती हुई चलिए इसी के साथ दशुन शना का एक बार फिर से दौड़ते हुए यहां पर जी हां ओवर की होगी अगली गेंद इस गेंद को खेला लेग की दिशा में पीछे फील्डर मौजूद है डाइव लगाई गेंद को रोका जरूर है लेकिन तीन रन लेने से नहीं रोक पाएंगे तो तीन रन यहां पर आते हुए कैंडी की टीम का स्कोर है छ रन बिना किसी नुकसान के शून्य ओवर की समाप्ति के बाद तो चार गेंदें हो चुकी हैं या रन बन चुके हैं कैंडी की टीम के गेंदबाजी की अगर बात की जाए तो अब तक गेंदबाजी के अंदर किसी प्रकार का कोई सीमिंग कंडीशन कोई टर्न कोई यहां पर स्विंग देखने के लिए नहीं मिला है इन चार गेंदों पर तो चलिए देखते हैं दशुन शनाका एक बार फिर से दौड़ते हुए सामने होंगे बल्लेबाज इस समय केविन भंडारा शॉर्ट पिच गेंद आउटसाइड द ऑफ स्टम्प जी हां बल्लेबाज को यहां पर थोड़ा सा थोड़ा सा हतोत्साहित जरूर किया अंपायर ने इशारा दिया कि आप इस ओवर की एक बाउंसर गेंद डाल चुके अगर दूसरी बाउंसर गेंद डालेंगे तो आपको यहाँ से पनिशमेंट मिलेगी तो चलिए यहाँ से अंपायर का इशारा वाइड गेंद का जी हाँ वाइड गेंद अंपायर ने ऑलरेडी यहाँ पर दे दी है तो चलिए एक अतिरिक्त रन यहाँ पर जुड़ता हुआ कैंडी के स्कोर में कैंडी का स्कोर हो चुका है सात रन बिना किसी नुकसान के शूरिया दशमलव चार ओवर की समाप्ति के बाद जी हाँ कप्तान दौड़े दौड़े आए एक वाइड गेंद आते ही यहाँ पर कप्तान दौड़कर आए हैं बात है दशुन शनाका से तो चलिए देखते हैं किस प्रकार से यहां पर वापसी करते हैं स्ट्राइक पर होंगे यहां पर केविन भंडारा तो चलिए देखते हैं बाकी विनोद का विनोद भानु का विनोद नहीं मिनोद का आए हैं बल्लेबाजी करने के लिए तो चलिए देखते हैं जी हाँ पाँचवीं गेंद चलिए इस गेंद को हल्के हाथों से ड्रिफ्ट किया इस गेंद को दिशा दिखाई थर्ड मैन की तरफ एक रन यहाँ से मिल जाएगा टीम का स्कोर हो चुका है आठ रन बिना किसी नुकसान के शून्य दशमलव पाँच ओवर की समाप्ति के बाद तो चलिए अच्छी बल्लेबाजी अच्छी शुरुआत यहाँ पर होते हुए कैंडी की टीम की ऐसा लग रहा था कि शुरुआत में अगर एक दो विकेट यहाँ से पावर प्ले के अंदर दो या तीन विकेट यहाँ से ले ली जाए कैंडी की टीम की तो दबाव में डाला जा सकता है लेकिन कौन सा वो गेंदबाज होगा जो ऐसा करने में सक्षम है चलिए इसी के साथ अकली इस बार थोड़ा सा गेंद अंदर की तरफ आते हुए टप्पा खाने के बाद ऐसा लगा कि एंगल के साथ बाहर निकल जाएगी लेकिन हल्का सा इन स्विंग देखने के लिए मिलते हुए लेफ्ट हैंडेड बल्लेबाज के लिए तो यहाँ पर बीट किया सही समय पर बल्ला अपना नीचे लेकर आए बोल की लाइन में वरना यहाँ पर देखिए एल या फिर बोल्ड कुछ भी हो सकता था तो चलिए आखिरी गेंद आखिरी गेंद पर यहां पर थोड़ा सा दिखते हुए इन स्विंग डिलीवरी थी आखिरी गेंद तो काफी अच्छा लगा देखकर इस तरह की गेंदबाजी करनी होगी अगर आपको यहां से कैंडी की टीम को थोड़ा सा नीचे लगाना है तो चलिए एक ओवर की समाप्ति के बाद कैंडी का स्कोर है आठ रन बिना किसी नुकसान के केविन भंडारा खेल रहे हैं दो गेंदों पे दो रन बनाकर वहीं भानु का खेल रहे हैं चार गेंदों पे पाँच रन बनाकर तो चलिए देखते हैं किस तरह से शुरुआत होती है हालांकि गेंदबाजी यहां पर काफ़ी बड़ी है जी हां जी हां बात की जाए अगर टीम की तो दामुला की टीम के पास भी गेंदबाजी यहां पर अच्छी खासी है तो थोड़ा सा यहाँ पर इस समय मुकाबले के हालाँकि पहली पारी में ही ऐसा लग रहा है कि ओस का जो है वो थोड़ा सा दिखने लग गया है जी हाँ सिकंदर रजा सिकंदर रजा के हाथ में गेंद है दूसरा ओवर करने आए हैं पावर प्ले में अक्सर हमने इनको देखा है गेंदबाजी करते हुए पावर प्ले में तो आज देखना होगा किस तरह से गेंदबाजी करते हुए दिखाई देंगे हालांकि सामने स्ट्राइक पर होंगे केविन बंदारा जिनको आज मौका मिला है टीम के अंदर देखना होगा इस मुकाबले में अपनी क्या छाप छोड़कर जाते हैं तो चलिए सिकंदर रजा यहाँ से लेफ्ट हैंडेड बल्लेबाज केविन भंडारा के लिए ये गेंद सीधा गेंदबाज की दिशा में खेलते हुए सिकंदर रजा ने यहाँ पर डाइव लगाते हुए गेंद को फील्ड किया अपने ही फॉलो थ्रू में किसी भी रन की संभावना को यहाँ से समाप्त करते हुए तो शून्य रन यहाँ से डॉट गेंद करते हुए डॉट गेंद के साथ शुरुआत की है सिकंदर रजा ने अगली गेंद यहाँ पर डालने के लिए तैयार होते हुए जी हाँ ये गेंद केविन को इस गेंद को खेला कवर्स की दिशा में पीछे फील्डर मौजूद है एक रन यहाँ पर आसानी के साथ मिल जाएगा इस एक रन के साथ टीम का स्कोर बढ़ते हुए नौ रन बिना किसी नुकसान के तो चलिए सिकंदर रजा हालांकि देखा जाए तो अच्छे गेंदबाज माने जाते हैं पावर प्ले में किसी भी स्पिन गेंदबाज के लिए गेंदबाजी करना आसान होता नहीं है लेकिन इस पिच के ऊपर इस पिच के ऊपर आप कोई भी रिस्क ले सकते हैं चलिए इसी के साथ अकली गेंद करने के लिए तैयार होते हुए इस बार सामने स्ट्राइक पर होंगे भानु का ये गेंद अच्छी गेंद थी गेंद को यहाँ पर खेलना चाहते थे स्क्वेयर लेग की दिशा में फ्लिक करना चाहते थे लेकिन फील्डर मौजूद है शॉर्ट स्क्वेयर लेग पर तो इसलिए यहाँ पर कोई भी मौका नहीं रन बनाने का तो चलिए अच्छी शुरुआत सिकंदर रजा के द्वारा भी यहाँ पर अच्छी शुरुआत होती हुई तीन गेंदें हो चुकी हैं चौथी गेंद यहाँ पर इस बार कदमों का इस्तेमाल जगह बनाकर खेलने का प्रयास किया था कवर्स की दिशा में ऐसा लगा कि कैद छूटा है ऐसा लगा है कि कैच यहां से छूटा जरूर है जी हां फील्डर के हाव भाव देख जिस प्रकार से गेंद हाथ से छिटकने के बाद ज़मीन पर लेटे तो बिल्कुल यहाँ से पक्का हो गया कि कैच यहाँ से छूटा जरूर है लेकिन एक रन यहां से मिल जाएगा एक रन यहां से मिल जाएगा छोटा सा यहां पर विनोद भानुका को जीवनदान मिलता हुआ और ऐसा लगा है कि फील्डर वापस जा रहे हैं फील्डर वापस जा रहे हैं ग्राउंड छोड़कर कर चलिए चोटिल हो चुकी हैं चोटिल हो चुकी है यहाँ पर सिकंदर रजा गेंद को अपने हाथ से पीछे छिपा कर लेकर आते हुए जी हाँ मालूम नहीं पढ़ने देना चाहते हैं बल्लेबाजों को कि गेंद को किस तरफ यहाँ से टर्न कराने वाले हैं चलिए एक बार फिर से इस बार एक बार फिर से कड़क शॉट ये जी हाँ चलिए ये लीजिएगा पॉइंट और कवर के बीच में से इस बार हवा हवाई शॉट गेंद को भेजा है सीमा रेखा के बाहर चार रन के लिए चौका यहाँ पर आते हुए पांचवी गेंद पर थोड़ी सी लाइन दी थी थोड़ा सा रूम दिया था इस बार केविन भंडारा को और केविन भंडारा ने इस बार चूके नहीं गेंद के ऊपर कूद कर पड़े और भेजा पॉइंट और कवर के बीच में से जी हाँ बिल्कुल नीचे रखने की कोशिश नहीं की थी शॉट को शॉट को हवा में ही खेलने का प्रयास था और उसमें पूरी तरह से सक्सेसफुल भी रहे। चलिए इस ओवर की आखिरी गेंद चलिए एक बार फिर से ऑफ स्टम्प के बाहर ये गेंद थे इस बार बेहतरीन कट एक बार फिर से पॉइंट और कवर के फील्डर के बीच में से निकालते हुए चार रन के लिए पिछला शॉट था जो वो हवा हवाई चौका था इस बार ग्राउंडेड शॉट जी हाँ पूरा कॉपी बुक स्टाइल में ये शॉट खेला था केविन भंडारा ने दो फील्डर हालांकि मौजूद थे लेकिन गैप ढूंढने में कामयाब रहे तो चलिए ऐसा लग रहा है कि केविन भंडारा भी भाई आज देख बल्लेबाजी कि आज इस मुकाबले में भी अपनी छाप छोड़ जाने वाले हैं केविन भंडारा चलिए कैंडी की टीम का स्कोर हो चुका है 18 रन बिना किसी नुकसान के दो ओवर की समाप्ति के बाद धीरे धीरे कैंडी की टीम इस मुकाबले के ऊपर अपना शिकंजा कसते हुए और हम तो चाहते ही यही हैं हम चाहते ही हैं कि कैंडी यहाँ पर इस मुकाबले में अपना और शिकंजा कसे और शिकंजा कसे क्योंकि एंट्री उसके बाद ही छः सात ओवर के अंदर मिल सकती है तो चलिए देखते हैं भाई केविन भंडारा वर्सेज भानुका की ये जोड़ी क्या कमाल करके दिखा पाती है कैंडी की टीम के लिए पार स्कोर की बात की जाए इस ग्राउंड के ऊपर तो 160 160 का जो पार स्कोर है वो काफ़ी ठीक रहने वाला है लेकिन ड्यू को अगर कंसिडरेशन में लाया जाए जी हाँ जिस प्रकार से ड्यू पड़ेगी मैदान के ऊपर अगर उसको कंसिडर किया जाए तो कम से कम एक सौ बनाना चाहिए यहाँ से कैंडी की टीम को पूरी तरह से सुरक्षित होने के लिए चलिए जी हाँ प्रमोद मधुशन आए हैं अब तक पांच मैचों में छह विकेट लिए हैं इकोनोमी है नो की बेस्ट है सत्रह रन देकर तीन विकेट तो चलिए देखते हैं मधुसन यहां पर क्या कमाल करके दिखा पाते हैं सामने स्ट्राइक पर होंगे मिनोद का चलिए मिनोद भानुका को ये गेंद पहली गेंद यहां पर करेंगे प्रमोद इस बार थोड़ा सा ऑकवर्ड स्टाइल में यहां पर आते हुए गेंद को खेलना चाहते थे विकेट कीपर के ऊपर से शायद लेकिन गेंद जाती हुई फाइन लेग की दिशा में तो चलिए अजीब मुद्रा में यहाँ पर आकर शॉट खेलने का प्रयास किया था मैं सोचने का प्रयास कर रहा हूँ कि इस मुद्रा को क्या नाम दिया जाए लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा अलग तरीके से इस शॉट को खेलने का प्रयास था चलिए लेकिन एक रन यहाँ से मिल जाएगा तो दोनों बल्लेबाज यहाँ से कोशिश करते हुए रन बनाने की जी हाँ पिच की स्थिति को समझ चुके हैं ऐसा लग रहा है कि काफ़ी जल्दी जो प्रेमदासा स्टेडियम की पिच है तो थोड़ा सा यहाँ पर तेज गेंदबाजों को असिस्टेंस तो देती जरूर है लेकिन असिस्टेंस मिलता हुआ नज़र नहीं आ रहा है चलिए इस बार ऑफ ऑप्टम के बाहर ये गेंद फुलर लेंथ की ये गेंद थी उठाया गेंद को कवर के फील्डर के ऊपर से जी हाँ बच जाएंगे कवर का फील्डर जहाँ पर मौजूद था बिल्कुल उससे शायद तीन से चार मीटर गेंद जाकर पीछे गिरी है तो ज़्यादा हवा में थी ज़्यादा बढ़िया तो ये शॉट नहीं कह सकते क्योंकि बाल बाल बचे ज़रूर है आउट होने के लिए लेकिन दो रन यहाँ से प्राप्त हो जाएंगे चिप शॉट था ये चिप शॉट मारा था यहाँ पर केविन भंडारा ने तो चलिए दोनों ही बल्लेबाजी यहाँ पर बढ़िया तरीके से बल्लेबाजी करते हुए अपनी टीम के लिए जी हाँ बड़े लक्ष्य की यहाँ पर प्राप्ति का थोड़ा सा सोचा होगा 170 180 तक जाना चाहते होंगे कैंडी की टीम इस समय लंका प्रीमियर लीग के सबसे सक्सेसफुल टीम है नंबर वन पर यह टीम आती है तो जी हाँ अपने नाम के अनुरूप ही प्रदर्शन करते हुए इस मुकाबले में तो चलिए इसी के साथ मधुषन की अगली गेंद इस बार ऑफ स्टम्प के बाहर थोड़ा सा बाहर की तरफ निकलते हुए एंगल के सहारे बीट किया यहाँ पर केविन भंडारा को जी हाँ बल्ला चला जरूर दिया था लेकिन गेंद और बल्ले के बीच में बड़ा ही मामूली सा फ़र्क यहाँ पर बचा था अगर ये मामूली सा फ़र्क नहीं होता तो केविन भंडारा इस समय आराम कर रहे होते पवेलियन के अंदर लेकिन यहाँ पर बचते हुए बीट करते हुए अच्छी गेंदबाजी यहाँ पर मधुषण के द्वारा अच्छी वापसी होते हुए तो चलिए देखते हैं आगे की गेंदों पर किस तरीके से वापसी करते हैं यहाँ पर मधुशन या फिर अपनी टीम की दामोला की टीम हालांकि काफ़ी नीचे इस समय भी लगी हुई है लेकिन देखिए क्रिकेट का खेल है कभी भी वापसी हो सकती है चलिए इसी के साथ अगली गेंद यहाँ पर इस गेंद को यहाँ पर दिशा दिखाते हुए पॉइंट के बगल से पॉइंट के फील्डर ने डाइव लगाई थी लेकिन रोक नहीं पाएंगे गेंद जाते हुए यहाँ पर डीप पॉइंट के फील्डर के पास यहाँ से भी दो रन की प्राप्ति हो जाएगी तो चलिए दो दो रन यहाँ पर काफ़ी बार मिल चुके हैं इस मुकाबले में अब तक हालांकि श्रीलंका के जो मैदान है वो इतने बड़े नहीं होते हैं लेकिन ऐसा लग रहा है देखकर कि ये मुकाबला ऑस्ट्रेलिया के किसी मैदान में चल रहा हो क्योंकि दो रन आसानी के साथ बढ़िया या तो इतनी अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट हो रही है दोनों बल्लेबाजों के द्वारा या फील्डिंग फिर थोड़ा सा सुस्त हो रही है कुछ ना कुछ तो कारण है यहाँ पर चलिए इसी के साथ मधुशन इस ओवर की पांचवी गेंद करने के लिए तैयार होते हुए सामने स्ट्राइक पर होंगे एक बार फिर से केविन भंडार ऑफ स्ट्रम के बाहर ये गेंद कट किया बाहरी किनारा गेंद जाते हुए थर्ड मैन की दिशा में पीछे फील्डर मौजूद हैं बाउंड्री लाइन पर एक रन यहाँ से भी मिल जाएगा स्ट्राइक यहाँ पर आती हुई भानुका के पास जो खेल रहे हैं सात रन बनाकर टीम के स्कोर की अगर बात की जाए तो अच्छा खासा अच्छा खासा स्कोर बन चुका है चौबीस रन दो ओवर की समाप्ति के बाद है तो जी हाँ चलिए देखते हैं प्रमोद आखिरी गेंद पर क्या करके दिखाते हैं किस तरह से यहाँ पर करते हैं गेंदबाजी और सामने बल्लेबाज होंगे आखिरी गेंद पर मिनोद भानुका दौड़ते हुए यहाँ पर प्रमोद मधुशन ये गेंद अच्छी गेंद तीन इन सब्स के बीच में इस बार गेंद थी थोड़ा तेज गति के साथ गेंद डाली थी गेंद को यहाँ पर दिशा दिखाकर थर्ड मैन की तरफ बिल्कुल अपने पास में ही एक रन तेजी के साथ चुरा लिया तो इस एक रन के साथ कैंडी की टीम का स्कोर पहुँच चुका है पच्चीस रन बिना किसी नुकसान के तीन ओवर की समाप्ति के बाद करंट रन रेट की अगर बात की जाए तो आठ रन प्रति ओवर से थोड़ा सा ज़्यादा यहाँ पर रन रेट चलता हुआ और मेरे ख्याल से काफ़ी है शुरुआत के लिए काफ़ी है अगर ये टीम यहाँ से विकेट नहीं गवाती है तो मेरे ख़्याल से ये स्कोर काफ़ी बढ़िया तरीके से चलता हुआ इस टीम का बाकी दाम्बूला की टीम को यहाँ से थोड़ा सा उपाय सोचना पड़ेगा कि किस तरीके से यहाँ से विकेट लिए जाए क्योंकि कैंडी की टीम ऐसी टीम है खासकर उसका जो मज़बूत पक्ष था उसकी गेंदबाजी है जी हाँ बल्लेबाजी तो वो कर जाते हैं लेकिन मजबूत पक्ष सबसे गेंदबाजी है तो यहाँ से डेढ़ सौ से पहले रोकने की कोशिश होगी उसके बाद ही दाम्बला का चांस बन सकता है इस मुकाबले के अंदर विपिन भाई ने लिखा भाई आज फीफा फाइनल में कमेंट्री करो मज़ा डबल हो जाएगा विपिन सेन भाई फीफा फाइनल तो भाई हम देखेंगे देखो कमेंट्री नहीं करेंगे वो हम देखेंगे बाकी मैं तो देख भी नहीं पाऊँगा चेतन भाई ने लिखा प्राइवेट भाई क्या प्राइस पर एंट्री लेनी है विपिन भाई आज फीफा वर्ल्ड कप में अरे चेतन भाई एंट्री का भी वक्त आया नहीं है एंट्री लेंगे एंट्री लेंगे थोड़ा सा छोटे रेट पर ही भाई सभी एंट्री लेना क्योंकि मुकाबला जो है काफ़ी असमंजस वाला मुकाबला है चलिए इसी के साथ अगली गेंद यहाँ पर गेंद को पोल कर दिया गेंद जाती हुई स्क्वयर लेग रेखा के बाहर देखना होगा चार होगा छः होगा ऐसा लगता है कि चौका होगा फील्डर ने रोकने का प्रयास जरूर किया था इस गेंद को जी हां चलिए देखते हैं चौका या फिर छक्का यहां पर आते हुए मैच का पहला आ चुका है नंदन कुमार भाई ने लिखा है सर मेरा नाम लीजिए ना नंदन कुमार भाई ले लिया है गौरव सर का लाडला बिल्कुल भाई भारत साहू ने लिखा है विकेट जल्दी मिल जाए बलविंदर सिंह भाई ने लिखा है स्कोर 183 एटी थ्री बलिंदर सिंह भाई हमारे साथ जुड़े हैं मुनीवाल भाई ने लिखा है आउट आ, तो मुनीवाल भाई देखते हैं देखते हैं यहाँ से आउट कितनी जल्दी कर पाते हैं क्योंकि आउट करना यहाँ से बेहद ज़रूरी है इस मुकाबले के अंदर क्योंकि बिना आउट के तो देखिए यहाँ से काम चलने नहीं वाला है फिर दोस्ालम ने लिखा है के भंडारा आउट होगा तो चलिए देखते हैं भाई के भंडारा यहाँ से आउट होगा या आउट करके जाएगा वापस इस टीम को देखना ये तो यहाँ से काफ़ी दिलचस्प रहने वाला है तो चलिए देखते हैं भाई चलिए मुकाबले की तरफ एक बार यहाँ से रुख करते हैं कि चल क्या रहा है यहाँ से मुकाबले में बाकी आप लोग जुड़े रहिएगा बीच बीच में जैसे ही एंट्री आएगी तो एंट्री आपको भाई दे दी जाएगी उसके लिए बिल्कुल यहाँ से निश्चिंत रहिएगा चलिए इसी के साथ अगली गेंद करते हुए यहाँ पर परेरा कि ये गेंद एक बार फिर से हवा में खेला और चलिए आउट होते हुए आउट होते हुए यहाँ पर जी हाँ पहला झटका लगते हुए इस टीम को भानु का आउट होकर वापस पवेलियन जाते हुए जी हाँ अच्छी गेंद थी यहाँ पर अच्छी गेंद थी यहाँ पर परेरा की आज मौका मिला है टीम में खेलने का और अपना पहला विकेट यहाँ पर चटकाते हुए इस टूर्नामेंट का परेरा अच्छी गेंद थी यहाँ पर गेंद को खेलने का प्रयास किया जरूर था मिड विकेट के ऊपर से मारना चाहते थे लेकिन प्लेयर को फील्डर को यहाँ से पार नहीं कर पाए तो चलिए अफसोसन यहाँ पर विकेट पहला जाता हुआ कैंडी की टीम का इकतीस रन एक विकेट के नुकसान पर तो पहला झटका लग चुका है लेकिन काफ़ी अच्छी स्थिति में इस समय भी कैंडी की टीम काफ़ी अच्छी स्थिति में है पावर प्ले का ऐसा लग रहा है कि पूरा तो नहीं लेकिन थोड़ा बहुत तो फ़ायदा उठा ही चुके हैं तो चलिए जी हाँ देखते हैं बाकी मुकाबले में अब किसका नंबर आता है यहाँ से चलिए कुशहाल मंडिस आ चुके हैं कुशाल मैंडिस आ चुके हैं बल्लेबाजी करने के लिए बल्लेबाज ये भी बड़े ज़बरदस्त हैं जी हाँ आक्रामक शॉट्स खेलने में ये भी काफ़ी महारत हासिल है इनको और जी हाँ अगर अपनी टीम को यहाँ पर डट कर एक छोर पर खड़ा होकर संभल कर खेलना हो तो उसमें भी काफ़ी कमाल का, का काम करते हैं चलिए ये जोड़ी अब यहाँ से भंडारा और कुशाल मैंडेस की देखना होगा क्या कमाल करके दिखा सकती है हालांकि यहां से केविन भंडारा भी बड़े ज़बरदस्त बल्लेबाज लगे हैं अब तक जितनी दस गेंदें खेली हैं केविन भंडारा ने तो कमाल का काम करके ज़रूर दिखाया है इस टीम के लिए चलिए कैंडी का स्कोर रखी अगर बात की जाए तो 31 रन एक विकेट के नुकसान पर कमिंदू मैंडिस आए हैं कमिंदु मैंडिस आए हैं अब तक आठ मुकाबले खेले हैं एक सौ रन बनाए हैं तो आठ मैचों में एक सौ रन तो जी हाँ कमिंदू मैंडिस कमिंदु मैंडिस आए हैं बल्लेबाजी करने के लिए एक तो भाई साहब ये श्रीलंका जो प्लेयर्स हैं इनके नाम सिर्फ इनिशियल तो सबके सेम ही होते हैं के के इनिशियल तो इतने सारे हैं के डॉट के डॉट के डॉट तो जी हाँ चलिए देखते हैं अभी भी तीन गेंदें बाकी हैं परेरा की परेरा की अभी भी तीन गेंदें यहाँ से बाकी हैं तो देखना होगा कमिंदू मैंडेस बल्लेबाज होंगे पहली गेंद का सामना करेंगे खाता खुलेगा या फिर आउट होकर वापस जाएंगे देखना दिलचस्प होगा चलिए परेरा यहाँ से गेंदबाजी करने के लिए तैयार होते हुए अच्छी गेंद थी ऑफ स्टम के बाहर ये गेंद थी कट किया गेंद को भेजा थर्ड मैन की दिशा में एक रन यहाँ से मिल जाएगा इस एक रन के साथ खाता अपना खोलते हुए यहाँ पर कमिंदु मैंडे से स्ट्राइक आ चुकी है केविन भंडारा के पास टीम का स्कोर हो चुका है बत्तीस रन एक विकेट के नुकसान पर तीन ओवर की समाप्ति के बाद बात की जाए तो इस समय भी के इस समय भी कैंडी की टीम का जो पलड़ा है वो काफ़ी भारी है इस मुकाबले में चलिए परेरा की यहाँ पर अगली गेंद इस बार ऑफ स्टम के बाहर ये गेंद थी बड़ा शॉट लगाने का प्रयास जरूर किया था बाहरी किनारा लिया बल्ले का गेंद जाती हुई स्क्वेयर लेग सीमा रेखा की तरफ ऐसा लग रहा है कि तीन रन दौड़कर ले लिए हैं लेकिन ऐसा लगता जरूर है कि शायद ये चौका ना हो जाए चौका शायद यहाँ से ना हो जाए एक बार रिप्ले अंपायर जरूर चेक करना चाहेंगे चलिए अच्छी गेंद थी गेंद को उठाया था खेला था गेंद को स्क्वेयर लेग और फाइन लेग के बीच का जो हल्का सा रीज़न होता है वहाँ पर ये गेंद जाते हुए रोका जरूर है जी हाँ अच्छा चलिए ऐसा लग रहा है कि फील्डर ने काफ़ी कमाल का, का काम किया काफ़ी दूर से दौड़ आए थे फिल्डर और फिल्मी स्टाइल में डाइव लगाते हुए इस गेंद को रोका जरूर था तो एक रन यहाँ पर बचाते हुए चलिए एक बार फिर से एक बार फिर से यहाँ पर ऑफ ऑफ्टम के बाहर ये गेंद इस बार गेंद को हल्के हाथों से दिशा दिखाई ये गेंद जाते हुए फाइन लेग की तरफ चार रन के लिए सीमा रेखा के बाहर इस बार कोई मौका नहीं पिछली बार वाली जो गलती थी पिछली बार वाली जो गलती थी केविन भंडारा की वो इस बार नहीं दोहराई पिछली शॉट पर पिछली गेंद पर काफ़ी तेज तर्रार शॉट लगाया था लेकिन इस बार हल्का डेलिकेटली काफ़ी एकदम नजाकत भरा ये शॉट खेलते हुए और चार रन यहाँ पर प्राप्त करते हुए तो चलिए पूरा यहाँ पर फ़ायदा उठाते हुए केविन भंडारा ग्यारह गेंदों में उन्नीस रन बनाकर कर पहुँच चुके हैं और अपनी टीम का स्कोर पहुंचा दिया है यहां से उनतालीस रन एक विकेट के नुकसान पर आने वाले बल्लेबाज भी काफ़ी ज़बरदस्त हैं अभी तो जी हां नजीबुल्ला जादरान अभी बाकी हैं हसरंगा अभी बाकी हैं तो यहां से बल्लेबाजी तो है और फेबियन एलन भी है। अभी तो फेबियन एलन भी है उनको भी मत भूलिएगा वो भी धीरे धीरे ऑलराउंडर में परिवर्तित होते जा रहे हैं जी हाँ जितने भी ये गेंदबाज हैं जिन्होंने शुरुआत की थी एक समय पर एज ए गेंदबाज तो धीरे धीरे ऐसा लग रहा है कि ट्रांसफॉर्मेशन सब में होता जा रहा है हर एक दो लीग के बाद सभी जो बल्लेबाज हैं वो गेंदबाजी सभी जो गेंदबाज है वो बल्लेबाजी करना भी सीखते जा रहे हैं चलिए इसी के साथ मधुशन आते हुए अगली गेंद यहाँ पर पहली गेंद होगी इस ओवर की मधुशन की ऑफ स्टम्प के बाहर ये गेंद थी हल्के हाथ उसे दिशा दिखाई थर्ड मैन की तरफ एक रन यहाँ से मिल जाएगा स्ट्राइक आ जाएगी यहाँ पर कमिंदू मेंडेस के पास जो कि पाँच रन बनाकर खेल रहे हैं जी हाँ दो गेंदों में पाँच रन हैं कमिंदु मैंडिस के सामना करेंगे अब मधुषन का तब तक यार सभी लोग स्ट्रीम को लाइक कर दीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा देखना होगा कि आज के इस मुकाबले में कुछ ट्विस्ट आएगा हालांकि लग तो रहा है लग तो रहा है यहाँ से बस एंट्री एक बार मिल जाए अच्छी से एक बार यहाँ से एंट्री मिल जाए तो भाई साहब उसके बाद तो देखिए मजे के साथ जिंदगी कटने वाली है जिंदगी नहीं सॉरी आज की रात कटने वाली है चलिए कैंडी की टीम का स्कोर है चालीस रन एक विकेट के नुकसान पर चार दशमलव एक ओवर की समाप्ति के बाद थोड़ा सा वक्त ज्यादा लेते हैं लंका प्रीमियर लीग इकलौती ऐसी लीग है दुनिया की जहां पर एक गेंद डालने के बाद पांच मिनट का रेस्ट लिया जाता है उसके बाद दूसरी गेंद फेंकी जाती है चलिए मधुशन यहां पर गेंद डालते हुए कुशाल मैंडिस को जाकर पैर से टकराते हुए अपील होते हुए विकेट कीपर से लेकर गेंदबाज से लेकर अंपायर कप्तान तक सबने एक साथ मिलकर अपील की है लेकिन अंपायर पर फ़र्क़ ही नहीं पड़ा अंपायर पर यहाँ पर कोई फ़र्क नहीं पड़ा इस अपील का ऐसा लग रहा था कि जो इम्पैक्ट है थोड़ा सा लेग स्टम्प के बाहर था जिस समय गेंद जाकर पैर से टकराई थी तो गेंद थोड़ा सा बल्लेबाज थोड़ा सा लेग स्टम्प के बाहर खड़े हुए थे तो चलिए यहाँ पर बचते हुए बचते हुए यहाँ पर कमिंदु मैं नए बल्लेबाज है नए बल्लेबाज को आउट करना काफ़ी आसान होता है फंसाना काफ़ी आसान होता है तो थोड़ा सा यहाँ पर कोशिश कर रहे हैं कोशिश कर रहे हैं यहाँ पर कमिंदु मैंडिस का विकेट लेने की कमिंदु वेटिस मैंडिस भी फिराक में है कि किसी तरह से एक सिंगल लेकर जान अपनी बचाई जाए दूसरे छोर पर यहाँ से जाया जाए चलिए मधुशन एक बार फिर से दौड़ते हुए लेफ्ट हैंडेड बल्लेबाज यहां पर होंगे कमिंदोमेंड चलिए ऑफ के बाहर ये गेंद बाहर निकलते हुए शॉट लगाने का प्रयास और गेंद बल्ले के बाहरी किनारे को चूमते हुए पहुंचे विकेट कीपर के दस्तानों में टीम का स्कोर अभी भी रुका हुआ चालीस रन एक विकेट के नुकसान पर चार दशमलव तीन ओवर की समाप्ति के बाद तो चलिए यहां से बेहतरीन बेहतरीन गेंदबाजी का प्रदर्शन इस समय दिखाते हुए पी मधुशन बड़े ही जबरदस्त गेंदबाज हैं गेंद की लाइन लेंथ बिल्कुल सटीक और बल्लेबाज को हमेशा पर रखते हैं जी हाँ चलिए इसी के साथ अगली गेंद डालेंगे यहां पर पी मधुशन अपने इस ओवर के सामने होंगे एक बार फिर से कमिंदु मेंडेस अभी अभी आए हैं नए बल्लेबाज हैं तो चलिए देखते हैं इस गेंद पर शायद बड़ा शॉट क्या आ सकता है बड़ा शॉट लगाने का क्या प्रयास होगा यहां पर कमिंदु मैंडिस का यह गेंद फुल टॉस गेंद यहां पर इस गेंद को उठाया जी हाँ खेला जरूर है स्क्वेयर लेग की दिशा में और चलिए गेंद निकल जाएगी धीरे धीरे ही सही लेकिन सीमा रेखा को पार कर जाएगी तो चार रन यहाँ से मिलते हुए तो ये ख़राब गेंद थी ये थोड़ा सा इस ओवर में एकमात्र यही गेंद खराब फेंकी थी और इसी गेंद पर यहाँ पर चौका प्राप्त करते हुए तो चलिए चार रन यहाँ से मिल जाएंगे टीम का स्कोर हो चुका है चवालीस रन एक विकेट के नुकसान पर चार दशमलव चार ओवर की समाप्ति के बाद इस ओवर की पांचवी गेंद करने के लिए तैयार होते हुए यहाँ पर पी मधुशन सामने स्ट्राइक पर होंगे मैंडेज तो चलिए देखते हैं मैंडेज क्या कमाल करके दिखा पाते हैं हालाँकि कैंडे की टीम पहले ही काफ़ी कमाल कर चुकी है इस बार ये गेंद ऑफ स्टम्प के बाहर थी कट की गेंद जाती हुई थर्ड मैन सीमा रेखा के बाहर चार रन के लिए तो जी हाँ कभी फाइन लेग कभी स्क्वेयर लेग कभी थर्ड मैन यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि दाम्बूला की टीम भाई आज फिर पिटने के लिए ही आई है दाम्बूला की टीम आज फिर यहाँ पर पिटने के लिए ही आई है क्योंकि गेंदबाजी हालांकि इतनी ख़राब नहीं हो रही है लेकिन कैंडी के जो बल्लेबाज हैं उनका कॉन्फिडेंस इतना हाई है कि अच्छी गेंदों को भी क्रीज़ का बेहतरीन इस्तेमाल करके ख़राब गेंद बनाकर चौके बटोर रहे हैं तो यही होता है जब आपकी टीम टूर्नामेंट में सबसे ऊपर की टीम होती है तो आप किसी भी स्थिति से निपट सकते हैं तो चलिए यहाँ से इस ओवर की होगी आखिरी गेंद पी मधुशन जिनका ओवर काफ़ी जबरदस्त जा रहा था लेकिन अब ख़राब हो चुका है आखिरी गेंद होगी सामने स्ट्राइक पर होंगे कमिंडो मैंडस लेफ्ट हैंडेड बल्लेबाज चलिए ये गेंद यहाँ पर इस गेंद को पुल किया बड़ा शॉट लगाने का प्रयास ऊपरी किनारा गेंद का चलिए तो लेकिन यहाँ पर सेफ़ है सेफ़ है यहाँ पर झटका कोई नहीं लगेगा क्योंकि गेंद बल्ले का ऊपरी किनारा लेकर ज़्यादा ऊपर गई नहीं पास में ही गिर गई फाइन लेग के तो चलिए ओवर होते हुए समाप्त यहाँ पर कैंडी की टीम की अगर बात की जाए तो पाँच ओवर की समाप्ति के बाद टीम का स्कोर है अड़तालीस रन बिना किसी नुकसान के केविन भंडारा खेल रहे हैं बीस रन बनाकर बारह गेंदों का किया है सामना वहीं कमिंदु मैंडे सभी अभी आए हैं और सात गेंदों पर ताबड़तोड़ पारी खेलते हुए तेरह रन की ऐसा लग रहा है कि क्या कर रहे हैं भाई क्या ड्रिंक्स ब्रेक की मांग कर रहे हैं क्या तो चलिए यहाँ से सभी प्लेयर भाई एकत्रित होते हुए अंपायर से यहाँ पर शायद कुछ बात चल रही है बिल्कुल बताएंगे आपको जैसे ही पता लगेगा कि क्या बात है यहाँ से चल रही है तो बिल्कुल आपको बताएँगे तब तक आपके ले लेते हैं थोड़े से सवाल यहाँ पर अजीत कुमार भाई ने लिखा है आउट विनीत सिंह यार मैं फोर्ड कब आएगा विनीत सिंह भाई बिल्कुल आएगा सबका नंबर आएगा सबका नंबर आएगा बिल्कुल एकदम निश्चिंत रहिएगा तो चलिए यार सभी लोग अपने सवाल भेजते रहिएगा भोला राम ने लिखा कौन खिलाड़ी चोटिल हुआ है भाई बोला राम भाई चोटिल नहीं ऐसा लगा कि ग्राउंड से सिर्फ बाहर गए थे रिप्लेसमेंट का फ़ील्डर आया था लेकिन ज़्यादा चोट नहीं थी कोई चोट नहीं थी भाई खेलेंगे जरूर जी हाँ चलिए गेंद ये जाकर हेलमेट से लगी थी गेंद जाकर हेलमेट से लगी थी तो इसी वजह से कनकशन का टेस्ट चल रहा है जी हाँ जो आखिरी गेंद पर बड़ा शॉट लगाने का प्रयास किया था कमिंदू मैंडिस ने तो गेंद जाकर सीधा हेलमेट से टकरा गई थी और कंकशन टेस्ट हुआ है और कंकशन टेस्ट में पास हो चुके हैं कमिंदु मैंडेज जिसका रिजल्ट होगा कि अब बाकी के मुकाबले में भी खेलते हुए नजर आएंगे बाकी कंकशन टेस्ट में भाई क्या पूछते होंगे क्या पूछते होंगे कंकशन टेस्ट में वही उंगलियाँ दिखा के कि तीन है या चार शायद क्योंकि जब सर पर बोल लगती है तो थोड़ा सा दिमाग की संतुलन बिगड़ जाता है कई बार इंसान का आर भाई ने लिखा है ब्रो हाउ आर यू जी भाई मैं बहुत बढ़िया हूँ सकिंदर यादव मेरा ठीक है यार धीरज दुबे भाई जुड़े हैं आई एम फ्रॉम बांग्लादेश आर के एन चैनल भाई ने लिखा जी भाई स्वागत है आपका पी यू भाई ने लिखा बहुत अच्छी कमेंट्री भाई जी भाई धन्यवाद गर्ग चंद्रा ने लिखा वन सेवेंटी प्लस होगा सर एंट्री कब लेना है इनाश कुमार ने लिखा है बिल्कुल बताएंगे सर आपको बिल्कुल बताएंगे एंट्री का सही वक्त यहाँ से आने दीजिएगा बिल्कुल आपको यहाँ से एंट्री देंगे लेकिन छोटे रेट पर देंगे सुशील सिंघालिया टेस्ट में Uh, कितने नंबर हाई सुशील भाई टेस्ट में ऐसा लग रहा है कि टेन आउट ऑफ टेन लेके चले गए हैं कमिंदो मैंडस कमिंदो मैंडस टेन आउट ऑफ टेन लेकर चले गए हैं के के किंग भाई ने लिखा है कहाँ से हो ब्रो uh, के के सिंह भाई मैं हरियाणा से हूँ मेरा नाम शशांक त्यागी है uh, माइन राजपूत भाई खुशी चौहान ने लिखा है आउट क्या हाल है भाई ऋषभ सोनी भाई ने लिखा है जी भाई बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया यार सब लोग जुड़ते रहिएगा uh, देखते हैं बाकी मुकाबला किस तरह से यहाँ पर चलता है तो चलिए अगली गेंद होने के लिए यहाँ पर तैयार होते हुए जी हाँ इस बार एक बार फिर से बड़ा शॉट लगाने का प्रयास गेंद ने लिया बाहरी किनारा और ये लीजिएगा कैच छूट गई कैच यहाँ से छूट गई है तो इस तरीके से अगर कैच छोड़ेंगे तो भाई साहब फिर तो आप दुनिया की किसी भी टीम के सामने टिक नहीं पाएंगे परेरा की यहाँ पर ये यह गेंद थी अच्छी गेंद थी जी हाँ कैच छूट गई यहाँ पर कैच यहाँ पर छोड़ते हुए देखना होगा कैच किसने छोड़ी है किसने छोड़ी है कौन था यहाँ पर कैच छोड़ने वाला प्लेयर Uh, क्या फैबियन एलन थे जी हाँ ऐसा लग रहा है कि फैबियन एलन के हाथों से ये कैच छुटी जरूर है uh, तो चलिए इस कैच की बदौलत ही सही लेकिन कैंडी की टीम 50 रन के पार पहुंच चुकी है इक्यावन रन पर चलिए एक बार फिर से इस बार ये गेंद बिल्कुल तीन स्टम्प्स के बीच में डालने की कोशिश की थी पैरों पर डल गई गलती से लेकिन योर लेंथ की गेंद थी और योर लेंथ की गेंद और यॉर्कर लेंथ की गेंद चाहे आप ऑफ स्टंप पर डालिए चाहे आप लेग स्टंप पर डालिएगा देखिए खेलना बिल्कुल भी आसान नहीं होता है तो चलिए एक रन की यहां से होती हुई प्राप्ति सामने स्ट्राइक पर आ चुके हैं कुनाल केविन भंडारा केविन भंडारा आ चुके हैं स्ट्राइक के ऊपर देखना होगा चौदह गेंदों में तेईस रन बनाकर ताबड़तोड़ पारी खेलते हुए चलिए परेरा की यहाँ पर अगली गेंद एक बार फिर से ये गेंद थी पैरों पर डाले लेकिन माफ़ नहीं करेंगे इस बार भंडारा यहाँ पर माफ़ नहीं करेंगे गेंद को यहाँ पर फ्लिक कर दिया गेंद जाते हुए फाइन लेग की तरफ सीमा रेखा के बाहर हो गई चार रन के लिए चलिए चौका यहाँ से प्राप्त करते हुए कैंडी की टीम का स्कोर है छप्पन रन एक विकेट के नुकसान पर पाँच दशमलव चार ओवर की समाप्ति के बाद तो क्या ज़बरदस्त क्या ज़बरदस्त बल्लेबाजी क्या ज़बरदस्त पार्टनरशिप यहाँ पर होते हुए एकदम पॉजिटिव माइंड के साथ तो चलिए देखते हैं भाई परेरा परेरा यहाँ पर अगली गेंद पर किस तरीके से वापसी करके दिखा पाते हैं भंडारा की भंडारा करेंगे यहाँ पर इस ओवर की पाँचवीं गेंद का सामना क्या बड़ा शॉट आएगा चलिए इस बार ऑफ ऑस्टम के बाहर ये गेंद थी गेंद को उठाया पॉइंट के ऊपर से लीजिएगा इस बार कैच हो जाएंगे इस बार यहाँ से कैच हो जाएंगे डी पॉइंट पर फील्डर ने कोई गलती नहीं की दौड़ कर आए और यहाँ पर कैच कर लिया आउट होकर वापस पवेलियन भेजा चलिए एक ख़तरनाक बल्लेबाज खतरनाक दिखते हुए बल्लेबाज और दिखते हुए नहीं सच में बड़े ही खतरनाक बल्लेबाजी करते हैं आ, केविन भंडारा आउट होकर वापस पवेलियन जाते हुए जी हाँ गेंद काफ़ी ख़राब थी लेकिन ख़राब गेंद पर एक बेहतरीन विकेट यहाँ पर प्राप्त करते हुए परेरा आए तो जी हाँ चलिए दूसरा झटका यहाँ से लग चुका है दूसरा झटका यहाँ से लग चुका है टीम को हालांकि बल्लेबाजी काफ़ी ज़बरदस्त है अभी काफ़ी बड़े बड़े बल्लेबाज काफ़ी बड़े बड़े नाम आने बाकी हैं लेकिन क्या यहाँ से क्या यहाँ से ये वक्त हो, हो सकता है कि दो या तीन विकेट एक साथ गिरने का चलिए जी हाँ अंपायर ने यहाँ पर टाइम दे दिया टाइम आउट का तो अंपायर ने यहाँ पर टाइम आउट का वक्त दे दिया है तो प्लेयर्स को यहाँ पर मिलेगा थोड़ा सा रेस्ट कुछ भाई ड्रिंक वगैरह लेंगे अपना कोल्ड ड्रिंक वगैरह पिएंगे फील्डर्स भी प्लेयर्स भी काफ़ी थक चुके हैं तो चलिए तब तक ले लेते हैं यहाँ से आपके सवाल डीप ट्रबल भाई ने लिखा कैंडी पे सब तावेड़ तोड़ बल्लेबाज है क्या दीप uh, ट्रबल भाई ने लिखा बिल्कुल है भाई बिल्कुल भाई कैंडी के पास सभी बल्लेबाज ताबड़ तोड़ बल्लेबाज है इवन सातवें आठवें नंबर पर जो बल्लेबाजी आती है वो भी इस मुकाबले में काफ़ी बढ़िया प्रदर्शन करके जा चुके हैं पीयू भाई ने लिखा है गुड बॉलिंग शैलेंद्र सिंह ने लिखा है सर के परेरा कितने विकेट लेगा शलेंद्र भाई के परेरा मेरे ख्याल से हो गया उसका कोटा आज का पूरा आज का कोटा कंप्लीट हो चुका है दो विकेट के साथ अब उसको खुश रहना पड़ेगा भाई साहब बाकी ऐसा लगता है कि विकेट अभी और नहीं मिलेगा जयदीप भाई ने लिखा है अर्जेंटीना जयदीप भाई अर्जेंटीना भाई आज जीत जाए मज़ा आ जाएगा भाई मैसी का दिन बन जाएगा बेचारा विदाई हो जाएगी वर्ल्ड कप से जीत के साथ बाकी देखते हैं मैच क्रैकर भाई हमारे साथ जुड़े हैं चेतन कौन जीतेगा चेतन भाई बताइएगा कहाँ गए चेतन भाई ऐसा लग रहा है कि चेतन भाई थोड़ा सा विश्राम ग्रह में पहुँच चुके हैं अपने वीर राव ने लिखा है टोटल कितना रन बनेगा कौन जीतेगा आज ब्रो के के किंग ने लिखा नीरज रावत भाई कैसे हो आप नीरज भाई रावत जी बहुत बढ़िया हूँ आप सुनाइएगा आप कैसे हैं गुरमीत कुमार ने लिखा है ओके मैच कौन जीतेगा फ़िलहाल कितने नंबर पर अटल बिहारी सिंह ने लिखा है आ, कितने नंबर पर भाई साहब कैंडी की टीम इस समय नंबर वन पर है और जो अपना दूसरी टीम है वो इस समय लास्ट पर है तो एक टीम अर्श पर है एक टीम फर्श पर है दोनों टीमों का मुकाबला आज होते हुए देखना होगा कौन सी टीम आज यहाँ से बाजी मारने वाली है चेतन भाई जुड़ चुके हैं क्रैकर भाई मैं रेट हो सपोर्ट करूंगा वी भाई ने लिखा 160 रन आशीन यादव कौन जीतेगा खालिद सिंह भाई जान क्या ये बैटिंग विकेट है क्या चीज़ हो जाएगा इस पर साकोर भाई साहब बैटिंग विकेट तो नहीं है लेकिन शाम का मुकाबला है भाई साहब ड्यू इतनी ज़्यादा पड़ेगी कि अच्छी खासी जो गेंदबाजी यूनिट है उसको भी यहाँ पर स्ट्रगल करना पड़ेगा ख़ासकर दूसरी पारी में गेंदबाजी करते हुए बहुत स्ट्रगल होगा यहाँ पर आप खुद देखेंगे अगर आप लाइव विजुअल्स देखेंगे इन्होंने मुकाबलों के तो जिस समय ड्यू पड़ती है गेंद को सुखाना काफ़ी मुश्किल हो जाता है चेतन भाई ने लिखा नीरज भाई हेलो जस्ट फैज भाई मैं रहता फील्डिंग का टाइम बहाना लेता बैटिंग के टाइम सही हो जाता जस्ट फैज भाई तो आपको क्या लगता है ऐसे तो काफ़ी प्लेयर हैं ऐसे तो काफ़ी प्लेयर होते हैं हर टीम के अंदर तो चलिए भाई मुकाबला शुरू हो चुका है मुकाबला शुरू हो चुका है यहाँ से एक बार फिर से तो देखते हैं क्या बदलाव आता है टाइम आउट के बाद यहाँ पर क्या बदलाव आता है तो दो विकेट यहाँ पर हो चुके हैं दो विकेट यहाँ पर हो चुके हैं तो बंदारा आए हैं बल्लेबाजी करने के लिए उनका साथ देने के लिए क्रीज के ऊपर मौजूद है एक और आक्रामक बल्लेबाज यहाँ पर मैंडिस कमिंदु मैंडस यहाँ पर मौजूद हैं जी हाँ चलिए देखते हैं परेरा की यहाँ पर ओवर समाप्त हो चुकी है छः ओवर की समाप्ति के बाद कैंडी की टीम का स्कोर है छप्पन रन दो विकेट के नुकसान पर तो रन रेट की अगर यहाँ से बात की जाए तो अच्छा खासा अच्छा खासा रन रेट यहाँ से चलते हुए लगभग लगभग छूता हुआ दो रन पड़ती ओवर को तो अगर इसी रन रेट से रन बनाते रहे तो वो दिन दूर नहीं वो समय दूर नहीं जब एक 180 के पार यहाँ से कैंडी की टीम पहुँच जाएगी हालाँकि मुश्किल लगता है थोड़ा सा क्योंकि दो विकेट जा चुके हैं तो यहाँ से एक विकेट और एक विकेट और यहाँ से अगले तीन ओवर में आ जाता है तो शायद 160 तक भी जो मामला है वो कैंडी की टीम का यहाँ से निपट सकता है तो चलिए यहाँ पर भाई नए गेंदबाज नए गेंदबाज यहाँ पर आते हुए देखते हैं एक बार किस गेंदबाज को यहाँ से मिली है गेंदबाजी देखना यहाँ से काफी दिलचस्प रहेगा का, मुकाबला आपने अगले मोड़ में यहाँ पर प्रवेश करते हुए जी हाँ नूर अहमद नूर अहमद आए हैं यहाँ पर गेंदबाजी करने के लिए पहली गेंद डालेंगे सामना करेंगे यहाँ पर कमिंदू मैंडेज चलिए अच्छा ये शॉट था कवर्स की दिशा में इस शॉट को खेलते हुए गेंद जाती हुई डीप कवर के फील्डर के पास दो रन यहाँ पर आसानी के साथ मिल जाएंगे दो रन यहाँ पर मिलते हुए टीम का स्कोर पहुँच चुका है अट्ठावन रन दो विकेट के नुकसान पर तो ऐशन भंडारा आए हैं बल्लेबाजी करने के लिए उनका साथ दे रहे हैं कमिंदू मैंडेज गेंदबाजी कर रहे हैं नूर अहमद ए कवर्स के ऊपर से इस शॉट को खेला था पहली गेंद पर ही यहाँ पर आक्रामक शॉट खेला चलिए देखते हैं किस तरीके से नूर अहमद अपने इस ओवर को समाप्त करते हैं अगली गेंद करने के लिए तैयार होते हुए सामने स्ट्राइक पर होंगे ए कमिंदू मैंडेस ये गेंद लेफ्ट हैंडेड बल्लेबाज कमेंदू मैंडेस के लिए जी हाँ अच्छी गेंद थी थोड़ा सा हल्का सा टर्न देखने के लिए मिलते हुए इस गेंद के ऊपर बीट किया गेंद जाते हुए सीधा विकेट कीपर के दस्तानों में तो चलिए जी हाँ नूर अहमद की दो गेंदे हो चुकी हैं कैंडी की टीम का स्कोर है अट्ठावन रन देखते हैं किस तरीके से आगे का मुकाबला यहाँ से चलता है नूर अहमद एक बार फिर से इस बार ऑफ के बाहर ये गेंद थी गेंद को खेला पॉइंट की दिशा में पीछे फील्डर मौजूद हैं एक रन यहाँ से मिल जाएगा दूसरा रन भागने की यहाँ पर भरपूर कोशिश की थी कमिंदू मैंडिस ने लेकिन मना किया सामने से अश्विन भंडारा ने तो चलिए यहाँ से ड्रॉप कैच जी हाँ ड्रॉप कैच भी आज कम से कम दो या तीन ड्रॉप कैच भी देखने के लिए मिली हैं अब देखना होगा कितना नुकसान यहाँ से वो दे पाती हैं वो ड्रॉप कैचेस यहाँ पे और चलिए नूर अहमद इस ओवर की अपनी अगली गेंद करने के लिए तैयार होते हुए इस ओवर की होगी चौथी गेंद सामने होंगे एशियन भंडारा देखना होगा किस तरह की यहाँ से बल्लेबाजी होती है एशियन भंडारा तैयार दौड़ते हुए यहाँ पर नूर अहमद इस पर पैरों पर यह गेंद फ्लिक कर दिया गेंद जाते हुए स्क्वेयर लेग की दिशा में पीछे से फील्डर ने दौड़ गेंद को किया फील्ड एक रन लिया दूसरा रन भी आसानी के साथ यहाँ से ले लेंगे तो चलिए दो रन यहाँ से प्राप्त करते हुए तो टीम का स्कोर हो चुका है इकसठ रन दो विकेट के नुकसान पर छह दशमलव चार ओवर की समाप्ति के बाद नूर अहमद एक बार फिर से एक बार फिर से यहां पर गेंद लेकर आते हुए नूर अहमद सामने स्ट्राइक पर होंगे कुशाल से फ्लाइटी डिलीवरी एक बार फिर से हल्का सा पैरों पर यह गेंद फ्लिक कर दिया गेंद को भेजा है स्क्वेयर लेग की दिशा में एक बार फिर से दो रन यहां पर प्राप्त हो जाएंगे जी हाँ काफ़ी तेज़ी से ये ओवर घटते हुए और तेजी के साथ साथ रन भी यहाँ पर काफ़ी आ चुके हैं दो दो रन के सहारे अपनी टीम के स्कोर को आगे ले जाते हुए कैंडी फाल्कन्स के ये दोनों बल्लेबाज तो चलिए इस ओवर की होगी आखिरी गेंद नूर अहमद नूर अहमद यहाँ पर अपनी अगली गेंद डालेंगे सामने स्ट्राइक पर होंगे नए बल्लेबाज ऐशियन भंडारा पाँच रन बनाकर खेल रहे हैं चलिए एक बार फिर से इस बार बिल्कुल तीन स्टम्प्स के बीच में ये गेंद थे इस बार गेंद को बैकफुट पर जाते हुए दिशा दिखाई थर्ड मैन की तरफ पीछे फील्डर मौजूद हैं एक रन यहाँ से भी मिल जाएगा ओवर की होती हुई समाप्ति सात ओवर की समाप्ति के बाद कैंडी की टीम का स्कोर है चौंसठ रन दो विकेट के नुकसान पर एशियन भंडारा खेल रहे हैं पाँच रन बनाकर चार गेंदों का किया है सामना वहीं दूसरी तरफ कमिंदू मैंडस ग्यारह गेंदों में सत्रह रन बनाकर यहाँ पर अपनी टीम का साथ निभाते हुए तो जी हाँ चलिए देखते हैं किस तरीके से आगे का मुकाबला यहाँ से चलता है बाकी आप सभी लोग भाई जुड़े रहिएगा जी हाँ तो सात ओवर यहाँ से समाप्त हो चुके हैं तो बाकी के बचे हुए तेरह ओवर हैं ऐसा लग रहा है कि दाम्बरा की टीम से विकेट कौन लेगा दाम्बरा की टीम से विकेट लेके कौन जाएगा क्योंकि अब तक एक भी गेंदबाज ऐसा दिखा नहीं है कि जिसके ऊपर आंख बंद करके भरोसा किया जा सके कि, कि वो दो तीन विकेट ले जाएगा हालांकि सिकंदर हैं अब गेंदबाजी करने के लिए इनके ऊपर थोड़ा सा भरोसा रहता है इनके ऊपर थोड़ा सा भरोसा रहता है अगर ये यहाँ से दो विकेट कम से कम लेकर चले जाएँ अपने बाकी बचे हुए तीन ओवर्स के अंदर तो फिर कमाल यहाँ से थोड़ा सा हो सकता है चलिए यहाँ से तैयार होते हुए बल्लेबाज सिकंदर रजा की ये गेंद अच्छी गेंद थी यहाँ पर जी हाँ बिल्कुल तीन इन स्टम्प्स के बीच में गेंद को खेला मिडोन की दिशा में कोई भी रन की यहाँ पर प्राप्ति होगी नहीं तो चलिए अगली गेंद यहाँ पर खेलने के लिए तैयार होते हुए एशियन भंडारा नए बल्लेबाज हैं अभी अभी आए हैं देखना होगा किस तरह से यहाँ पर दबाव बनाएंगे सिकंदर रजा इनके ऊपर सिकंदर रजा की ये गेंद ऑफ ऑफ्टम के बाहर ये गेंद थी थोड़ा सा उछाल लेते हुए एक्स्ट्रा उछाल था इस गेंद के अंदर बीट किया बल्ला चलाया ज़रूर था लेकिन गेंद और बल्ले के बीच में कोई संपर्क नहीं गेंद जाते हुए सीधा विकेट कीपर के दस्तानों में तो चलिए यहाँ से कोई रन नहीं मिलेगा टीम का स्कोर अभी भी रुका हुआ चौंसठ रन दो विकेट के नुकसान पर तो देखना होगा किस तरीके से यहाँ पर आगे का खेल चलता है सिकंदर रजा क्या विकेट लेकर जाएंगे क्योंकि विकेट अगर नहीं लेकर जाएंगे यहाँ से तो अंत के कुछ ओवर्स के अंदर आपको यहाँ पर दाम्बूला की टीम की ज़बरदस्त बेज्जती होते हुए दिखाई देगी चलिए इसी के साथ अगली गेंद यहाँ पर इस गेंद को खेला हल्के हाथों से दिशा दिखा स्क्वेयर लेग की तरफ जी हाँ हालाँकि गेंद ऑफ स्टम्प के बाहर थी लेकिन खींच कर थोड़ी सी जगह बनाकर शफल करते हुए ऑफ स्टम्प की तरफ ही से शॉट को खेला था और बढ़िया एग्जीक्यूट किया एक रन यहाँ से भी मिल जाएगा एक रन लेकर यहाँ पर छोर बदला और स्ट्राइक दे दिया अपने साथी खिलाड़ी कविंदु मैंडिस को कविंदु मैंडस जो कि स्पिन के खिलाफ काफ़ी तगड़े तगड़े शॉट लगाने के लिए जाने जाते हैं बड़े शॉट्स लगाते हैं स्पिन गेंदबाजी के खिलाफ तो देखना होगा क्या पहली गेंद से ही यहाँ पर बड़े शॉट्स लगाते हुए दिखाई देंगे चलिए यहाँ पर ये गेंद जी हाँ इस बार सीधी गेंद थी गेंद को उठाकर खेला है गेंदबाज के सर के ऊपर से बड़ा शॉट लगाने का प्रयास लेकिन चूके यहाँ चूक होती हुई यहाँ पर थोड़ी सी शॉट के अंदर जिस प्रकार से ताकत लगाने का इस्तेमाल किया था वो ताकत यहाँ पर नहीं झोंक पाए तो कैंडी का स्कोर है सड़सठ रन दो विकेट के नुकसान पर सात दशमलव चार ओवर की समाप्ति के बाद सिकंदर रजा का ओवर भी धीरे धीरे यहाँ से समाप्त होते हुए अगली गेंद यहाँ पर इस बार गेंद थोड़ा सा अंदर की तरफ टर्न होते हुए लेफ्ट हैंडेड बल्लेबाज के लिए गेंद को खेला पॉइंट की दिशा में रन लेने का प्रयास था लेकिन फील्डर ने इस बार बड़ी ही चपलता के साथ गेंद पर झपटे और वापस फेंका विकेट कीपर के हाथों में तो रन बनाने का यहाँ पर कोई भी मौका नहीं था तो चलिए टीम का स्कोर हो चुका है सड़सठ रन दो विकेट के नुकसान पर देखना होगा सिकंदर रज़ा इसी के साथ अगली गेंद यहाँ पर बोल्ड कर दिया है चलिए बोल्ड कर दिया है यहाँ पर काफ़ी क्रीज़ के अंदर हलचल हो रही थी कुशा कमिंदू मैंडिस से क्रीज को ऐसा लग रहा था कि भाई साहब अपना घर बना चुके थे काफ़ी ज़्यादा हलचल लेग स्टम्प से ऑफ स्टम्प ऑफ स्टम्प से लेग स्टम्प की तरफ शफल करते जा रहे थे इस बार फायदा उठाया ऑफ स्टम्प की तरफ हल्का सा शफ़ल किया यहाँ पर कमिंदू मैंडिस ने और जी हाँ गेंद सीधा जाकर विकटों से टकराते हुए और बोल्ड कर दिया है बोर्ड कर दिया है यहां पर सिकंदर रजा ने कमिंदु मैंडिस को तीसरा झटका लगते हुए तीसरा झटका यहाँ पर लगते हुए और ये झटका बड़ा ही ख़तरनाक दिया है यहाँ पर सिकंदर रजा ने क्योंकि कमिंदू मैंडिस अगर जमते तो देखिए फिर स्कोर कितना होता ये प्रिडिक्ट करना प्रिडिक्ट करना यहाँ से काफ़ी मुश्किल हो जाता तो चलिए आउट होकर जा चुके हैं चौदह गेंदों में बनाए थे उन्नीस रन कमिंदू मैंडस ने आउट किया है सिकंदर रजा ने बोल्ड कर दिया है और कैंडी की टीम का स्कोर हो चुका है सड़सठ रन तीन विकेट के नुकसान पर आए तो चलिए देखते हैं आगे आने वाले बल्लेबाज इस समय कौन होंगे कैंडी की टीम से आठ ओवर की हालांकि समाप्ति हो चुकी है अभी भी बारह ओवर का खेल बचा हुआ है तो आधे से ज़्यादा खेल अभी पड़ा हुआ है तो एक और पार्टनरशिप कैंडी की टीम यहाँ से चाहेगी कि एक और पार्टनरशिप यहाँ से बनाई जाए क्योंकि बिना पार्टनरशिप के अगर आप ताबड़तोड़ रन बनाने के लिए जाएंगे तो फिर जी हाँ हाल कई बार काफ़ी ख़राब हो जाते हैं तो सिकंदर रज़ा का ओवर हो चुका है समाप्त बल्लेबाजी करने के लिए आए हैं नजीबुल्ला जादरान लेफ्ट हैंडेड बल्लेबाज हैं और इस सीज़न में अगर बात की जाए तो भाई साहब एक का स्ट्राइक रेट है एक का इनका स्ट्राइक रेट है काफ़ी कमाल का है जिस नंबर पर ये बल्लेबाजी करते हैं उस नंबर के हिसाब से तो ऐशियन भंडारा एशियन भंडारा यहाँ पर पहली गेंद को खेला है पॉइंट और कवर के बीच में से निकालने की कोशिश की थी कामयाब हुए लेकिन गेंद के अंदर गति नहीं थी इसलिए पकड़ी जाएगी गेंद और एक रन यहाँ से मिल जाएगा एक एक रन के साथ स्ट्राइक आ चुकी है नजीबुल्ला जादरान के पास टीम का स्कोर है अड़सठ रन तीन विकेट के नुकसान पर तो चलिए नजीबुल्ला जादरान अब करेंगे सामना यहां से अगली गेंद का जी हाँ नूर अहमद नूर अहमद के हाथ में गेंद है पहला ओवर थोड़ा सा महंगा जरूर गया था जी हाँ महंगा भी नहीं गया था लेकिन अच्छी गेंदबाजी नहीं हुई थी मोटी मोटी बात यह है कि नूर अहमद के पहले ओवर में उन्होंने अच्छी गेंदबाजी नहीं की थी क्या इस ओवर के अंदर कुछ कमाल यहां से करके दिखा पाएंगे चलिए इस समय जो फोकस होगा वो नजीबुल्ला जादरान के ऊपर होगा फील्ड यहाँ पर सेट होते हुए नए बल्लेबाज के लिए थोड़ी सी आक्रामक फील्ड यहाँ पर सेट की है तो चलिए देखते हैं किस तरीके से नूर अहमद वर्सिज़ नजीबुल्ला अहमद ये मुकाबला चलता है तो तैयार होते हुए यहाँ से नूर अहमद ये गेंद नजीबुल्ला जादरान को जी हाँ ऑफसम के बाहर ये गेंद थी हल्का सा टर्न देखने के लिए मिलते हुए बिल्कुल भी नहीं छेड़ा बिल्कुल दूर रहे यहाँ से जितना दूर रह सकते थे नजीबुल्ला जादरान उतना ही दूर रहे गेंद से तो यहाँ पर डॉट गेंद आते हुए गेंद सीधा जाते हुए विकेट कीपर के दस्तानों में टीम का स्कोर अभी भी है अड़सठ रन एक बार फिर से यहाँ पर नूर अहमद इस बार गेंद को खेला मिडोन की दिशा में एक कदम आगे बढ़ाकर जी हाँ ख़ुद यहाँ पर नूर अहमद ने दौड़कर गेंद को किया फील्ड एक मौका था एक रन लेने का एक रन यहाँ से पूरा कर लिया टीम का स्कोर हो चुका है उनहत्तर रन तीन विकेट के नुकसान पर स्ट्राइक पर आ चुके हैं ऐशन भंडेरा सात रन बनाकर खेलते हुए आठ गेंदों का किया है यहाँ से सामना तो चलिए कहाँ ये टीम जा रही है कहाँ तक इस टीम का स्कोर पहुँच रहा है देखना दिलचस्प होगा अच्छा चलिए बात करेंगे इस ओवर के बाद इसी के साथ नूर अहमद एक बार फिर से ये गेंद यहाँ पर एशियन भंडारा को इस गेंद को हल्का सा उछाल एक्स्ट्रा लिया था लेकिन दिशा दिखा दिया थर्ड मैन की तरफ पीछे फील्डर मौजूद है शॉर्ट थर्ड मैन पर एक रन यहाँ से मिल जाएगा स्ट्राइक आ चुकी है एक बार फिर से नजीबुल्ला जाधरान के पास टीम का स्कोर बढ़ते हुए सत्तर रन तीन विकेट के नुकसान पर आठ ओवर की समाप्ति के बाद तो जी हाँ चलिए बात अगर की जाए यहाँ से नजीबुल्ला जादरान की तो अच्छे बल्लेबाज माने जाते हैं बड़ी पारियाँ खेलते हैं बड़े शॉट्स लगाने के लिए जाने जाते हैं लेकिन किसी भी नए बल्लेबाज के लिए शॉट्स लगाना श्रीलंका क्या किसी भी पिच के ऊपर आसान नहीं होता है चलिए नूर अहमद की यहाँ पर अगली गेंद इस गेंद को यहाँ पर खेला एक बार फिर से दिशा दिखाई थर्ड मैन की तरफ पीछे फील्डर मौजूद हैं इस बार गेंद डीप थर्ड मैन तक चली जाएगी लेकिन रन यहाँ से भी सिर्फ एक ही मिलेगा स्ट्राइक आ चुकी है एशियन भंडारा के पास आखिरी गेंद पर स्ट्राइक लेंगे एशियन भंडारा जी हाँ टीम का स्कोर है इकहत्तर रन नूर अहमद यहाँ पर नूर अहमद एक बार फिर से फील्ड सेट करते हुए राइट लेफ्ट का कॉम्बिनेशन यहाँ पर बल्लेबाजी करते हुए एशन भंडेरा राइट हैंडेड है नजीबुल्ला जादरान लेफ्ट हैंडेड है थोड़ा सा फील्ड में जब भी नया बल्लेबाज आता है क्रीज़ के ऊपर तो थो थोड़ा सा चेंज तो फील्ड में करना पड़ता है अरे तो चलिए इसी के साथ अगली गेंद इस बार तीन स्टम्प्स के बीच में ये गेंद थी गेंद को खेला है यहाँ पर लेग की दिशा में एक रन यहाँ से मिल जाएगा एक रन के साथ होते हुए ओवर समाप्त नौ ओवर की समाप्ति के बाद टीम का स्कोर है बहत्तर रन तीन विकेट के नुकसान पर भंडारा खेल रहे हैं नौ रन बनाकर वहीं नजीबुल्ला जादरान टिके हुए हैं दो रन बनाकर तो खाता अपना खोल चुके हैं कितना लंबा टिक पाएंगे ये तो देखिए आने वाला वक्त बताएगा लेकिन मुकाबला यहाँ से किस तरफ यहाँ से शेप ले रहा है तो बात अगर की जाए तो कैंडी की टीम की शुरुआत काफ़ी ज़बरदस्त बीच में हल धीरे धीरे हल्के हल्के अंतरालों पर यहाँ पर तीन विकेट ज़रूर चटकाए हैं दामुला की टीम ने लेकिन वो काफ़ी नहीं है वो बिल्कुल ना काफ़ी है यहाँ पर क्योंकि तीन विकेट गंवाने के बावजूद भी स्ट्राइक रेट अच्छा चल रहा है एक बड़े स्कोर की तरफ यहाँ से बढ़ती हुई कैंडी की टीम तो यहाँ से दो विकेट और चाहिए दो विकेट यहाँ से और चाहिए नहीं तो फिर आखिरी के छः से सात ओवर के अंदर काफ़ी ताबड़तोड़ वाली बल्लेबाजी आप यहाँ से देखेंगे चलिए सिकंदर रजा एक बार फिर से आते हुए गेंद डाली थी ऐशियन भंडारा को सीधा गेंदबाज की दिशा में खेलने का प्रयास किया जी नॉन स्ट्राइकर एंड पर गेंद जाकर स्टंप से लगते हुए कोई रन बनाने का मौका नहीं बिल्कुल सीधा ये शॉट था और सीधा जाकर स्टंप से टकराते हुए तो चलिए यहाँ से देखते हैं सिकंदर रजा पिछली ओवर में एक विकेट ले चुके हैं कॉन्फिडेंस यहाँ से सातवें आसमान पर होगा सामने हैं ऐशियन भंडारा एक बार फिर से सिकंदर रजा तैयार होते हुए फील्ड यहाँ पर पूरी तरह से सेट है विकेट कीपर बिल्कुल सटे हुए विकटों से ये गेंद सिकंदर रजा की छोटी गेंद पोल कर दिया जी हाँ मिडोन के फील्डर के हाथों के बगल से गेंद निकलते हुए लेकिन पीछे डीप मिडोन पर फील्डर मौजूद हैं जी हाँ चलिए यहाँ से सिर्फ़ और सिर्फ दो रन का नुकसान होगा लेकिन अगर कैच वो पकड़ी जाती जी हाँ मिडोन के फील्डर ने अब उछाल तो पूरा छलांग यहाँ पर पूरी लगाई थी लेकिन रिएक्शन टाइम था वो काफ़ी कम मिला था क्योंकि बहुत पास खड़े हुए हैं बहुत पास खड़े हुए हैं तो इस वजह से सही समय पर सही जंप नहीं ले पाए चलिए सिकंदर रजा एक बार फिर से ऑफ ऑस्टम के बाहर यहाँ पर यह गेंद थी इसको खींच कर खेलना चाहते थे लेग की दिशा में लेग साइड की तरफ लेकिन गेंद बल्ले के जी हाँ बॉटम बॉटम हिस्से पर लगती हुई पहुँची लॉन्ग ऑफ की तरफ तो एक रन यहाँ से भी मिल जाएगा टीम का स्कोर हो चुका है पिछहत्तर रन तीन विकेट के नुकसान पर नौ दशमलव तीन ओवर की समाप्ति के बाद तो काफ़ी धीरे धीरे काफ़ी बोरिंग तरीके से ये मुकाबला आगे बढ़ता हुआ लेकिन देखना होगा की इस मुकाबले में जान कब आएगी चलिए सिकंदर रजा एक बार फिर से तैयार होते हुए इस बार अच्छी गेंद थी सिकंदर रजा के लिए हल्के हाथों से गेंद को दिशा दिखाई जी हाँ पॉइंट की तरफ पॉइंट के फील्डर ने गेंद को उठाया वापस फेंका एक रन लेने का मौका था तो एक रन यहाँ से भी मिल जाएगा टीम का स्कोर होते हुए छिहत्तर रन तीन विकेट के नुकसान पर ओवरस हो चुके हैं नौ तो चलिए सिकंदर रजा एक बार फिर से तैयार होते हुए अपने बॉलिंग रनअप पर सामने स्ट्राइक पर होंगे एशेन भंडारा पांचवी गेंद होगी सोवर की एशियन भंडारा को ये गेंद छोटी गेंद गेंद को हल्के हाथों से दिशा दिखाई खुद से दूर किया धकेला खुद से दूर गेंद जाती हुई एक बार फिर से मिडोन के फील्डर के पास एक रन यहाँ से मिल जाएगा तो चलिए यहाँ से दोनों बल्लेबाजों में से इस समय कोई भी बल्लेबाज बड़े शॉट्स लगाने की कोशिश नहीं कर रहा है धीरे धीरे यहाँ पर अपनी पारी को आगे बढ़ाते हुए क्योंकि जानते हैं एक बार अगर पिच के ऊपर निगाहें जम गई तो उसके बाद यहाँ से बड़े शॉट्स खेलना उतना ही ज़्यादा आसान हो जाएगा चलिए इस ओवर की आखिरी गेंद जादरान के लिए इस गेंद को एक बार फिर से हल्के हाथों से गली की दिशा में खेलते हुए गली के फील्डर ने हल्का सा दौड़कर लेफ्ट की तरफ अपने जाते हुए इस गेंद को उठाया वापस फेंका एक रन मिल जाएगा टीम का स्कोर हो चुका है अठहत्तर रन तीन विकेट के नुकसान पर दस ओवर समाप्त हो चुके हैं तो जी हाँ चलिए इस ओवर की इस मैच की पहली पारी के आधी पारी समाप्त हो चुकी है दस ओवर पारी के समाप्त हो चुके हैं दस ओवर में अठहत्तर रन स्ट्राइक रेट लगभग आठ रन प्रति ओवर का तो इस हिसाब से अगर बल्लेबाजी चलती है बिना विकेट खोए तो डेफिनेटली जो ये टीम है वो 170-175 के पार यहाँ से जा रही है लेकिन अगर बीच में विकेट आ जाते हैं जी हाँ दस से पंद्रह का जो मोमेंट है वो काफ़ी महत्वपूर्ण काफ़ी महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण रहेगा वो समय इस मैच के लिए क्योंकि अगर वहाँ से विकेट आती है तो इस टीम के ऊपर दबाव बन सकता है और अगर वहाँ से विकेट नहीं आती है दस से पंद्रह ओवर के बीच में चाहे रन थोड़े से कम आ जाएँ लेकिन विकेट अगर नहीं आती है तो फिर टीम ये कैंडी की एक बड़े स्कोर की तरफ यहाँ से बढ़ती हुई तो चलिए देखते हैं भाई यहाँ पर थोड़ा सा ऐसा लगता है कि फिर से ड्रिंक ब्रेक दिया गया है जी नहीं जी नहीं नूर अहमद आ चुके हैं नूर अहमद एक बार फिर से आ चुके हैं बल्लेबाजी करने के लिए पहली गेंद यहाँ पर नजीबुल्ला जादरान ने गेंद को हल्के हाथों से दिशा दिखाई है सिर्फ थर्ड मैन की तरफ एक रन यहाँ से पूरा कर लेंगे स्ट्राइक दे दी है एशियन भंडारा को तो बिल्कुल भी यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि बड़े शॉट लगाने की कोशिश भी नहीं है ख़राब गेंदे भी मिल रही है तो वहाँ भी सिर्फ और सिर्फ़ सिंगल के सहारे काम आगे बढ़ाते हुए धीरे धीरे चलिए कैंडी की टीम का स्कोर है उनासी रन तीन विकेट के नुकसान पर दस दशमलव एक ओवर की समाप्ति के बाद अगली गेंद करने के लिए तैयार होते हुए नूर अहमद सामने स्ट्राइक पर होंगे ऐशन भंडारा चलिए इस बार कदमों का इस्तेमाल आगे बढ़कर बड़ा शॉट लगाने का प्रयास था अंतिम समय में अपने शॉट को यहाँ पर चेक किया गेंद को खेला लोंगोन की दिशा में पीछे फील्डर मौजूद है एक रन यहाँ से भी मिल जाएगा स्ट्राइक आ गई है नजीबुल्ला जादरान के पास तो चलिए ऐसा लगता है कि दोनों बल्लेबाजों ने बिल्कुल कसम खा ली है कि बिल्कुल सिर्फ़ और सिर्फ सिंगल पे ध्यान देना है ज़्यादा से ज़्यादा अगर थोड़ा सा आक्रामक खेलना होगा तो डबल ले लेंगे बाउंड्रीज़ का यहाँ पर नामो निशान नहीं है पिछले काफ़ी समय से चलिए एक बार फिर से यहाँ पर नसीबाला जादरान को ये गेंद थी हल्का सा टर्न होते हुए बल्ला चलाया ज़रूर था लेकिन गेंद और बल्ले के बीच में कोई संपर्क नहीं जी हाँ गेंद सीधा विकेट कीपर के दस्तानों में चलिए ग्राउंड के ऊपर दर्शक मौजूद हैं इस समय हमें दिखाई देते हुए दर्शक भी भाई साहब उबासी लेते हुए दर्शक का कैमरे में जो तस्वीर कैप्चर हुई है कैमरा मैन के द्वारा दर्शक भी मैदान के ऊपर बैठे हुए उबासियाँ लेते हुए इस मुकाबले में तो चलिए देखते हैं भाई कभी ना कभी कभी ना कभी तो इंटरेस्टिंग बनेगा ये मुकाबला भी एक एक रन के सहारे यहाँ से पारी आगे बढ़ते हुए चलिए यार आपके सवाल लेते हैं कुछ थोड़ा सा आपके सवाल यहां से लेते हैं सवालों की तरफ आपके बढ़ते हैं चेतन भाई ने लिखा है फैज भाई क्या बोल रहे हो अभी वो आपका ही नाम लिखेगा रामेश्वर भाई ने लिखा है म, मैचल है वो विकेट इंटरेस्टिंग वीडियो 160 सौ यस लंबी विनोद कुमार कहाँ से हो चेतन अनुपम भाई ने लिखा है टुक टुक चेतन भाई ने लिखा विनोद भाई महाराष्ट्र से हूँ आ, फहाद भाई ने लिखा है बांद्रा इज बैल भाई मेरा कैप्टन न्यूजीलैंड है रामेश्वर भाई ने कौन है भाई कैप्टन चलिए अजीत कुमार भाई ने लिखा है आउट तो चलिए यार सवाल अपने भेजते रहिएगा ये लीजिएगा ये लीजिएगा पहले ये टीम कम मजबूत थी यहाँ पर किस्मत के सहारे भी एक चौका प्राप्त होते हुए किस्मत के सहारे भी यहाँ पर मुजीबुल्ला जादरान को एक चौका प्राप्त होते हुए ओवर की आखिरी गेंद पर तो इस चौके के सहारे टीम का स्कोर हो चुका है छियासी रन तीन विकेट के नुकसान पर 11 ओवर की समाप्ति के बाद करंट रन रेट इस समय सात दशमलव आठ दो रन प्रति ओवर की रफ्तार से चलता हुआ मनु मिश्रा ने लिखा हैलो ब्रो मोहम्मद जुनैद भाई नाइस कमेंट्री करते हो मोहम्मद भाई नाइस तो सारी चीज़ें होती हैं बस मुकाबला ही नाइस नहीं हो रहा है अभी तक तो लियाकत भाई ने लिखा एम फोर्डे बोल दो हेलो भाई संदीप भाई ने लिखा है आपका नाम क्या है सन समाधान भाई मेरा नाम शशांक त्यागी है बाकी यार सभी लोग भी जुड़ते रहिएगा एक्चुअली जब से वो सिडनी थंडर वाला मुकाबला देखा है ना कि जहाँ पे वो टीम जब पंद्रह रन पर ऑल आउट हो गई थी तो उसके बाद से थोड़ा सा पेशेंस की कमी हो गई है उस मुकाबले के बाद थोड़ा सा पेशेंस की कमी हो गई है अब ऐसा लगता है कि इतने लंबे मुकाबले क्यों होते हैं बीस बीस ओवर के मुकाबलों का मतलब क्या है चार पाँच ओवर में अपना इधर से उधर करके माल पलटवा के अपना यार खत्म करें मैच तो सिडनी थंडर के मुकाबले ने, ने काफ़ी कुछ भाई बदल के रखा है तो चलिए इसी के साथ सिकंदर रजा एक बार फिर से आते हुए अपना आखिरी ओवर लेकर इस मैच का उनकी इस पारी का आखिरी ओवर होगा तीन ओवर अब तक डाल चुके हैं काफ़ी कमाल की गेंदबाजी की है तीन ओवर में उन्नीस रन देकर एक विकेट किया एक और विकेट यहाँ से लेकर जाएंगे देखना दिलचस्प होगा चलिए यहाँ से एक बार फिर से अच्छी गेंद थी जी हाँ बीट हुए हल्का सा लेकिन खेलने में कामयाब रहे गेंद को लॉन्ग ऑफ की तरफ आ, एक रन मिल जाएगा एक रन यहाँ से मिल जाएगा स्ट्राइक आ चुकी है नजीबुल्ला चादरान के पास टीम का स्कोर हो चुका है सतासी रन तीन विकेट के नुकसान पर ओवर्स हो चुके हैं ग्यारह दशमलव एक चलिए यहाँ से ये ओवर काफ़ी महत्वपूर्ण ये ओवर काफ़ी महत्वपूर्ण यहाँ से सिकंदर रज़ा का यहाँ से अगर एक विकेट लेकर और चले जाते हैं तो देखिए मुकाबले में कुछ ना कुछ तो यहाँ से जान आएगी चलिए खराब गेंद थी यहाँ पर फुल टॉस गेंद थी लेकिन नाकामयाब रहे यहाँ पर नजीबुल्ला इस गेंद पर बड़ा शॉट लगाने में गेंद को खेला स्क्वेर लेग की दिशा में पीछे फील्डर मौजूद है सिर्फ़ एक रन यहाँ से मिल पाएगा हालाँकि फुल टॉस ये गेंद थी इस गेंद को चाहे तो सीमा रेखा के बाहर भी पहुँचाया जा सकता लेकिन जैसा कि आपको बताया दोनों बल्लेबाजों ने अभी थोड़ी सी कस्मे वाले कर रखे हैं कि अभी बाउंड्रीज लगानी ही नहीं है सिंगल सिंगल के सहारे गेम को आगे बढ़ाना है चलिए सिकंदर रजा एक बार फिर से दौड़ते हुए जी ऐसा लगा थोड़ा पैर फिसला है पैर फिसला है जंप ले लिया था लेकिन गेंद नहीं डाली जंप ले लिया था गेंद डालने के लिए लेकिन एंड टाइम पर रुक गए अपनी गेंद को रोका वापस जाते हुए अपने बॉलिंग मार्क पर एक बार फिर से गेंद डालनी पड़ेगी विनोद भाई ने लिखा है टीम इंडिया जीतेगा समाधान भाई ने लिखा है शशांक त्यागी आप कमेंट्री बहुत अच्छी करते हो जी भाई धन्यवाद दाऊद इब्राहिम टिप्स कैंडी जीतेगा फिक्स इंटरेस्टिंग वीडियोस लंबी 150 भारत साहू ने लिखा है इस बाल पर विकेट मिल जाए विजय भाई ने लिखा है टी ट्वेंटी टी टेन अब टी फाइव भी आएगा प्रभाकर भाई ने लिखा है कैंडी जीतेगा भाई सब जीते कोई भी पर वो सिडनी थंडर वाले मैच ने पेशेंस की बहुत कमी कर दी है अब ये जिस प्रकार से लंका प्रीमियर लीग में बल्लेबाजी चल रही है ना तो टेस्ट मैच लग रहा है पूरा टेस्ट मैच यहां से लगते हुए नीतू भाई ने लिखा है हाय प्रभाकर भाई ने लिखा है फिक्स है रोबिन कुमार नहीं टी टेन ही सही है जे पी सिमरोली भाई लिखा है जयप्रकाश भाई ने अभय कुमार भाई ने लिखा आई लाइक यू और कमेंट्री त्यागी सर अभय भाई जी भाई धन्यवाद बस स्ट्रीम को लाइक कर दीजिएगा चैनल को भाई सब सभी लोग एक बार मिलकर सब्सक्राइब कर दीजिएगा चलिए गेंदबाजी में यहाँ पर बदलाव कप्तान आए हैं कप्तान आए हैं आके बात की है सिकंदर रजा से जी हाँ चलिए इक्यानवे रन पर पहुंच चुका है कैंडी की टीम का स्कोर तीन विकेट के नुकसान पर प्रेमदासा स्टेडियम में यह मुकाबला चल रहा है तो काफ़ी ऐतिहासिक ये मुकाबला है काफ़ी बड़े बड़े मुकाबले यहाँ पर खेले गए हैं चलिए इसी के साथ अगली गेंद यहाँ पर इस गेंद को नजीबुल्ला जादरा ने हल्के हाथों से स्क्वेयर लेग की दिशा में सिर्फ खेल कर दौड़ पड़े एक रन लिया दूसरा रन भी यहाँ पर दौड़ पड़े तो चलिए अपने पास ही खेल कर यहाँ पर दो रन प्राप्त करते हुए तो बढ़िया रनिंग बिटवीन द विकेट दोनों ही बल्लेबाजों की हालाँकि बड़े शॉट्स तो यहाँ पर नहीं आ रहे हैं लेकिन दौड़ने में बिल्कुल कसर नहीं छोड़ रहे हैं दोनों के दोनों बल्लेबाज अरविंदा भाई ने लिखा है प्लीज आउट है हिमांशु भाई ने लिखा है दामुला जीतेगा हिमांशु भाई ने लिखा है दामुला जीतेगा हिमांशु भाई बस यही बस यही कॉन्फिडेंस मुझे चाहिए लाइफ में जिस कॉन्फिडेंस के साथ आपने दामुला की टीम को अभी अभी जिताया है अपने मैसेज में इसका दस चाहिए बस मुझे तो अच्छा चलिए सिकंदर रजा एक बार फिर से दौड़ते हुए सामने स्ट्राइक पर होंगे जादरान जी हाँ बड़ा शॉट लगाने का प्रयास लेकिन गेंद सीधा जाते हुए विकेट कीपर के दस्तानों में तो यहाँ से कोई मौका नहीं कोई मौका नहीं कैंडी का स्कोर है तिरानवे रन तीन विकेट के नुकसान पर बारह ओवर की समाप्ति के बाद करंट रन रेट सात रन प्रति ओवर के लिहाज से इस समय चलता हुआ चेतन भाई जुड़े हैं हमारे साथ अरे चेतन भाई क्या करवा रहे हो भाई क्या यार टेस्ट मैच बनवा दिया अच्छा खासा मैच था लंका प्रीमियर लीग अगले साल से मेरे ख्याल से लंका प्रीमियर लीग को टी लीग घोषित करने की बजाय टेस्ट लीग अगर घोषित कर दिया जाए तो ज़्यादा बेहतर रहेगा विजय भाई ने लिखा भाई सच में टेस्ट मैच चल रहा है विजय जैफ भाई बिल्कुल भाई सही में यार मैं कमेंट्री कर रहा हूँ मैं दर्द समझ सकता हूँ भाई आप लोगों का भी जिस तरीके से मुकाबला ये चल रहा है मेरे को याद नहीं है चौका छक्का मैंने लास्ट टाइम कब बोला था इस मैच में आउट कर भाई निकी सिंह ने लिखा है के एफ जीतेगा आयुष भाई लिखते हैं हितेंद्र भाई ने लिखा है मेरा नाम क्यों नहीं लेते आप हितेंद्र भाई क्या बात कर दी सर आपने मुकाबले में तो अभी कुछ चल नहीं रहा है टेस्ट मैच ये खेल रहे हैं तो नाम ही नाम बचे मैं नाम ही ले रहा हूँ यार सबके अभी चलिए नाम लेता हूँ सबके देखता हूँ किसके नाम से विकेट आती है गोविंद भाई ने लिखा है टेस्ट मैच अभिषेक निषाद ने लिखा भाई मेरा नाम ले लो विनोद कुमार भाई जुड़े हैं हिमांशु ने लिखा विकेट जाएगा लाइन से अभिषेक भाई भाई मेरा नाम ले लो हसू भाई पटेल बहुत अच्छी कॉमेडी कर रहे हैं गोविंद भाई ने लिखा है बी बेस्ट है कैंडी विन टूडे चार और छः दोनों इस ओवर में मारो नारायण कुमार भाई ने लिखा है रोबिन कुमार आप बताएं बेस्ट है टी टेन समाधान भाई शशांक भाई आपने खाना खाया क्या समाधान भाई आज तो भाई मैच जितवा के ही मैच जितवा के भाई साहब खाना पीना होगा समाधान भाई बाकी पूछने के लिए सर आपका धन्यवाद तो चलिए देखते हैं मुकाबले में क्या कोई नई स्ट्रेटेजी है दामोला की टीम के पास क्या कोई प्लान भी है यहाँ से आउट करने का हालाँकि अगर प्लान भी इस टीम के पास होता तो शायद ये टीम इस समय टेबल में सबसे नीचे लगी हुई टीम ना होती तो चलिए देखते हैं जी यहाँ सुधीरा आए हैं सुधीरा आए हैं यहाँ पर गेंदबाजी करने के लिए पहली गेंद डाली है एक रन यहाँ से प्राप्त कर चुके हैं स्ट्राइक पर हैं इस समय नजीबुल्ला जादरान टीम का स्कोर है चौरानवे रन तो क्या कैंडी का स्कोर सौ रन का पार होने से पहले एक और विकेट यहाँ से चटकाया जा सकता है आकाश सिंह भाई ने लिखा भाई मेरा नाम लो भाई केवल आईपीएल मजा आता है अभिषेक ने लिखा है निर्मल भाई ने लिखा है कुछ फिक्स है क्या नोटिक्स भाई ने लिखा हाय माय किसान ने लिखा है एन प्रधान फिफ्टी चेतन भाई विनोद कुमार भाई ने लिखा है रोबिन कुमार ने लिखा है टी ट्वेंटी बेस्ट नारायण कुमार भाई भाई एक जाने वाला है जादरान बहुत मारता है हितेंद्र कुमार ऐशन भंडारा पचास मारेगा भाई मेरा भी नाम लो देव चौहान भाई ने लिखा है बिल्कुल भाई सबका नाम लेने की देखिए कोशिश जारी है जिस भाई का रह जाए तो बिल्कुल निराश नहीं होना है दोबारा मैसेज कर दीजिएगा चलिए इसी के साथ अगली गेंद यहाँ पर सुधीरा की नजीबुल्ला जादरान ने उठा कर खेला है गेंदबाज के सर के ऊपर से फील्डर नीचे और जी यहाँ डाइव लगाई थी लेकिन कैच छूट जाएगा कैच यहाँ से छूट जाएगा देखना दिलचस्प होगा कि चौका होगा यहाँ से या छक्का होगा फील्डर ने डाइव तो काफ़ी यहाँ से ज़बरदस्त लगाई थी ऐसा लगा था कि गेंद हाथ में लगभग लगभग आ चुकी है लेकिन एंड टाइम पर यहाँ पर गेंद छूटते हुए और पार करते हुए सीमा रेखा को चलिए एक बार फिर से देखते हैं स्लो मोशन में जी चौका होगा चलिए चार रन यहां से प्राप्त हो जाएंगे तो थोड़ा सा थोड़ा सा गेंदबाज के चेहरे पर निराशा के भाव झलकते हुए क्योंकि अगर यहां से विकेट मिल जाता तो एक बेहतरीन विकेट होता है चलिए अगली गेंद यहां पर नजीबुल्ला इस गेंद को उठाकर मारा है ये लीजिएगा लोंगौन के सर के ऊपर से एक और छक्का यहां से प्राप्त करते हुए नजीबुल्ला जादरान कैंडी की टीम पहुंच गई है 106 रन पर भाई थे एक भाई ने अभी अभी मैसेज किया था कि जादरान बहुत मारेगा भाई साहब आपका नाम गया हूं। लेकिन एकदम सही भविष्यवाणी सही समय पर आ, सही भविष्यवाणी आपने की है अजीत कुमार भाई ने लिखा है मेरा नाम लो चेतन भाई ने लिखा है सिक्स हितेंद्र कुमार विकेट नहीं जानी चाहिए मैंने पाँच हजार की गेम लगाई है ड्रीम इलेवन में उजैर खान ने लिखा है प्रताप का क्या मतलब मेरा नाम लो इससे अच्छा तो पाक वर्सेस इंग्लैंड का टेस्ट देख लो <laughs> स्वप्निल भाई जुड़े हैं ये तो टेस्ट खेल रहे तब तक आप गेम ही गेम गाना ही गा दो स्वप्निल भाई जुड़े हैं हमारे साथ स्वप्निल भाई क्या हाल है तो स्वप्निल भाई गाना गाने का अब तो मौका नहीं है क्योंकि अब तो शायद आखिरी के सात ओवर बचे हुए हैं भाई साहब अब तो धुलाई होगी अब तो एक टीम की यहाँ से धुलाई होगी और पता नहीं फीलिंग आ रही है कि वो धुलाई आज एक बार फिर से ओरा की टीम की होने वाली है ऐसी टीमें खेलती क्यों हैं यार चलिए आशीष भाई ने लिखा है आउट होगा क्रिकेट लाइव हिंदू टू आपने घबराना नहीं है आज अर्जेंटीना फीफा वर्ल्ड कप है भाई दिवाकर भाई बिल्कुल भाई इससे बढ़िया तो भाई वर्ल्ड कप दिखा लो हॉकी दिखा लो फुटबॉल दिखा लो टेबल टेनिस भी देख लूंगा ऐसे इस लंका प्रीमियर लीग के मैचों से बढ़िया तो तो चलिए भाई टीम का स्कोर हो चुका है एक सौ आठ रन तीन विकेट के नुकसान पर ओवर की समाप्ति हो चुकी है तेरहवें ओवर की तो चलिए आखिरी के सात ओवर में देखना होगा क्या कुछ बदलाव आता है क्या कुछ स्ट्रेटेजिक बदलाव करते हैं कैंडी फाल्कन्स के बल्लेबाज देखना दिलचस्प रहेगा हालाँकि इस समय भी रन रेट यहाँ पर काफ़ी बेहतर चलते हुए आठ का और यहाँ पर नजीबुल्ला जादरान नजीबुल्ला जादरान एक की रहने वाले हैं अगर कुछ दर्शकों का एंटरटेनमेंट यहाँ से कर सकते हैं तो नसीबाल्ला जादरान कर सकते हैं कैंडी फाल्कन्स की अगर बात की

यासिर जैकि भाई ने लिखा गो मैसी गो यासिर भाई बिल्कुल भाई आज तो मैसी का दिन है आज तो मैसी का दिन है भाई आज तो जो क्राउड है वो सारा का सारा दुनिया भाई दुनिया भर की निगाहें होंगी फुटबॉल के मैच के ऊपर आज फाइनल है भाई फ़ीफा वर्ल्ड कप का तो शायद देखते हैं कि क्या रहेगा बाकी हम भी बीच बीच में चेक करते रहेंगे आपको अपडेट्स देते रहेंगे यहाँ पर कि क्या चल रहा है मुकाबले के बीच में चेतन भाई ने लिखा दिवाकर भाई लगा दिया अर्जेंटीना पर चेतन भाई अरे बड़ी जल्दी भाई बड़ी जल्दी चेतन भाई लगा दिया है अपने अर्जेंटीना पर चलिए सही किया पर कई बार जो अपनी पसंद की टीम होती है अपने पसंद के जो प्लेयर होते हैं भाई साहब वो हार और जीत से बड़े होते हैं इमोशंस कई बार काम कर जाते हैं इमोशंस आर बिगर देन मनी शहराज भाई ने लिखा है लव यू भाई जान एंड गुड कमेंट्री जी भाई धन्यवाद शुभम भाई ने लिखा है के एफ हारेगा चलिए धन्यवाद भाई माधव ठाकुर ने लिखा है मेरा नाम लो चेतन भाई कैसे हो पंकज भाई विशाल सैनी ने लिखा है हाय खाना खाया भाई मोहम्मद आज़ाद ने लिखा जी भाई अभी नहीं खाएंगे मुकाबले के बाद मेरा नाम लो मेरा नाम लो भाई फुटबॉल का मैच कितने टाइम है अभिषेक भाई ने लिखा है तो भाई साहब फ़ुटबॉल का मैच साढ़े आठ बजे से शुरू हो चुका है शिवम कुमार भाई ने लिखा है नजीबुल्ला पचास मारेगा आज अर्जुन बहरा ने लिखा है फ्रांस जीतेगा राकेश दाम्बूला का बाप भी ये जाए तो भी रन चेज़ नहीं होगा फलाना डिमकाना ये ये बला 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 अ टीएम भाई ने लिखा भाई कैसे हो हिमांशु शायर मेरा भी लगा दो अर्जेंटीना पे हजार से चलिए भाई लग चुका है लग चुका है भाई आपका विकास भाई ने लिखा है नजीबुल्लाह जौदरोन मारेगा भाई एमएस भाई ने लिखा ब्लैक हॉर्स उड़ेगा आज अमित सहरावत भाई ने लिखा है मैसी बिल्कुल भाई मेसी इज द इमोशन भाई हार जीत से ऊपर है भाई मेसी की टीम जीतेगी मेसी गोल मारे आज एक दो तो भाई सारी की सारी मज़ा आ जाएगा भाई काफ़ी दिनों तक ये जीत याद रहेगी फिर तो आदित्य भाई ने लिखा हम तो फ्रांस पर लगा दिए हैं आदित्य कुमार भाई ने लिखा है तो भाई लगा दिए तो भाई जब लगा दिए भाई, भाई क्या कर सकते हैं आदित्य भाई अब बाकी देखिए टीम कोई भी जीतती है लेकिन मैसे सिर्फ एक प्लेयर की वजह से अर्जेंटीना एक प्लेयर की वजह से सिर्फ अर्जेंटीना भाई फेवरेट है अपनी तो आज जस्ट फैज भाई एक से ऊपर जाए बस चेतन भाई अरे फैज़ भाई एक से ऊपर मेरे को ऐसा लग रहा है जिस तरह की बल्लेबाजी हो रही है और जितने सुकून के साथ बल्लेबाजी चल रही है अगर नजीबुल्ला जादरान का विकेट आ गया तो एक भी ना पहुँचे भाई यासिर भाई चेतन है मुझे लग रहा है एक्स्ट्रा टाइम में जाएगी गेम आ, बिल्कुल जा सकती है भाई बड़ा मुकाबला है दोनों टीमें यहाँ पर काफी तगड़ी हैं तो शायद गोल्स इतनी मुश्किल से नहीं आएंगे तो एक्स्ट्रा टाइम में बिल्कुल यहाँ से शायद एक टीम आपको जीतते हुए दिख सकती है आज के इस मुकाबले में अनिल सहरावत भाई ने लिखा है मैसी 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 तो चलिए भाई देखते हैं कि मैसी आज क्या कमाल यहाँ से करके दिखा पाते हैं माधव ठाकुर ने लिखा है के एफ आएगा शहराज भाई ने लिखा है फुटबॉल टीम में मैसी इज ए गुड प्लेयर भाई तुसी ग्रेट हो जस्ट फैज़ ने लिखा है मत डराओ भाई प्लीज़ <laughs> अरे फैज़ भाई कोई नहीं डरे मत कीजिएगा आए तो चलिए मैथ्यू फोर्डे के हाथ में गेंद मैथ्यू फोर्डे के हाथ में यहाँ पर गेंद है पहली गेंद भंडारा को अच्छी गेंद तेज गति की ये गेंद थी ची हाँ चलिए अच्छी गेंद थी इस गेंदबाज को पहले क्यों नहीं लेकर आए गेंदबाजी तो यहाँ पर काफ़ी ज़बरदस्त है मैथ्यू फोर्डे की पहली गेंद एंगल के साथ अंदर जाते हुए और काफ़ी तेज गति से ये गेंद फेंकी थी तो जी हाँ चलिए अच्छी गेंद थी स्वप्निल भाई फील्डर भी सो रहे हैं बस बॉलर और बैटर स्वप्निल भाई बिल्कुल सही कहा बिल्कुल सही कहा भाई लेकिन यहाँ से चलिए अब ये तो वक्त आ चुका है एक तो ये भाई इनका ड्रिंक्स ब्रेक इतने होते हैं ना ड्रिंक ब्रेक के हालांकि टी ट्वेंटी मुकाबलों में सिर्फ एक ड्रिंक ब्रेक होना चाहिए सिर्फ एक ड्रिंक ब्रेक दस ओवर के बाद आप दे दीजिएगा लेकिन यहाँ पर दो या तीन तो ये ड्रिंक ब्रेक लेते हैं हर ओवर के बाद इनको पानी पीना होता है तो भाई साहब बड़ी ही ज़बरदस्त खातिरदारी होती है लंका प्रीमियर लीग के अंदर तो यासिर टैकी भाई मैसी का लास्ट वर्ल्ड कप यादगार बन जाए यासिर भाई बिल्कुल बनेगा यादगार तो देखिए बिल्कुल बनेगा हारो चाहे जीत तो यादगार तो बनेगा लेकिन अगर जीत जाए तो भाई हम भी खुश हो जाएंगे बाकी ऐसा लग रहा है कि थोड़ी देर में लंका प्रीमियर लीग के जिस तरह से अभी हालात चल रहे हैं ना मैच के लग रहा है कि थोड़ी देर में अपना फ़ीफा वर्ल्ड कप ही चला के उसी की भाई कमेंट्री सुनानी पड़ेगी आप सभी लोगों को अगली पारी में चलिए इसी के साथ यहाँ पर अगली गेंद भाई अगली गेंद पर यहाँ पर थोड़ी सी बढ़िया गेंद थी आउटसाइड द ऑफ स्टंप यहाँ पर उछाल लेती हुई ये गेंद थी इस गेंद को खेलने का प्रयास जरूर किया था लेकिन पूरी तरह से यहाँ पर चूँके टीम का स्कोर अभी भी 109 रन तीन विकेट के नुकसान पर नजीबुल्ला जादरान स्पिन गेंदबाजी के अगेंस्ट बहुत बढ़िया बल्लेबाजी करते हैं अगर अगला ओवर यहाँ से स्पिनर का आ गया तो कम से कम दो छक्के आपको उस ओवर में देखने के लिए मिलेंगे नजीबुल्ला जादरान के द्वारा चलिए टीम का स्कोर है, एक सौ नौ रन तीन विकेट के नुकसान पर ओवर हो चुके हैं यहाँ से तेरह दशमलव तीन एक बार फिर से मैथ्यू फोर्डी दौड़ते हुए सामने स्ट्राइक पर होंगे नजीबुल्ला जादरान चलिए पैरों पर यह गेंद थी इस गेंद को फ्लिक कर दिया है गेंद जाती हुई सीधा फाइन लेग विकेट फील्डर के हाथों में जी हाँ चलिए क्या कैच पकड़ा है क्या कैच पकड़ा है यहाँ पर दौड़ते हुए दौड़ते हुए डाइव लगाई है डाइव लगाते हुए इस कैच को लिया है अपने आगोश में और यहाँ पर वापस भेजा है खतरनाक लग रहे बल्लेबाज नजीबुल्ला जादरान को तो चलिए मैथ्यू उूआई मैथ्यू फोडी ने आते ही विकेट यहां पर चटकाया है और एक बड़ा विकेट अच्छी गेंद थी अपनी गति से बीट किया जी हां तेज गति की गेंदें डालते हैं ऐसा लगता है कि कम से कम 144 145 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से डाली गई यह गेंद थी और इस गेंद पर बीट हुए तो चलिए विकेट यहां से प्राप्त होते हुए तेरह दशमलव चार ओवर हो चुके हैं टीम का स्कोर है 109 रन चार विकेट के नुकसान पर जी हाँ रिक्वायर्ड रन रेट भी रन रेट भी टीम का जो रन रेट है वो भी अब आठ रन प्रति ओवर से नीचे आ चुका है तो 18 गेंदों में बाईस रन बनाकर नजीबुल्ला जादरान आउट होकर वापस पवेलियन जाते हुए टीम का स्कोर है इस समय एक सौ रन चार विकेट के नुकसान पर करंट रन रेट की अगर बात की जाए तो सात दशमलव नौ आठ का तो ये लीजिए कप्तान हाजिर हो चुके हैं कप्तान हाजिर हो चुके हैं टीम के नाम है वाइंदु हसरंगा बल्लेबाजी करने आए हैं गेंदबाजी में जाने जाते हैं गेंदबाजी में बड़े बड़े रिकॉर्ड तोड़े हैं इस साल भी लंका प्रीमियर लीग के अंदर लेकिन अब बल्लेबाजी में थोड़ा सा योगदान दिखाना पड़ेगा हालांकि उनका साथ देने के लिए खड़े हैं ऐशियन भंडेरा जो कि काफ़ी अच्छी बल्लेबाजी कर सकते हैं लेकिन इस समय तेईस गेंदों में बाईस रन बनाकर बल्लेबाजी करते हुए तो चलिए तेरह दशमलव चार ओवर की समाप्ति हो चुकी है टीम का स्कोर है 109 रन चार विकेट के नुकसान पर ओवर हो चुके हैं तेरह दशमलव चार तो जी हां बात की जाए रिकॉर्ड की तो 28 मुकाबले खेले हैं दो रन है स्ट्राइक रेट काफ़ी ज़बरदस्त है लगभग 160 का बेस्ट जो आज तक रन बनाए हैं वो है 41 रन वाइंदू हसरंगा के बाकी कुछ भी हो लेकिन गेंदबाज ही मैथ्यू फोर्डी ने बड़ी जबरदस्त की है जी हाँ पहला ओवर अपना डाला है और मैथ्यू फोर्डी का पहला ही ओवर काफ़ी जबरदस्त रहा है चलिए इसी के साथ अगली गेंद यहाँ पर ऑफ स्टम्प के बाहर जी हाँ इस गेंद को कट किया हसरंगा ने गेंद जाती हुई पॉइंट के फील्डर के पास सीधा जाएगी कोई रन लेने का यहाँ पर मौका नहीं तो चलिए शून्य के साथ डॉट के साथ यहाँ पर शुरुआत करते हुए मैथ्यू फोर्डी जी हाँ देखना होगा आगे किस तरह से यहाँ पर यह पारी चलती है कुछ ही यहाँ पर ओवर्स का गेम बचा हुआ है तो क्या एक सौ साठ एक सौ सत्तर एक सौ पिछहत्तर तक देख रही है यहाँ से कैंडी की टीम क्योंकि दूसरी पारी में बल्लेबाजी करना थोड़ा सा आसान हो जाएगा और गेंदबाजी करना उतना ही मुश्किल हो जाएगा अरे तो जी हाँ चलिए देखते हैं इस ओवर की होगी आखिरी गेंद मैथ्यू फोर्डी दौड़ते हुए सामने होंगे हसरंगा तीन स्टम्प्स के बीच में गेंद तेज इस गेंद को हल्के हाथों से दिशा दिखाई इस बार बिल्कुल सहलाते हुए गेंद को खेला पॉइंट की दिशा में दौड़ कर चुरा कर एक रन यहाँ से प्राप्त कर लिया टीम का स्कोर हो चुका है एक सौ दस रन चार विकेट के नुकसान पर ओवर्स हो चुके हैं यहाँ से समाप्त चौदह करंट रन रेट की अगर बात की जाए तो सात दशमलव आठ छः रन प्रति ओवर के हिसाब से यहाँ पर रन रेट चलता हुआ आने वाले बल्लेबाजों में शुमार है फेबियन एल और रत्न दोनों बल्लेबाजी कर सकते हैं तो देखना दिलचस्प होगा यहां से ये शायद आखिरी जोड़ी अगर आप कहना चाहे तो आखिरी जोड़ी रिकॉग्नाइज्ड पेयर है जो बल्लेबाजी कर सकता है कैंडी फाल्कन्स की टीम की तरफ से तो वो इस समय क्रेज के ऊपर मौजूद है तो चलिए भाई सभी लोग यहाँ से जुड़ते रहिएगा चेतन भाई ने लिखा पंकज भाई नहीं ली रीता तोमर ने लिखा चेतन भाई एंट्री नहीं ली अनुपम भाई ने लिखा मारो प्राइवेट भाई अट्ठाईस में लेने की सोच रहा था बट अब बावन हो गया <laughs> प्राइवेट भाई आ, कैसे हैं बाकी बड़ी ही देर देर के बाद भाई साहब प्राइवेट भाई मैसेज करते हैं आजकल कर। हिमांशु भाई ने लिखा है एक सौ अस्सी नोट करो नहीं बनेगा नीरज कुमार भाई कौन विन करेगा कोई कंफर्म बताओ यार चेतन भाई प्राइवेट भाई मैं भी विकेट नहीं जाना था यार हिमांशु शायर कैंडी की औकात नहीं है कि एक सौ अस्सी बना दे शशि पाल ने लिखा है बांद्रा एटी वन हिमांशु शायर दाम्बुला जीतेगा प्रभाकर भाई ने लिखा फेबियन क्या मर गया आएगा भाई इसके बाद आएगा इसके बाद आएगा फेबियन एलन अगर यहाँ से कोई आउट होते हुए आपको दिखता है तो चलिए यहाँ पर एक वाइड गेंद आते हुए एक वाइड गेंद आते हुए यहाँ पर जी हाँ प्रमोद प्रमोद आए हैं गेंदबाजी करने के लिए ऐसा लगता नहीं है खासकर एल के अंदर की कोई तेज़ गेंदबाज गेंदबाजी कर रहा है तेज गेंदबाज गेंदबाजी कर रहे हैं गेंद की स्पीड है मात्र एक किलोमीटर प्रति घंटा और उसके बावजूद भी गेंद को आप अगर वाइड फेंकेंगे सही लाइन लेंथ पर नहीं डाल पाएंगे तो फिर तो भाई साहब आपको गेंदबाज कहने में हमें थोड़ी सी तकलीफ़ ज़रूर होगी तो चलिए प्रमोद यहाँ से अगली गेंद डालेंगे सामने स्ट्राइक पर होंगे टीम के कप्तान हसरंगा टीम का इस समय स्कोर है 111 रन चार विकेट के नुकसान पर तो पहली गेंद एक बार फिर से डालनी पड़ेगी यहाँ पर प्रमोद को चलिए इस बार अच्छी गेंद थी उछाल लेती हुई ये गेंद थी तीन सब्स के बीच में गेंद को खेला मिड ऑफ की दिशा में एक रन तेजी के साथ दौड़कर पूरा कर लिया स्ट्राइक पर इस समय आ चुके हैं ऐशियन बांद्रा एशियन बंदारा टीम का स्कोर है 112 रन चार विकेट के नुकसान पर चौदह दशमलव एक ओवर की समाप्ति के बाद कैंडी वर्सेस दामुला के बीच में ये मुकाबला चलता हुआ कैंडी की शुरुआत काफ़ी अच्छी हुई थी लेकिन उसके बाद कुछ विकेट्स गवाए लेकिन उसके बाद जिस तरीके से टेस्ट मैच खेला गया है बीच के कुछ पाँच या छः ओवर्स के अंदर वो काबिल तारीफ़ और वो याद रहेगा गोपाल कुशवाहा भाईओ मार्केट सट्टा कंपनी बता सेकंड बैटिंग टीम को जीतने ही नहीं देंगे यासर भाई हसरंगा को बैटिंग तो आती नहीं ये क्यों आता है एलन से पहले यासिर भाई ये ऑलराउंडर है ये इस टीम का सबसे बड़ा ऑलराउंडर है और ख़ासकर श्रीलंका की तरफ से इस समय जो टीम इंटरनेशनल प्लेयर खेलते हैं उसमें सबसे बड़ा ऑलराउंडर जो काउंट किया जाता है वो हसरंगा को किया जाता है आप माने ना माने मैं मानूँ ना मानूँ लेकिन ज़रूरी क्या है हसरंगा खुद को ऑलराउंडर मानता है सबसे बड़ा गेमिंग जोन ने लिखा फेबियन एलन इज माय कैप्टन हसरंगा रन बनाएगा क्या क्रिश्चन भाई ने लिखा है भाई हसरंगा का ऐसे ही चलता है अगर इसका तुक्का चल गया तो पंद्रह एक गेंदों में अपना अट्ठाईस एक रन आपको दे के चला जाएगा नहीं तो अपना शुरुआती पाँच छः गेंदों पर ही निपट लेगा हाँ खराब नहीं करेगा ये गारंटी है कि गेंदें खराब नहीं होगी हसरंगा की तरफ से चलिए इसी के साथ ये गेंद हसरंगा को जी हाँ ड्राइव लगाने का प्रयास बाहरी किनारा विकेट कीपर के बगल से निकलता हुआ ये शॉट चार रन के लिए सीमा रेखा के बाहर जी हाँ गेंद निशाना कहीं था हसरंगा का गेंद कहीं और और लेकिन अच्छी बात यह है कि विकेट कीपर ने डाइव लगाई थी जरूर इस शॉट को इस कैच को पकड़ने के लिए लेकिन काफ़ी फ़ाइन ये शॉट जाते हुए चलिए चौका यहाँ पर प्राप्त होते हुए और किस्मत हसरंगा के साथ है किस्मत आज ऐसा लग रहा है कि हसरंगा के साथ है चार रन की यहाँ से प्राप्ति होती हुई चेतन भाई ने लिखा फोर राकेश पोडराज वन साइड कैंजीवीन देव चौहान भाई मेरी जान कृष्णा चौहान अर्जुन सिंह ने लिखा मेरा नाम लो फिर लाल सिंह चड्डा ने लिखा है फोर शशिपाल भाई हसरंगा अच्छा और ढूंढ रहा है टी ट्वेंटी मैच देखा था अकेले ही ख़त्म कर दिया था शशि पाल भाई देखिए वो बात नहीं कह रहा हूँ मैं वो तो आपकी बात सही है कि बल्लेबाजी ठीक ठाक करता है मैंने तो अभी भी बोला कि ये आज भी आपको पंद्रह अठारह गेंदों में अट्ठाईस तीस रन की पारी यहाँ से भी खेल के जा सकता है लेकिन बात चल रही थी यहाँ पर हसरंगा वर्सेज फैबियन एलन की तो चलिए यहाँ से एक रन और प्राप्त होते हुए जी हाँ रन चुरा लिया बढ़िया रनिंग बिटवीन द विकेट यहाँ पर दोनों ही बल्लेबाजों के द्वारा इस समय स्ट्राइक पर मौजूद होंगे एशियन भंडारा टीम का स्कोर है एक रन चार विकेट के नुकसान पर चौदह ओवर की समाप्ति के बाद करंट रन रेट इस समय एक बार फिर आठ के थो जरा सा ऊपर आते हुए आठ का यहाँ पर इस समय करंट रन रेट चलता हुआ चलिए प्रमोद यहाँ पर इस ओवर की अगली गेंद डालेंगे पांचवी गेंद इस बार बढ़िया गेंद थी पैरों पर यह गेंद थी लेकिन इस गेंद को क्या बढ़िया तरीके से स्वीप कर दिया जी हाँ स्वीप किया गेंद को खेला है फाइन लेग सीमा रेखा के बाहर छः रन के लिए जी हाँ चौका होगा छक्का होगा एक बार देखने दीजिएगा अंपायर का यहाँ से डिसीजन क्या बनता है क्या एक बार दोबारा चेक करना चाहेंगे जी यहाँ छक्का होगा चलिए छक्का होगा यहाँ पर जी हाँ, इस बार पैरों पर गेंद डाली थी पैरों को निशाना बनाया जरूर था लेकिन क्या बढ़िया तरीके से हल्का सा नीचे झुककर अपने घुटनों पर इस गेंद को स्वीप करके जी हाँ फुलटोस बनाकर स्वीप करके मारा है चलिए छः रन यहाँ पर प्राप्त होते हुए तो काफ़ी बढ़िया बल्लेबाजी ऐशियन भंडारा की यहाँ पर जी हाँ प्रमोद थोड़ा सा खुद से निराश जानते हैं कि ये गेंद थोड़ी सी गलत डाली थी चलिए इस ओवर की आखिरी गेंद इस ओवर की आखिरी गेंद एक बार फिर से यहाँ पर थोड़ी सी छोटी गेंद पोल कर दिया है चलिए ये लीजिएगा इस बार चौका मिड विकेट सीमा रेखा के बाहर चार रन के लिए कोई भी कोना ऐसा छोड़ा नहीं है अश्विन भंडारा ने जहाँ पर शॉर्ट्स ना खेले हो लेकिन इस समय पिछले कुछ समय से जो शॉर्ट्स है वो सीधा फील्डर्स के पास जा रहे थे लेकिन अब जो शॉर्ट्स है वो सीधा सीमा रेखा को पार करते हुए राम कुमार भाई ने लिखा भैया आज लगता है हसरंगा फॉर्म में है हाफ सेंचुरी करके जाएगा राम कुमार भाई कुछ भी हो सकता है हसरंगा जिस ब्रीड का खिलाड़ी है ना भाई साहब वो कुछ भी कर सकता है अट्ठाईस में पचास बाईस बाईस में पचास क्योंकि हर गेंद को मारता है हर गेंद को मार के खेलता है बस अच्छी बात यही लगती है कि गेंदें यार वेस्ट नहीं होती हैं जब भी हसरंगा स्ट्राइक पर होता है तो गेंदें वेस्ट बिल्कुल भी नहीं होती है या तो रन नहीं बनने हैं तो जल्दी आउट होकर चला जाता है और अगर रन बनने हैं तो फिर काफ़ी तेजी के साथ रन बनाता है चेतन भाई जुड़े या विलेज भाई ने लिखा है बुआई राकेश पीस ओवर सेशन यस कर लो विलेज भाई ने लिखा है बोर प्राइवेट भाई चेतन भाई दिल बोल रहा है खा लो और दिमाग मत खाओ शशिपाल भाई मेरा कप्तान है भंडारा राकेश भाई ने लिखा पूरी दुनिया डामुला पे जीतेगा नहीं मोहन भाई ने लिखा है मेरे पास था टाइम कृष्णा चेतन भाई ने लिखा है प्राइवेट भाई एस एम ई यार पाँच ओवर बाकी है अभी पन्नेलाल लाल अबे पर का खेलता है वन साइड मैच है शुरू से ही बोला था हसरंगा पचास मारेगा वी एफ एक्स भाई ने लिखा है वन सेवेंटी फाइव तो चलिए देखते हैं भाई कितना बनता है कितना बनता है हसरंगा भाई साहब सात रन पर बल्लेबाजी करते हुए और जी हाँ चलिए गेंद दी नूर अहमद को ये यहाँ से काफ़ी इंटरेस्टिंग काफ़ी इंटरेस्टिंग डिसीजन हो सकता है मार खाएगा भाई मार इस समय पड़ने वाली है नूर अहमद को हसरंगा ने अपना हेलमेट भी यहाँ से उतार दिया है नूर अहमद यहाँ पर पहली गेंद बड़ा शॉट लगाने का प्रयास गेंद को खेला मिड विकेट की दिशा में पीछे फील्डर मौजूद हैं एक रन मिल जाएगा स्ट्राइक पर यहाँ पर आ जाएंगे एशिन भंडारा छब्बीस गेंदों में तैंतीस रन भंडारा पहुंच चुके हैं इस समय स्ट्राइक पर सामना करेंगे नूर अहमद का यह काफी इंटरेस्टिंग ओवर है इस समय नूर अहमद को गेंदबाजी देना तो भंडारा तो यहां पर कोशिश करेंगे बड़े शॉट्स लगाने की यहां से कोशिश रहने वाली है भंडारा के द्वारा टीम का स्कोर एक सौ उनतीस रन चलिए इसी के साथ नूर अहमद की अगली गेंद इस बार अच्छी गेंद थी थोड़ा तेज गति से फेंकी हुई यह गेंद थी गेंद को हल्के हाथों से सिर्फ और सिर्फ डिफेंस करना चाहते थे लेकिन बाहरी किनारा लेकर गेंद पहुंच गई थर्ड मैन की दिशा में चलिए यहां से एक और रन मिल जाएगा स्ट्राइक आ चुकी है एक बार फिर से कप्तान हसरंगा के पास ओवर की होगी तीसरी गेंद टीम का स्कोर 130 रन करंट रन रेट इस समय 8.48 रन प्रति ओवर का चलिए इस ओवर की तीसरी गेंद नूर अहमद लेकर आते हुए सामने होंगे स्ट्राइक पर कप्तान हसरंगा चलिए ऑफ ऑफ्ट के बाहर यह गेंद कट लगाया काफी ताकत के साथ लगाया गया यह कट था लेकिन पीछे डी पॉइंट पर फील्डर मौजूद है दो रन यहां पर चलिए मिल जाएंगे दो रन यहां पर दौड़ प्राप्त करते हुए बढ़िया रनिंग बिटवीन द विकेट दोनों ही बल्लेबाजों के पर, पर बीच अच्छा आज के अपने स्पेल का इस पारी का आखिरी ओवर डालते हुए तीन गेंदे हो चुकी हैं तीन गेंदे बची हैं चौथी गेंद करने के लिए तैयार होते हुए सामने होंगे कप्तान हसरंगा एक बार फिर से अच्छी गेंद स्टम्प के बाहर गेंद गेंदी कट लगाया गेंद एक बार फिर से जाते हुए डीप पॉइंट के फील्डर के पास तो एक और रन यहां से मिल जाएगा तो जबरदस्त यहां से अपने ओवर की समाप्ति करते हुए नूर अहमद अब तक तीन दशमलव चार ओवर डाले हैं इक्कीस रन यहां से दिए हैं तो चलिए नूर अहमद एक बार फिर से गेंदबाजी करते हुए सामने होंगे इस बार एशियन भंडारा इस ओवर की होगी पांचवी गेंद क्या बड़ा शॉट आएगा जी हाँ स्वीप तो किया है स्वीप किया है स्क्वेयर देख की दिशा में लेकिन जी नहीं पीछे मिड विकेट से दौड़ते हुए फील्डर ने यहाँ पर गेंद को फील्ड किया तो दो रन यहाँ से भी प्राप्त हो जाएंगे चलिए रनिंग बिटवीन द विकेट काफ़ी बढ़िया आज देखना होगा इस पारी के बाद कि दो दो रन कितनी बार लिए गए हैं शायद लंका प्रीमियर लीग के अंदर आज रिकॉर्ड ना बना दिया और सबसे ज़्यादा दुख के लेने का एक ही मैच में चलिए दो रन यहां से प्राप्त करते हुए टीम का स्कोर एक 135 रन चार विकेट के नुकसान पर ओवर हो चुके हैं पंद्रह दशमलव पांच करंट रन रेट आठ दशमलव पांच तीन का चलिए इसी के साथ अगली गेंद इस बार सीधी गेंद सीधा गेंदबाज की दिशा में इस शॉट को खेलते हुए जी हाँ गेंद जाते हुए लोगों सीमा रेखा की तरफ एक रन यहां से भी मिल जाएगा ये चलिए बढ़िया ओवर की समाप्ति मात्र चार ओवर में नूर अहमद ने सिर्फ और सिर्फ चौबीस रन दिए हैं और उसमें से एक ओवर सोलह ओवर डाला है चलिए टीम का स्कोर हो चुका है एक रन चार विकेट के नुकसान पर सोलह ओवर की समाप्ति के बाद तो यहां से चार ओवर का खेल और बचा हुआ है तो चार ओवर में ये टीम अगर पहुंचने की पूरी जो उम्मीदें हैं वो इस समय जीवित हैं कविंदर भाई ने लिखा विजय सिंह मेरा नाम भाई लो मेरा नाम भाई लो विजय भाई आपका नाम ले दिया है फ -फ गेमिंग जोन, नूर अहमद और प्रमोद मधुसन क्या बॉलिंग कराए हैं बिल्कुल भाई प्रमोद ने भी कराए हैं नूर अहमद की भी ओवर अभी अभी समाप्त हुए हैं विजय भाई बार बार मैसेज मत कीजिएगा बार बार मैसेज यहाँ से मत कीजिएगा एक बार आपका मैसेज लिया गया है कुलदीप भाई ने लिखा है सिक्स कविंदर विश्वकर्मा दोनों को आउट करो प्लीज़ एक सौ से नब्बे तक बनेगा आई लव यू करिश्मा चौहान देव चौहान भाई ने लिखा है <laughs> चलिए यहाँ से सुधीर आए हैं सुधीर आए हैं दूसरा ओवर लेकर अपना पहले ओवर में पंद्रह रन दिए थे चलिए ये गेंद यहाँ पर एशियन भंडारा को इस गेंद को हल्के हाथों से दिशा दिखाई पॉइंट और कवर के बीच में से पीछे फील्डर मौजूद हैं एक रन यहाँ से मिल जाएगा स्ट्राइक दे दिया अपने कप्तान वाइंदू हसरंगा को टीम का स्कोर इस समय पहुंच चुका है एक रन चार विकेट के नुकसान पर सोलह ओवर की समाप्ति के बाद तो हसरंगा क्या कमाल करके दिखा पाएंगे जी हाँ हसरंगा क्या कमाल करके दिखा पाएंगे पांच गेंदे हैं यहाँ पर स्पिन की और स्पिन गेंदों को वैसे भी काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से खेलते हैं वांदु हसरंगा तो चलिए सुधीरा एक बार फिर से तैयार होते हुए वाइंदु हसरंगा फ़ील्ड को निहारते हुए चारों तरफ एक बार देखते हुए मामला किस तरीके से है तो देखते हैं यहाँ से चलिए इस बार बोल्ड कर दिया है ये लीजिएगा बोल्ड यहाँ से कर दिया है जिसकी उम्मीद नहीं थी उसको यहाँ पर पूरा करते हुए जी हाँ बोल्ड यहाँ से कर दिया वाइंदू हसरंगा बोल्ड होकर वापस पवेलियन जा चुके हैं कैंडी की टीम का स्कोर है इस समय एक रन पाँच विकेट के नुकसान पर सोलह ओवर की समाप्ति के बाद बड़ी ही जबरदस्त ये गेंद थी बिल्कुल सीधी रहती हुई ये गेंद थी वाइंदु हसरंगा पहले से ही लेग स्टंप के काफ़ी शफल कर चुके थे काफ़ी पीछे खड़े हुए थे जिसकी वजह से बल्ला सही समय पर नीचे आया नहीं गेंद सीधा जाकर स्टंप से टकराते हुए तो चलिए यहाँ से वाइंदु हसरंगा आउट होकर जा चुके हैं नौ गेंदों में बनाए हैं ग्यारह रन अब शायद नए आने वाले बल्लेबाज मेरे ख्याल से फैबियन एलन होने चाहिए तो चलिए धीरे धीरे यहाँ से जो 180 रन की उम्मीदें थी टीम की वो धीरे धीरे धूमिल होती हुई ऐसा लग रहा है कि इस समय 180 तक पहुँचना इस स्थिति से काफ़ी मुश्किल हो जाएगा टीम के लिए तो चलिए जी हाँ एलन फैबियन एलन आ चुके हैं बल्लेबाजी करने के लिए सामना करेंगे पहली गेंद का बड़े ही ज़बरदस्त बल्लेबाज है बड़ी ही अच्छी बल्लेबाजी करते हैं बड़े शॉट्स लगाने में माहिर हैं तो आज देखना होगा बची हुई बाकी की बची हुई यहाँ से 22 गेंदों में क्या कमाल करके दिखा पाते हैं चेतन भाई ने लिखा यासिर भाई मज़ा आ गया पेनल्टी मीन्स अर्जेंटीना प्राइवेट भाई ने लिखा चेतन एंट्री ले ली मैसी चेतन भाई ने लिखा प्राइवेट भाई हाँ ले ली तो चलिए भाई यहाँ से जुड़े रहिएगा एक बार हाल देख लेते हैं भाई चलिए फुटबॉल का भी हाल एक बार देख लेते हैं कि कैसा यहाँ से चलता हुआ ओ भाई साहब अर्जेंटीना का गोल हो चुका है अर्जेंटीना का गोल यहाँ से हो चुका है तो बड़ा ही ज़बरदस्त बड़ा ही ज़बरदस्त यहाँ से भाई मैच चलते हुए ये वाला भी ओहो हो तो चलिए भाई इस मुकाबले के बारे में अगर बात की जाए तो चलते हैं इस मुकाबले की तरफ भी देखते हैं कहाँ तक इस टीम का स्कोर पहुंचता है तो यहाँ से फैबियन एलन आए हैं बल्लेबाजी करने के लिए सुधीरा कर रहे हैं यहाँ से गेंदबाजी तो देखना होगा पाँच विकेट इस समय हो चुके हैं पाँच विकेट इस समय हो चुके हैं इस टीम के तो देखना दिलचस्प होगा कैसे यहाँ से मुकाबला यह चलता है कहाँ तक इस टीम का स्कोर पहुँच पाता है एक समय ऐसा लग रहा था कि क्या यहाँ से ये टीम जा पाएगी एक सौ अस्सी तक लेकिन इस समय थोड़ा सा मुश्किल लगते हुए इस समय थोड़ा सा मुश्किल लगते हुए जी हाँ चलिए अगली गेंद पर दो रन यहाँ पर आते हुए दो रन आते हुए फेबियन एलन को पहली गेंद पर दो रन यहाँ पर प्राप्त कर लिए हैं दुक्का यहाँ पर लेते हुए कैंडी की टीम का स्कोर है एक रन पाँच विकेट के नुकसान पर सोलह दशमलव चार ओवर की समाप्ति के बाद तो सुधीरा यहाँ पर एक दशमलव चार ओवर के अंदर अट्ठारह रन देकर एक विकेट अब तक हासिल किया जरूर है बाकी देखते हैं बाकी की बची हुई कुछ गेंदे यहाँ पर किस तरह से यहाँ पर कमाल करके दिखा पाती हैं तो चलिए जी हाँ कैंडी की टीम का स्कोर इस समय है एक सौ रन पाँच विकेट के नुकसान पर जी हाँ सुधीरा सुधीरा इस ओवर में अगली बार सामने स्ट्राइक पर होंगे फैबियन एलन इस गेंद को हल्के हाथों से खेला है लेग की दिशा में एक रन यहां से प्राप्त करते हुए टीम का स्कोर इस समय 140 रन पाँच विकेट के नुकसान पर धीरे धीरे पारी समाप्ति की और यहां पर बढ़ते हुए जी हां वैसे भी इस पिच का जो पार स्कोर है वो 160 है 160 के ऊपर यहां पर आप कुछ भी बनाइएगा आपकी जो टीम है वो यहाँ से थोड़ा सा ठीक ही रहेगी तो चलिए जी हाँ अगली गेंद करने के लिए तैयार होते हुए अपने इस ओवर की आखिरी गेंद एशियन भंडारा को ये लीजिएगा बंडारा भी यहां से आउट होकर वापस पवेलियन जा चुके हैं सुधीरा एक और विकेट यहां पर प्राप्त करते हुए इस ओवर की आखिरी गेंद पर विकेट लेते हुए सुधीरा भंडारा को आउट करके वापस भेजा है पवेलियन कैंडी की टीम का स्कोर है एक रन चालीस विकेट के नुकसान पर सत्रह ओवर की समाप्ति के बाद तो चलिए जी हाँ सत्रह ओवर की समाप्ति के बाद टीम का स्कोर है 140 रन 6 विकेट के नुकसान पर ऐशियन भंडेरा 31 गेंदों पर 37 रन बनाकर आउट होकर वापस पवेलियन यहां से जा चुके तो टीम कैंडी जो लग रहा था एक समय पर भी काफ़ी मजबूत स्थिति में है तो थोड़ा सा यहां पर संघर्ष करते हुए थोड़ा सा यहां पर संघर्ष करते हुए ये टीम टीम का स्कोर है 140 रन 6 विकेट के नुकसान पर हालांकि गेंदें अभी भी 18 यहां से बची हुई हैं अभी भी 18 गेंदें यहां से बची हुई हैं तो देखना दिलचस्प होगा कि, कि किस तरीके से यहां पर यह मुकाबला चलता है तो चलिए जी यहाँ सत्रह ओवर यहां से समाप्त हो चुके हैं बाकी भाई सवाल अपने भेजते रहिएगा चेतन भाई ने लिखा है एक के ही लगाया प्राइवेट भाई बीस में लूंगा मैं प्राइवेट भाई बिल्कुल आपको बीस मिलेगा बीस का रेट आपको भाई साहब बिल्कुल मिलेगा इस मैच के अंदर हालांकि फ़ुटबॉल का मैच भी भाई बड़ा ज़बरदस्त चल रहा है मुकेश भाई ने लिखा है फोर्ड को ओवर दो अखिलेश कुमार वेरी गुड कमेंट्री सर जी अखिलेश भाई कमेंट्री तो ज़बरदस्त है लेकिन एक्चुअली दिक्कत क्या हो रही है ना एक साथ दो दो मैचों के ऊपर नज़र है दो मैच एक साथ चल रहे हैं एक तरफ फुटबॉल का चल रहा है एक तरफ क्रिकेट का चल रहा है तो थोड़ी सी कन्फ्यूज़न भी आ रही है चलिए चेतन भाई ने लिखा है ठीक है प्राइवेट भाई लाल सिंह जद बस यार सब फिक्स है हिमांशु ने लिखा है जलवा है हिमांशु का अच्छा भाई आयुष राज ने लिखा है 180 हिमांशु भाई ने लिखा है 160 नहीं बनेगा और सौरभ राठी 160 रन बना सकता है क्या टीएम भाई ने लिखा है सुधीरा बैट्समैन है हिमांशु शायर विकेट जाने लगा मैंने कहा था आया जवाब मेरे भाइयों साजन कुमार ने लिखा है प्रमोद चार विकेट लेगा तो चलिए देख लेते हैं भाई देख लेते हैं भाई यहाँ से कितने विकेट क्या जाते हैं किस तरीके से यहाँ से चलती है बल्लेबाजी क्योंकि सिर्फ तीन ओवर सिर्फ़ और सिर्फ तीन ओवर यहाँ से बचे हुए हैं तो बाकी देखते हैं तीन ओवर में किस तरह की होती है ये लीजिएगा एक और विकेट यहाँ से आता हुआ फोर्डे मैथ्यू फोर्डे आए हैं गेंदबाजी करने के लिए इनकी गेंदबाजी काफ़ी कमाल की लगी इनको थोड़ा लेट आकर आए हैं थोड़ा लेट लेकर आए हैं ऐसा लगा जरूर है मैथ्यू फोर्डे अगर शुरुआत से आपको गेंदबाजी यहाँ पर करते हुए दिखाई देते तो मेरे ख्याल से यहाँ पर एक दो विकेट आपको एक्स्ट्रा मिल सकते थे चलिए यहाँ पर मैथ्यू फोर्ड विकेट लेते हुए फैबियन एलन का जी हाँ नए बल्लेबाज आए थे वाइंदू हसरंगा के आउट होने के बाद लेकिन आउट होकर वापस पवेलियन जाते हुए तो चलिए टीम का स्कोर है इस समय 140 रन सात विकेट के नुकसान पर सत्रह दशमलव दो ओवर की समाप्ति के बाद तो धीरे धीरे कैंडी की ये टीम ताश के पत्तों की तरह ढहती हुई लेकिन एक बात फिर भी कैंडी की टीम के पक्ष में जाती है कि यहाँ से इनकी जो गेंदबाजी है वो काफ़ी हद तक मजबूत है काफ़ी मजबूत है इनकी यहाँ से गेंदबाजी हाँ तो चलिए देखते हैं नए बल्लेबाज यहाँ पर कौन आते हैं करुणा रत्ने हालांकि क्रीज़ के ऊपर मौजूद हैं करुणारत्ने आ चुके हैं क्रीज़ के ऊपर नए बल्लेबाज आए हैं विजय सिंघे जी हाँ विजय सिंघे आए हैं नए बल्लेबाज बल्लेबाजी करने के लिए कैंडी की टीम का स्कोर है एक रन गेंद इस समय बची हुई है सोलह मात्र तो चलिए धीरे धीरे यहां से मुकाबला आगे की तरफ बढ़ते हुए देखते हैं भाई मुकाबला कैसे आगे बढ़ता है कितना आगे बढ़ता है कहां तक ये टीम जाती है क्या यहां से 160 160 तो पार कर जाएगी ना बैथ्यू फोर्डे के हालांकि अभी भी एक दशमलव दो ओवर हुए तो एक ओवर ये वाला डालेंगे अठारवा ओवर फिर एक बीसवा ओवर यहां से डालते हुए तो जी हाँ यहां से मैथ्यू फोड़े की अगली गेंद पहली गेंद का सामना किया था यहां पर विजय सिंघे ने तो एक शून्य रन यहां से डॉट गेंद के साथ शुरुआत होते हुए डॉट गेंद के साथ यहां से शुरुआत होते हुए कैंडी की टीम का स्कोर है इस समय 140 रन सात विकेट के नुकसान पर तो देखना होगा भाई किस तरीके से कहां तक यह टीम अपना स्कोर पहुंचा पाती है तो थोड़ा सा स्लो बल्लेबाजी यहाँ पर होते हुए क्योंकि एक तो गेंदबाजी काफ़ी ज़बरदस्त हो रही है इस समय मैथ्यू फोर्डे के द्वारा और दो नए बल्लेबाज इस समय क्रीज़ के ऊपर हैं और दोनों के दोनों यहाँ से पुछल्ले बल्लेबाज हैं तो चलिए यहाँ से यहाँ से जी रनआउट बचता हुआ बाल बाल यहाँ पर बचते हुए डायरेक्ट हिट होती तो दोनों के दोनों बल्लेबाज क्रीज़ के बीच में पहुँच चुके थे अपनी अपनी स्टंप्स छोड़कर कर यहाँ पर तो थोड़ा सा यहाँ पर बाल बाल एक बार फिर से बचते हुए चलिए यहाँ से देखते हैं भाई अगली गेंद अगली गेंद मैथ्यू फोर्डे की तैयार हैं विजय सिंघे देखना होगा किस तरीके से होती है गेंदबाजी गेंदबाजी काफ़ी ज़बरदस्त होते हुए चलिए यहाँ पर छोटी गेंद पटकी हुई गेंद पुल कर दिया गेंद जाती हुई स्क्वेयर लेग की दिशा में पीछे फील्डर मौजूद हैं एक रन यहाँ से मिल जाएगा एक रन के साथ स्ट्राइक चेंज होते हुए इस समय स्ट्राइक पर होंगे एक बार फिर से करुणा करुणारत्नी टीम का स्कोर है एक रन सात विकेट के नुकसान पर तो जी हाँ सत्रह दशमलव पाँच ओवर की समाप्ति के बाद कैंडी की टीम का स्कोर है एक सौ इकतालीस रन सात विकेट के नुकसान पर तो ज़बरदस्त तो ज़बरदस्त यहाँ पर गेंदबाजी होते हुए अंतिम कुछ क्षणों में हालांकि यहाँ पर कैंडी की टीम की गलती है बीच में उन्होंने जिस प्रकार से टेस्ट क्रिकेट खेलना चालू किया था तो देखिए ये तो होना ही था ये तो बिल्कुल वाजिब था होना उनके साथ तो चलिए मैथ्यू फोर्ड एक बार फिर से अपने इस ओवर की आखिरी गेंद डालेंगे चमी का करुणा रत्ने को गेंद को खेला हल्के हाथों से सहलाया सिर्फ लेग की दिशा में एक रन आखिरी गेंद पर मिल जाएगा टीम का स्कोर हो चुका है एक रन सात विकेट के नुकसान पर आ, 18 ओवर समाप्त हो चुके हैं ये लीजिएगा 18 ओवर यहां से समाप्त हो चुके हैं तो 12 गेंदों का खेल और बचा हुआ है बारह गेंदों का खेल यहाँ से और बचा हुआ है तो देखना होगा बारह गेंदों में यहाँ से कितने रन बना पाती है ये टीम देखना काफ़ी दिलचस्प रहने वाला है तो जी हाँ क्या बारह गेंदों में बीस रन मिनिमम यहाँ से चाहिए इस टीम को एक सौ पैंसठ एक सौ सत्तर तक पहुँचने के लिए तो काफ़ी दिलचस्प काफ़ी दिलचस्प यहाँ से रहने वाला है कि कितने रन यहाँ से बना पाती है ये टीम तो चलिए भाई सभी लोग यार जुड़े रहिएगा स्ट्रीम को भाई लाइक करना मत भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा क्योंकि मुकाबला काफ़ी दिलचस्प होने की उम्मीद है बिल्कुल यहाँ से हो सकता है दिलचस्प ये मुकाबला क्योंकि दूसरी पारी अभी मौजूद है दूसरी पारी अभी मौजूद है हालाँकि अगर आप देखें यहाँ से तो शायद आखिरी जो फेवरेट आई थी यहाँ से टीम बीस इक्कीस पैसे फेवरेट आई थी पच्चीस पैसे तक तो उसके बाद से अब तक तो देखिए आधा तो जो हो चुका है आधा तो जैकपॉट यहाँ से हो चुका है बाकी देखना दिलचस्प होगा कि आगे कैसे चलता है चलिए यहाँ से परेरा आ चुके हैं गेंदबाजी करने के लिए पहली गेंद डाली थी करुणा रत्ने को हल्के हाथों से गेंद को दिशा दिखाकर एक सिंगल यहाँ से प्राप्त कर लिया स्ट्राइक आ चुकी है विजय सिंह के पास कैंडी की टीम का स्कोर हो चुका है एक रन सात विकेट के नुकसान पर अट्ठारह ओवर की समाप्ति के बाद तो चलिए देखते हैं भाई बाकी की बची हुई गेंदों पर क्या कमाल करके दिखा पाते हैं विजय सिंघे के पास होगी स्ट्राइक इस समय एक रन बनाया है तीन गेंद यहाँ से खेली हैं जी हाँ परेरा देखना होगा अगली गेंद डालेंगे यहाँ पर विजय सिंघे को उस सामना करेंगे विजय सिंघे टीम का स्कोर है एक रन परेरा ने अब तक दो विकेट ले चुके हैं इस समय तक दो विकेट ले चुके हैं क्या तीसरा विकेट हासिल कर पाएंगे इस ओवर में पूरा मौका होगा क्योंकि पुछल्ले बल्लेबाज कर रहे हैं बल्लेबाजी तो यहाँ से पूरा मौका है पूरा मौका है यहाँ से विकेट चटकाने का चलिए परेरा इसी के साथ अगली गेंद यहाँ पे डालते हुए जी आ, इस गेंद को एक बार फिर से बाहरी किनारा गेंद ने लिया जरूर था गेंद जाते हुए पॉइंट के फील्डर के बगल से एक रन मिल जाएगा स्ट्राइक आ चुकी है एक बार फिर से करुणा रत्ने के पास तो चलिए देखते हैं भाई देखते हैं किस तरीके से यहाँ पर ये मुकाबला चलता है कैंडी की टीम का स्कोर है एक सौ चवालीस रन सात विकेट के नुकसान पर ये लीजिएगा शायद ऐसा लगता है कि भाई इसका तो पता नहीं लेकिन फुटबॉल वाले मुकाबले में एक और गोल आ चुका है वहाँ पर एक और गोल आ चुका है अर्जेंटीना की तरफ से तो देखना दिलचस्प होगा जी हाँ एक और गोल यहाँ पर आते हुए अर्जेंटीना दो शून्य से आगे है फुटबॉल के मैच में दो शून्य से आगे है तो लगभग जीत ऐसा लग रहा है कि तय हो चुकी है जीत यहाँ से ऐसा लग रहा है कि भाई साहब बिल्कुल तय हो चुकी है फ्रांस की टीम ने तो वहाँ पर घुटने टेक दिए हैं तो जी हाँ चलिए अच्छा बाकी इस मुकाबले की बात करते हैं तो एक रन यहाँ से आते हुए कैंडी की टीम का स्कोर है एक रन सात विकेट के नुकसान पर अट्ठारह ओवर की समाप्ति के बाद राजेश शर्मा 20 ओवर में एक सौ इक्यावन या एक सौ बावन आए तो शायद यस करने के लिए सोचना पड़ेगा लाल सिंह भाई सब फिक्स है मोहम्मद शकील जय हिंद भाई ने लिखा है आउट आज से आईपीएल बंद विश्वकर्मा भाई ने लिखा है आउट कालू स्वाइन भाई ने लिखा है आउट कविंदर भाई ने लिखा है क्यों नीता तो चलिए भाई राहुल बड़ोत भाई फ्रांस ही जीतेगा अरे राहुल भाई दो शून्य से आ गए इस समय अर्जेंटीना की टीम तो बिल्कुल जीत तो देखिए कोई भी सकता है पर बहुत मुश्किल हो गया बहुत मुश्किल हो चुका है भाई इस समय आयुष भाई ने लिखा है नोट आउट नोट आउट भाई ने लिखा है चलिए चलिए सवाल यार भेजते रहिएगा कोई सवाल है तो नहीं तो स्ट्रीम को लाइक कीजिएगा चलिए कैच ड्रॉप यहाँ से होते हुए कैच ड्रॉप यहां से होते हुए कैंडी की टीम का स्कोर है एक रन सात विकेट के नुकसान पर अठारह दशमलव चार ओवर की समाप्ति के बाद तो परेरा को यहाँ पर तीसरा विकेट मिलते मिलते लगभग लगभग यहाँ पर रह गया तो जी हाँ तीसरा विकेट यहाँ से मिलने वाला था वो भाई साहब यहाँ से चूक गए हैं चूक गए हैं यहाँ से तो बाकी दिलचस्प होगा यहाँ से चलिए देखते हैं देखते हैं कि भाई किस तरह से आगे का मुकाबला यहाँ से चलता है कितने रन यहाँ से ये यह टीम बना पाती है तो देखना यहाँ से काफ़ी दिलचस्प रहने वाला है जी हाँ चलिए पांचवी गेंद पर यहाँ पर दो रन आते हुए तो दो रनों के साथ करुणा ने पहुँच चुके हैं चार रनों पर कैंडी की टीम का स्कोर है एक रन सात विकेट के नुकसान पर आखिरी गेंद यहाँ से जाएगी डोट तो उन्नीस ओवर की समाप्ति हो चुकी है उन्नीस ओवर की समाप्ति के बाद टीम का स्कोर है एक रन सात विकेट के नुकसान पर अरे तो जी हाँ चलिए है, देखते हैं भाई किस तरीके से यहाँ पर ये यह मुकाबला चलता है कैसे रहता है यहाँ पर यह मुकाबला और 20 ओवर की समाप्ति के बाद क्या ये टीम 160 तक पहुँचना थोड़ा सा मुश्किल लगता है लेकिन 155 156 तक क्या यहाँ से ये टीम जाएगी देखना काफ़ी दिलचस्प रहने वाला है तो जी हाँ ओवर यहाँ से समाप्त हो चुका है ओवर 148 रन सात विकेट के नुकसान पर 19 ओवर की समाप्ति के बाद आखिरी ओवर कौन डालेगा फोर्डी डालेंगे जी हाँ मैथ्यू फोर्डी डालेंगे उनकी गेंदों पर वैसे भी रन बनाना थोड़ा सा इस समय मुश्किल होता जा रहा है टीम के लिए बड़ी ही ज़बरदस्त गेंदबाजी करके दिखाई है अपने ओवर में आश्चर्य सिर्फ इस बात का है कि उनको पहले क्यों नहीं लेकर आए आश्चर्य सिर्फ इस बात का है कि उनको पहले क्यों नहीं लेकर आए क्योंकि अगर पहले मैथ्यू फोर्डी यहाँ से बल्लेबाजी करने के लिए आते तो मेरे ख्याल से मेरे ख्याल से यहाँ पर एक दो विकेट जो है वो एक्स्ट्रा मिल सकते थे टीम को मिस्टर खुशबू सिंह ने लिखा सर मेरा नाम भी ले लो राकेश अबे कैंडी फेवरेट है जय हिंद भाई ने लिखा बी बी और आई भी फिक्सिंग है लाल सिंह चड्डा सब फिक्स है ये लोग लास्ट में जानबूझ विकेट फेंकते हैं पैसे चाहिए एलपीएल में पैसे वेस्ट मत करो लाल सिंह भाई टीमें उड़ चुकी हैं मुकाबला यहाँ पर बराबरी का चल रहा है छोटा सा जैकपॉट आप लोगों को मिल चुका है टीम खुद बीस पैसे लगकर यहाँ पर आ चुकी है दूसरी टीम हल्की सी फेवरेट आ चुकी है तो भाई साहब और क्या चाहिए और क्या चाहिए एक मैच से बताइएगा मुझे कम रन देख के जाल में मत फंसना राकेश पोडर भाई राकेश भाई हम तो फंस चुके हैं और जाल से निकल भी चुके हैं भाई साहब जाल पे भाई खा भी लिए थे लॉस कट बुक सेट भी हो चुका है बाकी अब जब अगली एंट्री होगी तो उसी प्रॉफिट के साथ अब एंट्री होगी अब नुकसान की गुंजाइश है ना बिल्कुल जीरो हो चुकी है जयदीप भाई ने लिखा अर्जेंटीना जीतेगा फोर टैक ने लिखा हाउ विल विन नीता कुमारी मधुषन को फिक्स में रखा गया है नीता जी देखते हैं चलिए भाई मुकाबले का आखिरी ओवर देखते हैं भाई आप मेरा नाम नहीं ले रहे हो अरशद खान ने लिखा अरशद भाई बिल्कुल आपका नाम ले लिया है आ, भाई आपका नाम बिल्कुल ले दिया है तो चलिए उन्नीस दशमलव दो ओवर में एक सौ इक्यावन रन हो चुके हैं मैथ्यू फोर्डी के हाथ में है गेंद करुणा रत्ने भाई साहब चार रन बनाकर खेलते हुए पांच गेंदों का किया है सामना तो करुणा रत्ने के पास होगी स्ट्राइक है, तो क्या ऐसा लगता नहीं है कि यहाँ से कुछ बड़े शॉट लगाकर रन बना सकते हैं नहीं कहीं एक अंदरूनी किनारा बाहरी किनारा एक चौका ही निकल जाए बाकी की बची हुई तीन गेंदों पर तो थोड़ा सा एक साख बच जाएगी कैंडे की टीम की एक बढ़िया स्कोर तक पहुंच जाएगी क्योंकि ऐसा लगता नहीं कि टाइमिंग के सारे इन दोनों में से कोई भी बल्लेबाज यहाँ से शॉट लगा पाएगा चलिए मैथ्यू फोर्डी तैयार होते हुए चौथी गेंद डालेंगे अपने इस ओवर की जी हाँ सामने होंगे करुणा रत्ने तो गेंद काफी अच्छी स्पीड के साथ डालते हैं बड़ी जबरदस्त स्पीड के साथ गेंदबाजी करते हैं मैथ्यू फोर्डी चलिए चौथी गेंद के लिए तैयार हो जाइएगा क्या करेंगे करुणा रत्न देखना यहाँ से काफी दिलचस्प रहने वाला है तो चलिए जी हाँ कैंडी की टीम का स्कोर इस समय एक रन और ये लीजिएगा छक्का लीजिएगा करौड़ा रत्ने के बल्ले से जो बात हम कर रहे थे काफ़ी समय से इंतज़ार करवाया इस छक्के के लिए पिछले काफ़ी समय से यहाँ पर बाउंड्रीज आई नहीं हैं और ये लीजिएगा यहाँ पर छक्का आते हुए करुणा रत्ने के बल्ले से तो चलिए कुछ यहाँ पर संभावनाएं कुछ संभावना है यहाँ पर बनती हुई कैंडी की टीम की तरफ से करुणा रत्न ने मारा है छक्का वो भी इस टीम के सबसे बेहतरीन गेंदबाज को मैथ्यू फोर्डी को चलिए कैंडी का स्कोर पहुँचता हुआ एक सौ सत्तावन अब उम्मीद बन चुकी है 160 की 160 की अब यहां से उम्मीद बन चुकी है तो भाई साहब मज़ा आया चेतन भाई ने लिखा है सिक्स मीर बिलाल मीर बिलाल वेरी नाइस कमेंट्री बेस्ट कमेंट्री ब्यूटीफुल अब्दुल भाई ने लिखा है मार भी नाम भाई किस ऐप पर रुपए लगाते हो वरुण भाई आप डेल्टिन सेवन पर जा सकते हैं डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा आ, देखो जो मैंने बोला वही हुआ हितेंद्र भाई ने लिखा है अच्छा सेकेंड इनिंग में मौका नहीं मिलेगा बात मान लो आपका भाई यूँ भाई किस ऐप पर रुपए लगाते हैं भाई किस ऐप पर आयुष भाई ने लिखा है सिक्स से मैथ्यू फोर्डी से चार ओवर क्यों नहीं डलवाए जायद अली बिल्कुल वाजिब सवाल है भाई आपका बिल्कुल सही सवाल है इसका जवाब तो देखिए टीम के कप्तान को देना पड़ेगा सबसे बेहतर गेंदबाज इस टीम का सबसे लास्ट में गेंदबाजी करते हुए दिखाई दिया है तो चलिए देखते हैं भाई चलिए आया पाँचवीं गेंद पर यहाँ पर दो रन आते हुए आखिरी गेंद होगी आखिरी गेंद होगी यहाँ पर है देखना दिलचस्प होगा क्या आखिरी का इन पर भी एक बड़ा शॉट आएगा क्या आखिरी गेंद पर भी एक बड़ा शॉट यहाँ से आ सकता है देखना काफ़ी दिलचस्प रहेगा चलिए गेंद को हवा में तो मारा है करुणा रत्ने ने देखना होगा लेकिन जी नहीं सिंगल यहाँ से मिलेगा क्या दूसरा रन होगा जी नहीं सिर्फ एक सिंगल यहाँ से मिल पाएगा चलिए 20 ओवर की समाप्ति के बाद कैंडी की टीम का स्कोर है एक रन सात विकेट के नुकसान पर और अगर यहाँ से दामुला की टीम को इस मुकाबले को जीतना है तो जी हाँ यहाँ से बनाने होंगे एक रन आसान नहीं होगा इस पिच के ऊपर लेकिन सिर्फ एक पॉजिटिव चीज़ यहाँ से जा सकती है दामुला की टीम के साथ कि यहां से अगर ड्यू पड़ती है ड्यू क्योंकि जिस समय पड़ती है तो गेंदबाजी करना बिल्कुल भी आसान होता नहीं है तो यहां से गेंदबाजी करते हुए मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा टीम को तो देखना दिलचस्प रहेगा तो चलिए देखते हैं छोटा सा लेंगे ब्रेक ब्रेक के बाद जुड़ते हैं देखते हैं क्या यहां से चेज हो पाता है या नहीं हो पाता बाकी उम्मीद करेंगे कि मुकाबला ये काफी इंटरेस्टिंग रहे और आज शायद यहाँ से दामुला की टीम क्या एक सेटबैक दे सकती है चलिए ये तो पता चलेगा छोटे से ब्रेक के बाद तो चलिए जुड़ते हैं आप सभी लोगों से एक छोटे से ब्रेक के बाद तो चलिए जी भाई नमस्कार सभी व्यूअर्स को मुकाबला एक बार फिर से शुरू हो चुका है तो दामुला की टीम यहां से अपना पहला विकेट गवा चुकी है दो रन के दो रन का स्कोर हो चुका है पहला विकेट यहां से जा चुका हालांकि पहला झटका यहाँ पर लग चुका है दामुला की टीम को तो चलिए देखते हैं किस तरीके से यहाँ पर आगे शुरुआत होती है भाई इस मुकाबले की तो जुड़े रहिएगा सभी लोग हमारे साथ इस मुकाबले में तो देखना होगा यहाँ से एक बार चला लेते हैं भाई मुकाबला सुनाते हैं आपको लाइव कमेंट्री इस समय क्रीज़ के ऊपर मौजूद है सिकंदर रसा उनका साथ दे रहे हैं यहाँ पर डेनियल तो काफ़ी दिलचस्प काफ़ी दिलचस्प यहाँ से ये यह मुकाबला होने की उम्मीद है तो सभी लोग भाई जल्द से जल्द यहाँ पर जुड़ते रहिएगा इस मुकाबले के लिए देखना होगा किस तरीके से यहाँ पर ये मुकाबला चलता है तो चलिए भाई स्वागत करते हैं एक बार फिर से दूसरी पारी में पहला ओवर समाप्त हो चुका है जी हाँ जहूर खान ने बड़ी ही ज़बरदस्त गेंदबाजी आज करके दिखाई है पहले ओवर में मात्र दो रन देकर पहला विकेट हासिल किया है टीम का तो अपनी टीम को पहले ओवर में ही यहाँ पर टॉप पर पहुँचा दिया है ज़हूर खान ने तो चलिए देखते हैं अगला ओवर यहाँ से कैसा रहता है और कैंडी दामुला की टीम यहाँ से किस प्रकार से आपको बल्लेबाजी करते हुए दिखाई देती है चलिए करुणा रत्न करुणा रत्न के हाथ में गेंद यहाँ पर पहली गेंद डालेंगे जी हाँ इस गेंद पर हल्के हाथों से गेंद को दिशा दिखाते हुए एक रन तेजी के साथ चुरा लिया डायरेक्ट हिट लगाने की कोशिश जरूर की थी लेकिन नाकामयाब रहे तो चलिए डेनियल का यहां पर खाता खुलते हुए डेनियल का यहां पर खाता खुलते हुए स्ट्राइक आ चुकी है सिकंदर रजा के पास इन दोनों बल्लेबाजों के ऊपर यहां पर काफी कुछ डिपेंड करने वाला है हालांकि इस समय अगर बात की जाए जीतने के लिए तो एक गेंदों में एक रन चाहिए 113 गेंदों में एक रन चाहिए टीम को जीतने के लिए दामुला की टीम का स्कोर है तीन रन एक विकेट के नुकसान पर एक दशमलव एक ओवर की समाप्ति के बाद सिकंदर रजा खेल रहे हैं दो रन बनाकर डेनियल खेल रहे हैं एक रन बनाकर चलिए करुणा रत्ने करुणारत्ने एक बार फिर से यहां पर दौड़ेंगे सामने इस बार स्ट्राइक पर होंगे सिकंदर रजा ये ओवर काफ़ी महत्वपूर्ण तो ऐसा लगता है कि कप्तान गेंद को फील्ड करने के चक्कर में थोड़ा सा चोटिल हुए हैं जी हाँ कप्तान को थोड़ी सी यहां पर Uh, जी हाँ देखना होगा देखना होगा यहाँ से चोटिल हुए हैं थोड़े से ज़्यादा बड़ी दिक्कत अगर हुई तो टीम के लिए यहाँ पर मुश्किलें पैदा हो सकती हैं वाइंदू हसरंगा ने यहाँ पर इशारा किया है तो मेडिकल टीम यहाँ पर आएगी देखना होगा चलिए इसी के साथ अगली गेंद यहाँ पर शुरू होते हुए करुणा रत्न दौड़ते हुए ये गेंद सिकंदर रजा को अंदर आते हुए गेंद पैड पर जाकर टकराई थी लेकिन जो इम्पैक्ट था वो थोड़ा सा ऐसा लगा कि लेग स्टम्प के बाहर था तो चलिए शून्य रन यहाँ से मिलते हुए डॉट गेंद आते हुए दाम्बला की टीम का स्कोर है तीन रन एक विकेट के नुकसान पर एक दशमलव दो ओवर की समाप्ति के बाद तो बढ़िया गेंदबाजी बढ़िया गेंदबाजी यहां पर होते हुए कैंडी की टीम की तरफ से हालांकि अभी तक जू फैक्टर है वो दिखाई नहीं दिया लेकिन जैसे जैसे यहां पर ओवर्स बढ़ेंगे तीन चार पाँच छः ओवर का गेम होगा जितनी ज़्यादा गेंद आउटफील्ड में जाएगी तो उतनी ही ज्यादा गेंद यहां पर गिली होते हुए आपको दिखाई देगी लेकिन उसके लिए सबसे पहले गेंद को आउटफील्ड में थोड़ा सा भेजना पड़ेगा चलिए करुणा रत्ने की अगली गेंद इस बार एक बार फिर से गेंद टप्पा खाने के बाद एंगल के साथ थोड़ा सा अंदर की तरफ आते हुए जी हाँ हल्का सा लेग स्टम्प के बाहर ये गेंद मिस करते हुए पहुंची थी वाइड गेंद का इशारा यहाँ पर अंपायर के द्वारा तो चलिए वाइड गेंद होगी यहाँ पर डांबुला की टीम का स्कोर हो चुका है चार रन एक विकेट के नुकसान पर एक दशमलव दो ओवर की समाप्ति के बाद तो सिकंदर रजा यहाँ पर दो रन बनाकर खेलते हुए चार गेंदों का किया है सामना डैनियल अभी भी एक रन पर यहाँ टिके पर हुए तो चलिए देखते हैं किस तरीके से आगे का मुकाबला चलता है सभी लोग भाई जुड़ते रहिएगा स्ट्रीम को लाइक कीजिएगा चेतन भाई ने लिखा है एंट्री लेने की हिम्मत नहीं हो रही कोई हिम्मत दो यार चेतन भाई बिल्कुल सही कहा बिल्कुल भाई सही कहा यहाँ से तो रेट भी कुछ इसी प्रकार का है कि एंट्री ली जाए ना ली जाए जो मन थोड़ा सा पशुपेश में अभी फंसा हुआ है शिवंग सिंह नहीं बताओ ना आप कब लेना है चेतन भाई आपने तो एंट्री ले ली थी सिंह मुझे तो लगता है कैंडी विन होगा बिल्कुल भाई सही लगता है लेकिन इसी के साथ यहाँ पर एक चौका देख लीजिएगा एक चौका यहाँ पर आते हुए करुणा रतने की इस गेंद पर सिकंदर रजा के बल्ले से आता हुआ ये चौका तो चलिए चार रन आते के बाद दाम्बला की टीम का स्कोर थोड़ा सा बढ़ते हुए आठ रन बन चुका है एक बार फिर से ये गेंद थोड़ा सा लेग स्टम्प के बाहर थी तो सिकंदर रजा जब भी बल्लेबाजी करने के लिए आए हैं गेंदबाजी थोड़ा सा लेग स्टम्प और लेग स्टम्प के बाहर की तरफ यहाँ पर होते हुए तो पूरा फ़ायदा यहाँ पर उठाते हुए सिकंदर रजा करुणा रत्न की इस गेंद पर दामुला की टीम का स्कोर है आठ रन एक विकेट के नुकसान पर एक दशमलव तीन ओवर की समाप्ति के बाद तो चलिए अगली गेंद करने के लिए तैयार होते हुए यहाँ से करुणारत्ने सामने स्ट्राइक पर होंगे एक बार फिर से सिकंदर रजा दामूला का स्कोर है आठ रन जीतने के लिए अभी भी चाहिए एक गेंदों में एक रन एक करुणा रत्न एक बार फिर से दौड़ते हुए जी हाँ स्ट्राइक पर होंगे सिकंदर रजा ये गेंद जी हाँ अच्छी गेंद थी तेजी से फेंकी हुई ये गेंद थी गति से बीट किया सही समय पर अपना बल्ला लेकर नीचे आए सिकंदर रजा इस गेंद को रोका डिफेंस किया टीम का स्कोर है आठ रन एक विकेट के नुकसान पर एक दशमलव चार ओवर की समाप्ति के बाद तो चलिए सिकंदर रजा पहुँच गए हैं छः रन पर इसी के साथ टीम का स्कोर अभी भी रुका हुआ है आठ रन पर जीतने के लिए इस समय एक गेंदों पर एक रन रिक्वायर्ड रन रेट की अगर बात की जाए तो आठ दशमलव तीन पाँच रन प्रति ओवर के हिसाब से यहाँ पर अभी रन बनाने हैं टीम को एक करुणा रत्न एक बार फिर से दौड़ते हुए अपने बॉलिंग मार्क पर गेंदबाजी करेंगे यहाँ पर सिकंदर रजा को इस ओवर की पांचवीं गेंद होगी तो थोड़ा सा पहला विकेट जाने के बाद दबाव में जरूर आई है ये टीम ये गेंद बढ़िया गेंद बिल्कुल लाइन और लेंथ पर यह गेंद थी तीन स्टम्प्स के बीच में इस गेंद को रोका बढ़िया तरीके से पावर डिफेंस से सम्मान देते हुए इस गेंद को सिकंदर रजा ने कोई बड़ा शॉट खेलने की कोशिश नहीं की तो इसी के साथ एक बार फिर से ये डॉट गेंद आते हुए तो एक दशमलव पाँच ओवर की समाप्ति के बाद टीम का स्कोर हो चुका है आठ रन एक विकेट के नुकसान पर करुणा रत्ने जी हाँ ज़बरदस्त गेंदबाजी यहाँ पर करते हुए हालांकि एक चौका जरूर खाया था दिशाहीन गेंद पर लेकिन उसके अलावा गेंदबाजी काफ़ी कमाल की किया यहाँ पर करुणारत्ने ने चलिए एक बार फिर से करुणारत्ने यहाँ पर दौड़ते हुए देखना होगा आखिरी गेंद पर क्या किस तरीके से यहाँ पर बल्लेबाजी करते हैं सिकंदर रजा दौड़ते हुए यहाँ पर ऐसे करुणा रत्न सिकंदर रजा देखना होगा जी हाँ एक बार फिर से यहाँ पर ऐसा लगा कि छोटी गेंद थी यहाँ पर देखना होगा देखना होगा जी हाँ जी हाँ जी हाँ गेंद हवा में क्या कैच हो पाएगी जी नहीं कैच यहाँ से ड्रॉप होते हुए कैच ड्रॉप होते हुए यहाँ से सिकंदर रजा का यहाँ पर कैच छोड़ा है तो कितना नुकसानदेह साबित होगा कैंडी की टीम के लिए ये तो आने वाला वक्त बताएगा लेकिन सिकंदर रजा को एक रन मिल गया दौड़ कर यहाँ से एक रन पूरा करते हुए तो चलिए यहाँ से सिंगल आ चुका है दामुला की टीम का स्कोर है नौ रन एक विकेट के नुकसान पर दो ओवर की समाप्ति के बाद सिकंदर रजा खेल रहे हैं सात रन बनाकर आठ गेंदों का किया है सामना वहीं दूसरी तरफ डेनियल खेल रहे हैं एक रन बनाकर एक गेंद का किया है सामना तो करुणा रत्ने का ओवर समाप्त हो चुका है बेहतरीन ओवर एक जीवनदान भी मिल चुका है इस ओवर में सिकंदर रजा को तो चलिए जामुला का स्कोर हो चुका है नौ रन एक विकेट के नुकसान पर दो ओवर की समाप्ति के बाद तो जबरदस्त जबरदस्त यहां से बल्लेबाजी होते हुए टीम का स्कोर हो चुका है नौ रन एक विकेट के नुकसान पर दो ओवर की समाप्ति के बाद जी हाँ अभी भी जीतने के लिए काफी रन चाहिए जहूर खान अपना दूसरा ओवर लेकर आ चुके हैं चलिए पहली गेंद यहाँ पर सिकंदर रजा ने बड़ा शॉट खेला है जी हाँ गेंद जाते हुए पॉइंट और कवर के बीच में से काफ़ी ऊपर हवा में थी ऐसा लगा कि कैच आउट हो जाएंगे लेकिन कोई फील्डर मौजूद नहीं था दो रन यहाँ से मिल जाएंगे तो चलिए थोड़ा सा आक्रामकता थोड़ी सी आक्रामकता यहाँ पर दिखते हुए सिकंदर रजा की बल्लेबाजी में दामोला की टीम का स्कोर है अभी भी ग्यारह रन एक विकेट के नुकसान पर दो दशमलव एक ओवर की समाप्ति के बाद तो सिकंदर रजा के आज वो प्लेयर साबित हो सकते हैं जो अपनी टीम को जीत की दहलीज तक पहुँचा पाएंगे दामुला की टीम के लिए देखना दिलचस्प रहेगा यहाँ से तो चलिए जहूर ख़ान एक बार फिर से एक बार फिर से यहाँ पर तैयारी करेंगे पहले ओवर में एक विकेट ले चुके हैं तो ज़बरदस्त गेंदबाज हैं ज़बरदस्त गेंदबाजी हुई है चाहे लंका प्रीमियर लीग की बात कीजिए चाहे इससे पहले खेली गई लीग्स में देखिएगा जहूर खान की गेंदबाजी तो चलिए मैदान के ऊपर भाई एक कुत्ता आ चुका है मैदान के ऊपर एक कुत्ता आ चुका है दौड़ते हुए लगातार मैदान के अंदर तो खेल थोड़ी देर के लिए यहाँ से रुका हुआ है कोशिश हो रही है कि भाई इसको किसी तरह से ग्राउंड से बाहर किया जाए तो ग्राउंड के अंदर यहाँ पर बाउंड्री लाइन की तरफ जी أتليه चलिए यहाँ से बाहर जा चुका है बाहर जा चुका है ग्राउंड से खुद ही तो एक बार फिर से ज़हूर खान यहाँ से दौड़ना शुरू करेंगे सामने स्ट्राइक पर होंगे सिकंदर रजा पहली गेंद पर एक जबरदस्त प्रहार देखने के लिए मिला था सिकंदर रजा के द्वारा देखना होगा इस गेंद पर चलिए इस बार अच्छी गेंद थी इस बार पूरा सम्मान देते हुए सिकंदर रजा इस गेंद को तीन स्टम्प्स के बीच में ये गेंद थी काफ़ी तेज़ी से फेंकी गई ये गेंद थी तो सिकंदर रजा ने इस बार पूरी तरह से बिल्कुल इस गेंद को लगने दिया अपने बल्ले के बीच में पूरी तरह से पावर डिफेंस यहाँ पर दिखाते हुए चलिए टीम का स्कोर है इस समय ग्यारह रन एक विकेट के नुकसान पर दो दशमलव दो ओवर की समाप्ति के बाद चलिए स्ट्राइक पर होंगे सिकंदर रजा एक बार फिर से ज़ूर खान अपनी डालेंगे इस ओवर की तीसरी गेंद सामने स्ट्राइक पर होंगे सिकंदर रजा टीम का स्कोर है इस समय ग्यारह रन एक विकेट के नुकसान पर दो दशमलव दो ओवर की समाप्ति के बाद चलिए इसी के साथ अगली गेंद ऑफ स्टम्प के बाहर इस गेंद को हल्के हाथों से दिशा दिखाई कवर्स की तरफ पीछे फील्डर दौड़ते हुए जी हाँ बाउंड्री लाइन से पहले इस गेंद को रोक लिया जाएगा लेकिन यहाँ से दो रन मिल जाएंगे दो रन की यहाँ से प्राप्ति हो जाएगी टीम का स्कोर इस समय तेरह रन एक विकेट के नुकसान पर दो दशमलव तीन ओवर की समाप्ति के बाद तो चलिए अच्छी तरह से ये साझेदारी यहाँ पर पनपते हुए सिकंदर रजा और डेनियल के बीच में दो दो रनों के सहारे अपनी इस साझेदारी को मजबूत करते हुए क्योंकि साझेदारी अगर मजबूत करेंगे तभी इस मुकाबले में आपकी जीत का कुछ चांस बन सकता है चलिए ज़हूर खान एक बार फिर से इस ओवर की चौथी गेंद लेकर दौड़ते हुए सामने होंगे एक बार फिर से सिकंदर रज़ा चलिए ये गेंद इस बार अच्छी गेंद थी पढ़ने के बाद थोड़ा सा डेविएशन गेंद के अंदर हल्का सा बाहर की तरफ निकलते हुए बल्ला चलाने का प्रयास किया था गेंद का बाहरी किनारा लगभग लगभग ले ही लिया था इस गेंद ने तो सीधा विकेट कीपर के दस्तानों में यहाँ से गेंद जाते हुए तो चलिए जी हाँ टीम का स्कोर यहाँ पर अभी भी रुका हुआ तेरह रन एक विकेट के नुकसान पर तीसरा ओवर यहाँ से चलते हुए तो इस समय करंट रन रेट की अगर बात की जाए तो पाँच के नीचे है रिक्वायर्ड रन रेट की बात की जाए तो वो भी नौ के नीचे है तो दोनों जो चीज़ें हैं वो अभी कंट्रोल में है इन कंट्रोल है यहाँ पर दामुला की टीम के चलिए ज़हूर खान एक बार फिर से एक बार फिर से यहाँ पर ये गेंद डालेंगे चलिए इस गेंद को उठा कर खेला स्क्वेर लेग की दिशा में जी हाँ चलिए गेंद निकल जाएगी सीमा रेखा के बाहर जाते हुए चार रन के लिए सिकंदर रजा के बल्ले से आता हुआ ये बेहतरीन चौका हालांकि ये छक्का ही हो जाता अगर गेंद बाउंड्री लाइन के ज़रा सा आगे गिर जाती आ, तो छक्का होता लेकिन अभी यहाँ पर चौका मिल जाएगा सिकंदर रज़ा को टीम का स्कोर यहाँ पर पहुँचते हुए सत्रह रन एक विकेट के नुकसान पर तो जी हाँ धीरे धीरे यहाँ पर अपनी साझेदारी को मजबूत करते हुए दामुला की टीम के ये दोनों बल्लेबाज हालांकि डैनियल की अगर बात की जाए तो सिर्फ़ एक ही गेंद खेलने को मिली है जी हाँ आप देखना होगा जब वो स्ट्राइक पर आएंगे जब वो बल्लेबाजी करेंगे तो कैसी बल्लेबाजी करके दिखाते हैं हालांकि सिकंदर रज़ा ने कमाल का, का, का काम किया है चलिए एक बार फिर से यहाँ पर बीट किया है गेंद टप्पा खाने के बाद हल्का सा आउट स्विंगर यहाँ पर देखने को मिलते हुए आखिरी गेंद पर सिकंदर रजा को एक बार फिर से बीट किया है गेंद जाती हुई विकेट कीपर के दस्तानों में तो चलिए डॉट के इनके साथ की है ओवर की समाप्ति दामोला की टीम का स्कोर है 17 रन एक विकेट के नुकसान पर तीन ओवर की समाप्ति के बाद तो चलिए डेनियल के पास आ चुकी है अब स्ट्राइक अगले ओवर में देखना होगा अब डेनियल किस तरह की यहां पर बल्लेबाजी करके दिखाते हैं क्योंकि मात्र एक गेंद खेली है सिर्फ सिर्फ एक गेंद खेली है बाकी पूरा समय नॉन स्ट्राइकर एंड पर डेनियल भी दर्शक बनकर खड़े हुए थे चेतन भाई ने लिखा गणेश भाई मेरा भरोसा मत लगाओ आयुष भाई ने लिखा है रजा जिंदाबाद कविंदर भाई ने लिखा है डी ए क्या है डीए भाई दाम्बला है चेतन भाई ने लिखा एग्जिट ले लो भाई मेरे भरोसे है तो डेस्पसीटो भाई ने लिखा चार मारो रजा जी द यूट्यूब गैलरी बैटिंग जो कर रही डीए राजेश शर्मा ने लिखा है ये दिन वाले मैच जैसा ही खेलेंगे और सो के बाद फटाफट विकेट लौटाएंगे राजेश भाई सो तक तो पहुँचने दीजिएगा सो तक अगर यहाँ से बिना विकेट खोए पहुँच जाते हैं तो मेरे ख्याल से काफ़ी बढ़िया रेट आप सभी लोगों को यहाँ से मिल जाएगा यश शर्मा ने लिखा है डीए पे लगाया है पाँच हज़ार भाई डीए विन होगा हाडू साहब ने लिखा भाई कौन सी टीम है अपनी हाडू साहब भाई देखिए रेट के हिसाब से अगर चले तो अपनी टीम जो बैठती है वो दामुला की बैठती है आज क्योंकि जहां पे एंट्री दी थी जहां पे भाई आप सभी लोगों ने खाया था जो उस समय जुड़े हुए थे तो दामुला की टीम अपनी बैठती है हालाँकि जीत तय नहीं है लेकिन फिर भी रेट के साथ रहेंगे जी हाँ लो स्कट बुक सेट करके ऐसे भागना है ऐसे भागना है कि कोई पकड़ ही ना पाए द uh, यूट्यूब भाई द यूट्यूब गैलरी दामुला विन चेतन भाई ने लिखा है शिवन भाई डी को मोनू कुमार ने लिखा है मेरा भी नाम वी लो भाई uh, मोनू भाई आपका नाम ले दिया है आपका नाम बिल्कुल भाई ले दिया है अरविंद ने लिखा है लव यू ब्रदर फैक्ट हब ने लिखा है सब फिक्स है अविनाश भाई ने लिखा है कौन जीतेगा अविनाश भाई अभी अभी आपको बताई है पूरी बात है कि कौन जीतेगा कौन नहीं जीतेगा उसको छोड़ दीजिएगा रेट किसका आएगा निकलना कहाँ है सिर्फ उस चीज़ के बारे में हल्का सा ध्यान दीजिएगा शिवम भाई ने लिखा सर आप बिहार आओ ना कभी शिवम भाई बिल्कुल आएंगे भाई बिहार बिल्कुल आएंगे भाई सिर्फ़ एक ही स्टेट तो पार करनी है हरियाणा से निकलेंगे पहुंचेंगे उत्तर प्रदेश उत्तर प्रदेश के बाद सीधा पहुंचेंगे बिहार तो ज़्यादा दूर नहीं है भाई बिल्कुल आएंगे विद्या सिंह ने लिखा है मेरा भी नाम अतुल कुमार ने लिखा है विराट कोहली फैक्ट हब भाई ने लिखा है सब फिक्स है फैक्ट हब भाई देखते हैं आ, हैदर आलम ने लिखा है दानिल आउट भाई जी सत्यम त्रिपाठी ने लिखा है मेरा नाम लो भाई एसएसपी ने लिखा है हसरंगा तीन विकेट भाई साहब एसएसपी भाई बिल्कुल ले सकते लेकिन जब आखिरी बार चेक किया था हसरंगा दिखाई दिए थे मैदान के ऊपर तो लंगड़ाते हुए चल रहे थे लंगड़ाते हुए चल रहे थे फील्डिंग करते हुए चोट लग गई थी और शायद इस समय मैदान से बाहर हैं अब आएंगे तो तभी तो गेंदबाजी करेंगे और गेंदबाजी करेंगे तो भाई साहब तभी तो तीन विकेट लिए जाएंगे ओम सिंह भाई ने लिखा सर ड्रीम इलेवन प्लेटफॉर्म सही है क्या बिल्कुल सही है भाई ड्रीम इलेवन भाई ड्रीम इलेवन में क्या दिक्कत आ गई महावीर प्रताप सिंह कठैत ने लिखा है रजा छप्पन रन बनाएगा लवीश पांडे भाई मेरा नाम लो जितेंद्र कुमार कोई फिक्स नहीं होता चलिए करण सिंह भाई ने लिखा है रोहित शर्मा कितना रन मारा फैक्ट हब ने लिखा भाई उत्तर प्रदेश में आओ ना फैक्ट हब भाई उत्तर प्रदेश तो भाई हर पंद्रहवें दिन यार सोलहवें दिन आना जाना होता ही रहता है भाई कि दूरी कितना है यार अपने से साजन कुमार भाई आओ कभी नेपाल हाँ ये थोड़ा दूर हो जाएगा भाई नेपाल थोड़ा दूर हो जाएगा अमित चौहान ने लिखा है नाम तो ले लो शैलेंद्र भाई सर राजपक्षा कितने रन बनाएगा शैलेंद्र भाई देखिए तुक्के वाली बात है अगर चल गया भानु का राजपक्षे तो मैच को खत्म भी कर सकता है मैच को क्लोज भी लेके जा सकता है बाकी नहीं किस्मत चली तो वही सात आठ गेंदों का मेहमान रहेगा रेशम भाई ने लिखा है फैंटेसी लीग हमें लूट रही है रेशम भाई तो आप उनको लूटिएगा भाई साहब जिस स्ट्रेटजी के आप साथ आप चल रहे हैं बिल्कुल उसको अपोजिट कर दीजिएगा अरविंद रो यू आर माई रियल ब्रदर आई लव यू कमेंट्री फैक्ट हर ने लिखा आप बहुत अच्छे हो मिश्तरा भाई ने लिखा आउट भी हो जाए यार राजेश शर्मा एस डेनियल का विकेट आने वाला है पैंतीस के पहले योगेश भाई ने लिखा है कर्नाटका में आओ योगेश योगी योगिशा पुजारी भाई कर्नाटका तो सर काफ़ी दूर पड़ जाएगा उसके लिए तो सर प्लानिंग करनी पड़ेगी तगड़ी देखिए डैसपसिटो भाई आप उड़ीसा हो यार भाई कहीं मत जाओ डेस्पसिटो भाई उड़ीसा भी सर दूर पड़ जाएगा ये कुछ जगहें ऐसी हैं सर जहाँ आने के लिए प्रोग्राम बनाने पड़ते हैं तैयारियाँ करनी पड़ती हैं बाकी अपना हरियाणा यूपी बिहार दिल्ली ये ऐसी जगह है सर कभी भी अपना उठो आँख खुली और अपना निकल पड़े तो पहुँच जाओगे दो चार घंटे में सारी चीज़ें कवर हो जाती हैं सुनील तिवारी भाई द वन साइड विन है तू भाई कैंडी क्यों दे रहा है सुनील तिवारी भाई कैंडी किसने दी भाई कुमार सोनू सर आज मेरी बीवी सुनिधि का बर्थडे है नाम ले दो कुमार सोनू भाई आपकी बीवी सुनिधि को भाई जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं किरण मास्कर ने लिखा है सुनिधि गौरव भाई ने लिखा भाई विकेट चाहिए साजन कुमार भाई नाम लेकर दिल जीत लिया भाई अमित चौहान ने लिखा है नैनीताल आ जाओ ब्रो अमित चौहान भाई मैं गया था नैनीताल गया था लेकिन तीन चार साल हो गए यार पंचराम बिश्नोई भाई ने लिखा भाई राजस्थान आ जाओ भाई सब राजस्थान भी अपने ही में पड़ता है ना हरियाणा पंजाब राजस्थान यूपी बिहार ये सारी स्टेट तो भाई आसपास ही पड़ती हैं त्रिलोचन पटेल छत्तीसगढ़ रायपुर आना सर फर्स्ट टाइम इंटरनेशनल मैच होगा ट्वेंटी फर्स्ट ऑफ जनवरी 2023 को इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड बिल्कुल सर बिल्कुल आपने सही कहा छत्तीसगढ़ भी मैच की होस्टिंग करने वाला है तो काफ़ी प्राउड वाला मोमेंट होगा योगेश भाई ने लिखा है ओडेन थॉमस चार विकेट लेगा आयुष भाई ने लिखा रजा सिक्स मारेगा डेस्पसिटो भाई ने लिखा हैप्पी बर्थडे फैक्ट हब ने लिखा भाई कोई भी जीते विकेट चाहिए एस डेनियल आप शादी कर लिए है क्या सुमन कुमार ने लिखा है जी नहीं सुमन कुमार जी अभी शादी नहीं किए हैं रजा सिक्स मारेगा बस मैं जीत जाऊं हैदराबाद आना भाई नवदुर्गा भाई ने लिखा है बिल्कुल भाई मस्ती भाई ने लिखा है रजा को भी नहीं बनाया माई मिस्टेक बट सनाका चल जाए सत्या यादव मेरा आप नाम नहीं ले रहे हो सत्या यादव जी बिल्कुल ले रिया सर आपका नाम जय श्री नाम ने लिखा गुड इवनिंग सर जी गुड इवनिंग भाई हाडू साहब मैं भी हिसार हरियाणा से हूँ भाई हाडू साहब बहुत बहुत आपका स्वागत है भाई मैं सोनीपत से हूँ आयुष भाई ने लिखा राजा सिक्स मारेगा भाई मेरा नाम ले लो फ्रॉम बांग्लादेश मोहम्मद शरीफ भाई जुड़े हैं विकेट चाहिए भाई डैसपसित मिलान ने लिखा है विजय जैफ ने लिखा है सिकंदर रज़ा माई कैप्टन विपलापा दास भैया आपका कमेंट्री बहुत अच्छा है चलिए जी भाई धन्यवाद शिवम सिंह भाई मुझे लगता है कैंडी विन होगा विजय भाई ने लिखा है सिकंदर रजा माई कैप्टन तो चलिए देखते हैं भाई कैसा रहता है यहां पर बाकी कप्तान जो है वाइस कैप्टन जिसका है बाकी टीमों की अगर यहां से बात की जाए तो चलिए बॉल यहां से हवा में थी और जी हां चलिए कैच आउट हो गया एक और झटका यहां पर लगते हुए टीम को थॉमस आए हैं ओडेन थॉमस और यहां से आते ही विकेट चटकाते हुए अपने पहले ओवर की तीसरी गेंद पर डेनियल आउट होकर वापस जाते हुए अभी तक संघर्ष संघर्ष जारी था डेनियल का क्रीज़ के ऊपर और आखिरकार ओडेन थॉमस ने आकर वो संघर्ष यहाँ पर समाप्त किया अब थोड़ा सा आराम मिलेगा काफ़ी पिछली थोड़ी देर से यहाँ पर लगातार जो डेनियल थे मानसिक दबाव से गुजर रहे थे ए, तो चलिए अब थोड़ा सा यहाँ पर आराम मिलेगा दामुला की टीम का स्कोर है चौबीस रन दो विकेट के नुकसान पर तो चलिए धीरे धीरे यहाँ से रिक्वायर्ड रन रेट अब नो की तरफ जा चुका है जी हाँ नो की तरफ यहाँ से बढ़ते हुए रिक्वायर्ड रन रेट दामुला की टीम का स्कोर है चौबीस रन दो विकेट के नुकसान पर चार दशमलव तीन ओवर की समाप्ति के बाद सिकंदर रजा खेल रहे हैं पंद्रह रन बनाकर वहीं डेनियल खेल रहे हैं आठ रन बनाकर तो चलिए देखते हैं देखना दिलचस्प होगा मुकाबला किस तरह से चलता है तो जी हाँ यहाँ से भाई सभी लोग जुड़ते रहिएगा स्ट्रीम को लाइक करते रहिएगा राजेश शर्मा ने लिखा मैंने बोला था डेनियल जाएगा पैंतीस के पहले बिल्कुल बोला था राजेश शर्मा भाई आसिफ राज ने लिखा है दुबई आएंगे सर कैसे आए भाई आसिफ राज भाई उसके लिए तो पासपोर्ट वीज़ा चाहिए होगा ना डेस्पेसिटो भाई भाई आप वाइजैग आओ यार तुम और मैं मिल के उड़ीसा जाएंगे यार भाई मिलान भाई बिल्कुल सही कहा आपने बिल्कुल सही कहा वाइजैग भाई साहब इकलौता नाम ऐसा इंडिया के अंदर जो कि ऐसा लगता है किसी विदेशी शहर का नाम ले रहे हो वाइजैग बोलने में मजा आता है वाइजैग मैं तो कई बार बोल सकता हूँ भाई मैं तो काफ़ी बार बोल सकता हूँ लगातार वाइजैग 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 जैग <laughs> द यूट्यूब गैलरी खाओ 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 अच्छा अजीत सिंह तेंदुलकर आएगा अब हेमाल भाई ने लिखा भाई आपका उम्र कितना होगा हेमलाल हेम्ब्रोम ऑफिशियल भाई मेरा उम्र सर इस समय उनतीस साल है नौ फरवरी को पूरे तीस साल का हो जाएगा और बाकी मेरा नाम शशांक त्यागी है आ, फजल बुखारी साय सर मैं पाकिस्तान से हूँ अजीत सिंह ने लिखा है तेंदुलकर आएगा अब एक और विकेट लेगा या नहीं बताओ भाई अजीत सिंह तेंदुलकर आएगा अब पार्टनरशिप आएगी थोड़ी शायद थोड़ी स्लो है चेतन भाई ने लिखा है विकेट आदिल अर्शद ने लिखा है थ्री आउट अजीत सिंह तेंदुलकर आएगा अब, कौन तेंदुलकर आएगा भाई शिवम सिंह अब एंट्री ले ले क्या भाई शिवम भाई देखिए रिस्क है रिस्क है यहाँ से चलिए दो ऐसा लगता है कि एक और विकेट आ चुका है जी हाँ ये लीजिएगा हैट्रिक बॉल हैट्रिक बॉल यहाँ से आती हुई भानु का राजपक्षी है। भानु का राजपक्षी जो आपको बताया था तुक्का चला तो भाई हिट हो जाएगा वरना पहली सात आठ गेंदों में आउट होकर वापस चलते बनेंगे तो ये लीजिएगा भानु का राजपक्षे भी आउट होकर वापस पवेलियन यहां से जाते हुए तो दामोला का स्कोर इस समय 24 रन तीन विकेट के नुकसान पर संघर्षरत संघर्षरत है यहाँ से दामोला की टीम तो देखना होगा एक बार हैट्रिक देख लेते है, भाई हैट्रिक होती है क्या उडैन थॉमस की भानुकुँवर आज जी हाँ वाइंदू हसरंगा की हैट्रिक देखी थी तो देख लेते हैं एक बार उडैन थॉमस की भी यहाँ से हैट्रिक हो पाती है या नहीं तो एक बार इसके ऊपर भी वही विचार विमर्श कर रहे हैं टीम के खिलाड़ी फील्ड एक बार सेट करेंगे शायद दो या तीन स्लिप तो जरूर लगा के रहेंगे यहाँ पर तो चलिए गेंद करने के लिए तैयार होते हुए दशुन शनाका शनाखा दशुन शनाका आए हैं ये तो नहीं आउट होगा भाई दशुन शनाका तो हैट्रिक देखे मुश्किल ही जाएगा यार ओडन थॉमस दौड़ते हुए दौड़ते हुए दौड़ते हुए चलिए अच्छी गेंद यहाँ पर अंदरूनी किनारा गेंद जाती हुई स्क्वेयर लेग की दिशा में दो रन की यहाँ से प्राप्ति हो जाएगी तो चलिए यहाँ से हैट्रिक को रोक दिया हैट्रिक को यहाँ से रोकते हुए बाकी देखना दिलचस्प होगा कि किस तरीके से बाकी का ये मुकाबला चलता है तो चलिए भाई जुड़े रहिएगा सभी लोग स्ट्रीम को लाइक करते रहिएगा बाकी चलिए ले लेते हैं यहाँ पर थोड़े से आपके सवाल चेतन भाई ने पूछा है क्रैकर क्या हुआ राजेश शर्मा लाइन से सब्जी पूरी बनती शुरू हो गई है अब ढां की बिपलाबा दास सुशांत यागी सर थैंक यू जी भाई थैंक यू भाई बिपलाबा बाकी किस बात का थैंक यू भाई मुझे भी एक बार ज़रा बताइएगा कि ये थैंक यू किस बात के लिए है आई लव यू थोनोस लकी बॉय ने लिखा कैंडी की टीम मेरी है मैंने उसी पर 2000 लगाया हैट्रिक हो गया डस्पिटो तो भाई ने लिखा है भाई आप एंट्री ले लिए हो क्या शिवम सिंह ने लिखा है डीपी यादव सर वाइंदु हसरंगा बॉलिंग करेगा कि नहीं प्लीज़ सर बताइए डीपी यादव भाई देखिए जब आखिरी बार देखा था वाइंदू हसरंगा को लंगड़ाते हुए चल रहे थे उसके बाद से अब तक मैदान के ऊपर नहीं दिखाई दिए हैं तो देखना दिलचस्प रहेगा देखना दिलचस्प रहेगा यहाँ से भाई साहब की कि कितनी देर में आपको दिखाई देते हैं गेंदबाजी करने के लिए आशीष पांडे एक और विकेट दिला दो भाई भाई साहब बिल्कुल कोशिश करेंगे यहाँ से विकेट तो देखिए बिल्कुल आएगी लेकिन कब आएगी ये कहा नहीं जा सकता लेकिन विकेट हंड्रेड परसेंट आएगी विप्लब दास ने लिखा है कमेंट्री के लिए जी भाई जी भाई बिल्कुल अच्छा अच्छा राजेश शर्मा बहुत बड़ी कामयाबी सनाका की हैट्रिक नहीं होने दी राजेश शर्मा भाई सबसे बड़ी इस टीम की ही सबसे बड़ी कामयाबी यही है कि आज सनाका ने हैट्रिक नहीं होने दी बाकी क्या और उससे ज़्यादा उम्मीद क्या कर सकते हैं हितेंद्र कुमार ने लिखा पाँच हज़ार जीत गया मैं राजपक्षे के विकेट के साथ ही तो हितेंद्र कुमार भाई आज बने हैं हमारे विनर भानु का राजपक्षे की वजह से तो इनके ढाई हज़ार रुपये जाते हैं भानु का राजपक्षे की चैरिटी में तो भाई साहब भेज दीजिएगा भानु का राजपक्षे की चैरिटी में आप भी तो <laughs> गोपाल भाई ने लिखा कौन जीतेगा सर योयो -यो भाई ने लिखा है उडेन थॉमस पर मेरे दस हज़ार लगाए थे चेतन भाई शशांक भाई अभी यहाँ से डीए जीती तो आप तो फिक्सिंग समझोगे क्या बिल्कुल नहीं भाई चेतन भाई इतने सारे मुकाबले कवर कर सु, कर चुके हैं कि भाई कुछ भी अब वो नहीं लगता है फिक्सिंग या कुछ भी अब वो नहीं लगता है अब सच में ऐसा लगता है कि क्रिकेट सच में अनिश्चितताओं का खेल है और अक्सर आपको बताऊं जो भाई मुकाबले जैकपॉट होते हैं ना तो वो यहीं से उड़ते हैं जो जैकपॉट मुकाबले होते हैं वो अक्सर यहीं से उड़ते हैं बाकी जो तीस पैंतीस वाले चालीस पैसे वाले होते हैं वो जैकपोट थोड़ी ना होते हैं यार फैबियन एलन कब आएगा अतुल कुमार भाई ने लिखा आएगा भाई सबका नंबर आएगा आज सबका नंबर आएगा आज भाई तो चलिए यहाँ से तीन रन आते हुए दामुरा का स्कोर है तीस रन तीन विकेट के नुकसान पर पाँच दशमलव तीन ओवर की समाप्ति के बाद तो हालांकि सिकंदर रज़ा इस समय अच्छी फॉर्म में लग रहे हैं लेकिन उसी के साथ साथ दशुन उन शनाखा जी हाँ चार गेंदों में पाँच रन बनाकर तो इस बल्लेबाज के ऊपर भी भरोसा किया जा सकता है और वहीं दूसरी तरफ गेंदबाजी करने के लिए आ चुके हैं वो हसरंगा तो देखना होगा इनके ओवर अक्सर काफ़ी खतर हो जाते हैं विरोधी टीम के ऊपर काफ़ी भारी पड़ जाते हैं इनके ओवर आसिफ भाई ने लिखा भाई आप कहाँ से हो आसिफ भाई कितनी बार बताना पड़ेगा भाई मैं सोनीपत से हूँ हरियाणा से सर सिकंदर रजा चलेगा या नहीं आयुष भाई ने लिखा है आयुष भाई चल चुका है इस समय सबसे ज़्यादा रन है इस समय सबसे ज़्यादा रन अगर आप देखोगे तो उसी के ही हैं अपर्णा भाई ने लिखा भाई आज सेकंड बैट जीत जाए तो टॉप फोर टाइम अबनीश भाई ने लिखा टेन थाउजेंड विन सिकंदर तो चैलेंज कंफर्म मोहम्मद इस्माइली भाई ने लिखा मैंने ए, दामुला पर दो हज़ार रुपये लगाए थे ठीक है भाई ठीक है सिकंदर भुट्टो चैलेंज कन्फर्म डपसिटो भाई ने लिखा फोर विकेट्स लेगा चेतन भाई ने लिखा फोर 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 धीरज दूबे फोर विकेट फेबियन एलन धीरज भाई हो चुका है बस अब ऐसा लग रहा है कि विकटों का जो था वो पतन वो समाप्त हो चुका है अब यहाँ से एक आप तगड़ी पारी देखेंगे अब यहाँ से आप एक अच्छी पारी आपको देखने के लिए मिल जाएगी इस मुकाबले के अंदर तो देखना दिलचस्प होगा चलिए देखना दिलचस्प होगा कहाँ ये मुकाबला जा रहा है विजय भाई ने लिखा भाई फुटबॉल का भी बताओ विजय जैफ भाई दो जीरो से अर्जेंटीना की टीम आगे है तिरसठवें मिनट में मुकाबला पहुँच चुका है तो ऐसा लग रहा है कि जो वर्ल्ड कप है किताब है जो अर्जेंटीना के नाम ऑलरेडी हो चुका है विजय भाई ने लिखा है भाई फुटबॉल का बता दिया है भाई अतुल कुमार हरियाणा हमारा होम है बिल्कुल भाई अ, मेरा भी है भाई आशीष भाई ने लिखा है टेन थाउजेंड ट्विन अरविंद रोए भाजी हरियाणा में आप कहाँ मिलोगे अरविंद रोय भाई साहब मुरथल से हूँ मैं सोनीपत से तो आप कहीं भी मिल लीजिएगा बाकी एक आपको बता सकता हूँ सुखदेव ढाबा सुखदेव ढाबे का भाई आपने नाम सुना होगा बाकी सभी लोगों ने जो भी आसपास के होंगे सब जानते होंगे चेतन भाई शशांक भाई आज डीए जीतेगी देखना मैंने एंट्री ले ली चलिए चेतन भाई यहाँ से एंट्री ले चुके हैं भाई चेतन भाई यहाँ से एंट्री ले चुके हैं तो चलिए देखते हैं भाई चेतन भाई बिल्कुल यार डाम्बूला यार जीत सकती है जीत सकती है यहाँ से बस ये जो जोड़ी है ये काफ़ी महत्वपूर्ण ये जो जोड़ी है कुमार विकास ने लिखा विकेट प्रदीप शर्मा प्रदीप भाई हमारे साथ जुड़े हैं भाई इस मैच में क्या होगा प्रदीप भाई क्या हाल है सबसे पहले तो भाई ये बताइएगा प्रदीप भाई काफ़ी दिनों के बाद हमारे साथ जुड़े हैं तो प्रदीप भाई इस मुकाबले का ऐसा लगता है कि देखिए अभी तो एंट्री देखिए ज़्यादा आ गई है इस समय कैंडी फाल्कन्स की टीम एक बार फिर से फेवरेट आ चुकी है पच्चीस छब्बीस लेकिन अगर जिसने पाँच मिनट पहले एंट्री ले ली है ग्यारह बारह तेरह पैसे पर तो उसके लिए मेरे ख्याल से बहुत बढ़िया है देवली भाई सर प्लीज़ बताइए कुछ चांसेस है कि नहीं चेतन भाई शुभम भाई स्मॉल अमाउंट के साथ ले लेना देवली भाई भाई दाम्बुला जीतेगी क्या कुछ चांस है क्या भाई चांस हमेशा होते हैं चांस क्रिकेट के अंदर भाई साहब हमेशा होते हैं जब तक आखिरी गेंद ना डल जाए तो किसी भी टीम को ये बोल देना कि यह टीम जीत नहीं सकती वो सबसे बड़ी बेवकूफ़ी होती है तो चलिए टीम का स्कोर हो चुका है चालीस रन तीन विकेट के नुकसान पर छः दशमलव दो ओवर की समाप्ति के बाद सिकंदर रजा बेस्ट ऑलराउंडर है मुकेश कुमार दस ओवर तक कोई भी विकेट नहीं जाने वाला है चलिए भाई दस ओवर तक अगर कोई भी विकेट नहीं जाने वाला है और इसी प्रकार से दोनों के दोनों बल्लेबाज यहाँ से बल्लेबाजी करते रहे तो फिर तो मेरे ख्याल से मज़ा आएगा फिर तो मेरे ख्याल से भाई साहब यहाँ से मज़ा पूरी तरह से आने वाला है आयुष सभी लोग भाई का चैनल सब्सक्राइब कर दो बिल्कुल भाई कर दीजिएगा नए लोग क्योंकि भाई सभी के सभी मुकाबले आपको हिंदी कमेंट्री आपको यहीं पर देखने के लिए मिलने वाली है सर आप बताओ ना एंट्री कब ले लेनी है शिवम भाई अभी मौका गया अभी सिर्फ़ और सिर्फ चार मिनट पहले मौका गया है जिस समय लगातार दो विकेट गए थे तो उस समय रेट शायद कितना था बारह तेरह पैसे आ चुका था तो वहाँ पर यार मेरे ख्याल से सही वक्त था देवली भाई भाई सिक्स आने वाला है मेरा नाम ले लीजिए जब तक मेरा नाम भी रजा है तो चलिए भाई रजा भाई हमारे साथ जुड़े हैं रजा भाई रजा का छक्का लगवाने के चक्कर में या है। देखते हैं कब आता है, है। शिवम भाई लेना है तो ले लो शशांक भाई नहीं बताते <laughs> चेतन भाई बता तो दूं यार अभी टाइम निकल गया ना टाइम अभी निकल गया बाकी एक टीम दे रखी है बोल रखा है कि भाई चांसेस हैं यहाँ से दाम्बूला के जीतने के तो एंट्री तो देखिए आप अपनी मर्जी से जहाँ जिस रेट पे चाहे आप अपने हिसाब से ले सकते हैं <coughs> खा गए बाकी चेतन भाई तो बताते ही रहते हैं भाई देवली भाई भाई सिक्स आने वाला है भाई सिक्स भाई साहब देवली भाई इतने छक्के लगवाएंगे क्या चलिए भाई साहब यहाँ से ऐसा लगता है एक और विकेट थॉमस एक और विकेट यहाँ से लेकर जा चुके हैं कैच आउट यहाँ से दशुन शना का जी हाँ दशुन शनाका यहाँ से भाई साहब कैच आउट हो चुके हैं तो बड़ी ही ज़बरदस्त विकेट ये विकेट भारी पड़ने वाली है ये विकेट यहाँ से भारी पड़ने वाली है थॉमस ने तो भाई कमाल कर दिया ओडेन थॉमस ने क्या ज़बरदस्त आज गेंदबाजी करके दिखाई है दूसरा ओवर अपना डालने के लिए आए हैं और दो विकेट चटक चुके हैं चलिए है, दामुला की टीम का स्कोर है चालीस रन चार विकेट के नुकसान पर इस समय भी सिकंदर रज़ा क्रीज़ के ऊपर मौजूद हैं सिकंदर रजा इस समय भी क्रीज़ के ऊपर मौजूद हैं तो देखना दिलचस्प होगा कि जी हाँ कैसे यहाँ से बल्लेबाजी का जो स्तर है वो अपना बढ़ाते हैं आगे लेकर जाते हैं क्योंकि इस समय काफ़ी दबाव में काफ़ी दबाव में ये यह टीम यहाँ से इस समय लगते हुए तो कैसे बचाएगी खुद को पहले देखते हैं करते हैं नए बल्लेबाज का इंतज़ार कि नए बल्लेबाज यहाँ से कौन होने वाले हैं बाकी यार सभी लोग जुड़ते रहिएगा स्ट्रीम को लाइक कीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा बलंदर सिंह ने लिखा कैच कौन लिया बलंदर सिंह भाई जहाँ तक मुझे याद है कॉट बिहाइंड विकेट कीपर ने यो यो एच ओ एस भाई ने लिखा है सुपर चैट कैसे करते हैं मैं आज सुपर चैट दूंगा क्योंकि मैं आज पचास हज़ार विन किया थोमस के ऊपर लगाया था तो यो यो एच ओ एस भाई सुपर चैट कैसे करते हैं भाई साहब मुझे आइडिया नहीं है मैंने आज तक किसी को किया नहीं है तो भाई साहब आप खुद ही थोड़ा सा मेहनत कीजिएगा गूगल वूगल का सहारा लीजिएगा ढूँढिएगा कैसे करते हैं मिल जाए तो सही है ना मिले तो यार देखिए तब भी एन्जॉय कीजिएगा योगिशा भाई ने लिखा है मैं ना बहुत था चार विकेट लेगा राजेश शर्मा मैं एंट्री लेने ही वाला था पर अभी रुक गया वरना मेरी तरफ से और पैसे इनके अकाउंट में जमा हो जाते सिकंदर भाई ने लिखा मिराकल ही विन करवाएगा अब तो शिवम सिंह भाई अभी ले लूँ क्या एंट्री शिवम भाई देखिए रिस्की है रिस्की है इस समय भाई साहब रिस्की हो जाएगा लेकिन अगर इस समय आप एंट्री लेना चाहते हैं तो जितनी भी आप एंट्री ले रहे हैं जितना भी लॉस हो रहा है पाँच सौ हज़ार रुपये उनको भूल जाइएगा उनको भूल के बैठिएगा भाई साहब बिल्कुल की वो आपके जा चुके हैं उसके बाद एंट्री अगर लेना चाहते हैं तो बिल्कुल ले लीजिएगा मोनू कुमार वाह भाई बहुत अच्छा कैसे बहुत अच्छा कैसे चला जवाब है आ, देविल भाई ने लिखा है मेरे पाँच सौ लगे हैं डीए पर लगता है गए भाई त्यागी भाई देवली भाई देखिए यही होता है यार छोटी एंट्री यार अच्छी होती है ठीक होती है तभी बोलता हूँ छोटे रेट पर एंट्री लीजिएगा क्योंकि नुकसान भी होता है तो आदमी कम से कम ये सोच सकता है कि चलो यार गए तो गए यार बेली ने लिखा भाई मेरे भी 500 लगे हैं फिल्मी भाई ने लिखा सेकंड बैट वन आयुष भाई आप कमेंट्स पढ़ते पढ़ते थकते नहीं है आयुष भाई एक्चुअली थक जाता हूँ लेकिन जैसे ही यहाँ से थकावट महसूस होती है उसके तुरंत बाद एक और फिर से कोई बढ़िया कमेंट मिल जाता है चलिए भाई साहब एक और झटका लगते हुए सिकंदर रजा की भी पारी यहाँ से समाप्त होते हुए सिकंदर रज़ा की भी पारी हो चुकी है यहाँ से समाप्त दामुला की टीम का स्कोर हो चुका है इकतालीस रन पाँच विकेट के नुकसान पर इस समय बड़ी मुसीबत में टीम है बहुत मुसीबत की मारी ये टीम है पता नहीं यार कोई इस टीम की हेल्प क्यों नहीं करता लंका प्रीमियर लीग के अंदर भाई साहब सब सबसे गई गुजरी ये टीम है अपनी दामुला की टीम किसी ना किसी को तो हेल्प करनी चाहिए थी यार बाकी की टीम अगर अपना एक एक दो दो प्लेयर भी उधार पे देती थी इनको लीज़ पर दे देती दो तीन मैचों के लिए तो कम से कम आखिरी के कुछ मैच तो यार ये ही जाते हैं Uh, तो चलिए भाई देखते हैं बोल्ड आउट कर दिया है हसरंगा ने यहाँ पर हसरंगा ने यहाँ पर भाई अपना पहला विकेट ले लिया है खाता अपना खोल चुके हैं हसरंगा भी <laughs> um. चेतन भाई ने लिखा है विकेट पंकज तोमर चेतन भाई मेरे भी तेरह सौ गए खालिद भाई ने लिखा है रविंदू बोल्ड भाई हसरंगा एकदम से विकेट पे विकेट आ रहे हैं चित्रांश जैन रोजा नहीं रविंदू गया है भाई रजा नहीं रविंदू गया भाई चेतन भाई ने लिखा मैं जाऊँ क्या बैटिंग के लिए चेतन भाई चलो यार चलते हैं शायद हमारी चैट में यार काफ़ी लोग जुड़े हुए हैं ग्यारह प्लेयर्स की टीम तो बनी जाएगी ग्यारह प्लेयर्स की टीम तो बनी जाएगी ऐसे लोगों की जो कि शायद इससे बेहतर दामुला की टीम से बेहतर खेल सकते हैं और अगर चाहो तो भाई टीम बना लीजिएगा चैट में बता दीजिएगा कौन कौन बल्लेबाजी करता है कौन कौन गेंदबाजी करता है जो असली में खेलते हैं और कौन कौन भाई ऑलराउंडर है चेतन भाई खुद के पैसे के लिए लड़ूंगा जाके राजेश शर्मा अब लास्ट तक देखो और अगर कैंडी का कुछ आए तो सीधा एंट्री कैंडी पे ही मारो आप। आप पचराम बिश्नोई भाई ने लिखा भाई आपको जुकाम हो गया है या गला बैठ गया है? पचराम भाई ना तो जुकाम हुआ है ना ही गला बैठा पर मुकाबला जिस तरह से चल रहा है दिल जरूर बैठ गया है लाल सिंह भाई ने लिखा है सब फिक्स है भाई डेसपसिटो भाई ने लिखा है हसरंगा पांच विकेट मैच क्रैकर भाई यहां पर भाई दिल वाली मोजिया भेजते हुए यार बेल वाइब्स इससे अच्छा तो मैं विकेट पर लगा देता हूं अगर विकेट पर बैट लगाता हूं तब विकेट नहीं जाते राजेश भाई इनको टाइम आउट में सेटिंग दी जाती है आशीष पांडे ओन ओथन विकेट लेगा या नहीं बताओ भाई भाई लेगा लेगा भाई अब तो बिल्कुल लेगा चेतन भाई ने लिखा बिल्कुल भाई क्रिकेट की दुनिया चैनल वाले भाई आप चले जाओ खेलने तुम जिता दोगे क्रिकेट भाई जिताने का पता नहीं पर मुझे पता है कि मेरे व्यूअर्स का कहाँ प्रॉफिट हो जाएगा तो वहाँ तक तो लेके आने की कोशिश करूँगा भाई वहाँ तक तो लेके आने की कोशिश करूँगा तीस पैसे चालीस पैसे पैंतीस पैसे सुशील सिंह मैं तो पचास रुपये से ऊपर नहीं लगाता हूँ भाई साहब आप सबसे समझदार इंसान हो आप इस चैट के अंदर सबसे समझदार इंसान हो शिवम सिंह भाई सर काक की टूर्नामेंट खेला था मैंने डेस्पिटो भाई भाई मैं ओपनर हूँ बॉलर तो चलिए भाई ओपनिंग बॉलर हमें मिल चुके हैं अपने डेस्पसीटो मिलान भाई के तौर पर स्टार्क सैफुल भाई दामुला का रेट आएगा डरो नहीं चलिए स्टार्क भाई थोड़ी सी हिम्मत यहाँ पर थोड़ा सा ढांडस बंधाते हुए शिवम सिंह सैंतीस बॉलर में एक मारा था मैंने सैंतीस बॉलों पर एक मारा था वो भाई साहब ये तो रिकॉर्ड किसका था डेविड मिलर का था सैंतीस बॉलों पर सौ रन बनाने का जो रिकॉर्ड था वो पहले नाम था डेविड मिलर के यार बेल वाइब्स इससे अच्छा तो मैं विकेट पर लगा देता अतुल भाई ने लिखा फेवियन एलन कब आएगा नंदन कुमार आप बहुत अच्छा बोलते हो मस्ती मज़ा भाई ने लिखा है कैमरा विकेट नहीं लेगा भाई आप बताओ कौन जीतेगा एसएस एस गेमर भाई ने लिखा भाई साहब इस समय जो हालत है वो तो कैंडी के दिख रहे हैं बाकी क्रिकेट एंड शिताओ का खेल है देखिए कभी भी कुछ भी हो सकता है चित्रांश जैन भाई ने लिखा है मैं ऑलराउंडर वो चलिए भाई साहब हमारे हार्दिक पांड्या भी आ चुके हैं हमारी टीम के अंदर अमन से प्रोडक्शन ने लिखा पचास रन रज़ा पक्का है Uh, क्रिकेट की दुनिया तुमने कभी बैट पकड़ा है ये बताओ क्रिकेट की दुनिया भाई पकड़ा तो है भाई साहब पकड़ा है भाई कुछ मैच भी खेले बचपन में सभी ने पकड़ा है यार ऐसा कौन इंसान होगा यार जिसने बैट नहीं पकड़ा वो भी खासकर इंडिया के अंदर ये सवाल अगर आप ए, कहीं बाहर करते अमेरिका के अंदर किसी से पूछते तो बात मानते भी अमित भाई ने लिखा है भाई भांभुल हारेगी राजेश भाई हमारी गली में आठ साल के बच्चे खेल रहे थे आज ओवर में अड़ तीस, तो उन्होंने ही बनाए पर इनको तो ना अखेला के पास मिलते हैं अफरीदी का था सुनील कुमार भाई ने लिखा है यार बेल वाइफ्स भाई मैं भी पचास लगाता हूँ पर हार जाते हैं चेतन भाई बाउंड्री कितनी थी भाई <laughs> राहुल बरोत भाई अर्जेंटीना जीत गया क्या राहुल भाई बिल्कुल जीतेगा अर्जेंटीना आज बिल्कुल जीतेगा दो शून्य से आगे चल रहा था जब मैंने आखिरी बार अपडेट चेक किया था बाकी एक बार आप भी चेक करके भाई साहब बता दीजिएगा साजन कुमार मैं कीपर हूं भाई साजन कुमार ने लिखा साजन भाई देखिए कीपर के ऊपर बड़ी लड़ाई होने वाली है कीपर भाई साहब हमें चाहिए महेंद्र सिंह धोनी जैसा काबिलियत का पता चले हम महेंद्र सिंह धोनी सोच कर ले और निकल के ऋषभ पंत आ जाए तो वो नहीं चलेगा बिल्कुल भी तो महेंद्र सिंह धोनी जैसे कैलिवर का हमें विकेट कीपर चाहिए विकेट कीपर के लिए हमारे स्टैंडर्ड बहुत ज़्यादा हाई होने वाले हैं भाई टीम में अरविंद रॉय ने लिखा फोर्ड पचास मारेगा और सिकंदर रजा बीस पर ही आउट होगा डेस्पोसिटो भाई अर्जेंटीना द वर्ल्ड चैंपियंस बिल्कुल सही कहा भाई उमेश शर्मा भाई हमारे साथ जुड़े हैं चेतन भाई प्राइवेट भाई यहाँ पर मस्ती मज़ा भाई ने लिखा है कुराना रेटर्न विकेट ले ले ग्रामीण न्यूज़ कैसे हो भाई ग्रामीण न्यूज़ भाई बहुत बढ़िया हूँ आप सुनाइएगा आप कैसे हैं प्रदीप शर्मा ये तो भाई पंटर को नंगा करने वाली लीग लग रही है मुझे प्रदीप भाई ऐसा नहीं है कुछ मुकाबले उड़े भी हैं तो यहाँ से भी मुकाबले उड़े जो अभी स्थिति आप मैच की देख रहे हो तो कुछ मुकाबले यहाँ से भी उस पार गए जरूर हैं यहाँ पर यह कि बहुत स्लो बैटिंग है भाई साहब बहुत स्लो बैटिंग होती है इसमें प्राइवेट भाई चेतन भाई लॉस हो गया अरे प्राइवेट भाई का फिर से भाई लॉस हो गया ग्रामीण न्यूज़ भाई ने लिखा राम राम भाई राम राम डीए पर जैकपोर्ट के लिए लगाया अभी लॉस में हूँ सुशील भाई ने लिखा मैंने 20 बोली पर सो बनाए हैं वीडियो गेम में चलिए सुशील भाई सही है मेरे ख्याल से ये जो दाम्बला वाले ना ये भी वीडियो गेम खेल कर ही यहाँ तक पहुँचे इन्होंने भी वीडियो गेम में ही ये बीस बीस बोलों में सौ सौ रन बनाकर इनको सीधा इंटरनेशनल मैच खिलवा दिया गया है लाल सिंह भाई ने लिखा है मैं अंपायर हूँ भाई वो तो हमें चाहिए ही नहीं यार अंपायर किस हम का अंपायर क्यों चाहिए हमें नंदन कुमार ने लिखा है किंग इज़ बैक प्राइवेट भाई बीस में खाया और पाँच हो गया प्राइवेट भाई एंट्री तो आपकी अच्छी थी देखिए एंट्री आपकी अच्छी थी आज बीस पैसे में लेकिन उसके बावजूद यहाँ से रेट ऊपर उठाने लेकिन अभी भी चलिए मौका है बीस पैसे तो मामूली बात है यार बलिंदर भाई ने लिखा फैबियन एलन से बॉलिंग कराओ योगेश भाई ने लिखा है आ जाओ भाई खाना खाने भाई योगिशा पुजारे भाई खाइएगा भाई आप मैम खाएँगे यार मैच के बाद एक बार मैच खत्म होने दीजिएगा तब तक आप बिल्कुल अपना भोजन ग्रहण कीजिएगा चेतन भाई ने लिखा प्राइवेट भाई सेम त्यागी भाई ने लिखा है हाय चेतन भाई प्राइवेट भाई टेंशन मत लो ओ मैं आज प्रॉफिट में हूँ मैं अंपायर हूँ योयो भाई ने लिखा है अरे भाई अंपायर नहीं चाहिए अब होगी ड्रिंक में फिक्सिंग क्रिकेट की दुनिया अरे भाई जसप्रीत बुमराह किधर है आजकल क्रिकेट की दुनिया भाई आजकल तो भाई इंस्टाग्राम पे इंस्टाग्राम पे भाई पोस्टें आती रहती हैं तो वहीं दिखते हैं भाई आजकल बस बुमराह साहब तो अफसार खान भाई आप कैसे हो जी भाई मैं बहुत बढ़िया हूँ गेमिंग वर्ल्ड गर्व से कहो हम हिंदू हैं बिल्कुल कहते हैं भाई हर जगह गर्व से कहते हैं हम तो हेमंत कुमार एम फोर्डे को आउट कराओ गेमिंग वर्ल्ड भाई जुड़े हैं मस्ती मजा भाई करुणा रत्न विकेट लेगा ना सर तो 1100 सौ का लॉस जाएगा प्लीज़ गोड हेल्प मी शिवम सिंह भाई जुड़े हैं भाई आप बैटिंग अच्छी कर लेते हो शिवम भाई बिल्कुल सही भाई प्राइवेट भाई मैंने पॉकेट से भी दे दिया पंकज तोमर भाई जुड़े हैं कालू स्वाइन ने लिखा तैंतीस हज़ार का लॉस चेतन भाई प्राइवेट भाई अब बॉलर हो या बैट्समैन चेतन भाई प्राइवेट भाई ना बॉलर है ना बैट्समैन है प्राइवेट भाई स्क्रिप्टर है प्राइवेट भाई बैठ के मैच की स्क्रिप्ट लिखा करेंगे कि कब क्या होना है कहाँ से मैच रुकना है कहाँ से उड़ाना है तो प्राइवेट भाई हर मैच की स्क्रिप्ट लिखा करेंगे राजेश भाई ने लिखा है अब फिर टाइम आउट अब इनका समझ में आया प्राइवेट भाई पंकज भाई कितना गया आयुष भाई भाई आप कमेंट्स पढ़ते पढ़ते थकते नहीं हैं आयुष भाई बस क्या ही बताएं सर क्या ही बताएं भाई ये दुख कहाँ ख़त्म नहीं होता वही वाला डायलॉग कई बार याद आ जाता है पर चलिए चलते हैं फिर इसी बात के साथ एक बार फिर से मुकाबले की तरफ तो चलिए नौ ओवर की समाप्ति के बाद दामुला की टीम का स्कोर है भाई पचास रन पाँच विकेट के नुकसान पर इस समय सिर्फ एक ही आखिरी उम्मीद की किरण है इस टीम के लिए नाम है सिकंदर रजा तो चलिए देखते हैं सिकंदर रजा आज कहाँ तक अपनी इस टीम को पहुँचा पाते हैं प्रदीप भाई ने लिखा दो एक फ्रांस वर्सेस अर्जेंटीना तो चलिए ये लीजिएगा भाई टू वन हो चुका है टू वन हो चुका है प्राइवेट भाई चेतन बुकी की स्क्रिप्ट लिखता हूँ <laughs> चेतन भाई ने लिखा ठीक है शशांक भाई देवेंद्र की गुजर रजा सताईस रन यस दस के की भाई आप तो सब लोस कवर हो जाएगा आप हो तो सब लॉस कवर हो जाएगा शिवम भाई ने लिखा है भाई साहब बिल्कुल कोशिश करते हैं ए, तभी आपको बोला था कि यार एंट्री मत लीजिएगा तीस पैसे पर भी पच्चीस पैसे पर भी बीस पैसे पर भी हाँ ग्यारह पैसे पर भाई साहब मैंने बोला था कि दबा के एंट्री लीजिएगा क्योंकि ग्यारह पैसे पर भी एंट्री अगर नहीं ली यार किसी मैच में ए, तो फिर तो भाई कहा के प्लेयर है यार हम लाल सिंह भाई ने लिखा अर्जेंटीना फ्रांस से दो दो है ये क्या हो गया भाई सच में भाई सच में भाई न्यूज़ दे रहे हो या फिर भाई फर्जी न्यूज़ दे रहे हो ये तो भाई साहब फिर एक बार देखना पड़ेगा अगर हालात यहां तक पहुंच चुके हैं तो मैच में ओ भाई साहब दो दो हो गया सच में वाह वाह भाई वाह वाह भा। बहुत बढ़िया न्यूज़ भाई साहब आपने दी है चेतन भाई ने लिखा है कौन ड्रिंकन भाई फ्रांस बैक मेरी कमेंट पढ़ो फुटबॉल का बताइए मैं लोस में हूँ अर्जेंटीना फ्रांस दो दो लाल सिंह भाई बहुत बहुत धन्यवाद भाई अपडेट आ चुकी है अपडेट भाई साहब आ चुकी है हमारे पास तो यहाँ से भाई साहब दो गोल लगातार मारते हुए फ्रांस की टीम ने भी क्या जबरदस्त वापसी की है देवेंद्र राठू भाई धन्यवाद आपने इस गरीब का नाम लिया अरे भाई सब गरीब है भाई दुनिया में सब गरीब है देविंदर भाई यार बैल वाइफ्स ने लिखा दो दो हो गया भाई बैठे अली भाई ने लिखा है जल्दी क्या कमाल भाई क्या कमाल भाई यहाँ से करके दिखाया है तो भाई साहब चलिए देखते हैं चेतन भाई भाई कितना लॉस हुआ फीफा में चेतन भाई लॉस तो नहीं हुआ भाई प्रॉफिट ही हो गया भाई दो गोल लगने के बाद भाई ड्रॉप ही लगाया था आ, ओल भाटी भाई ने लिखा है भाई बहुत ज्यादा बताए यार जल्दी अली भाटी भाई ने लिखा है से आ, तो भाई साहब चलिए यहाँ से जुड़ते हैं चौवन रन पाँच विकेट के नुकसान पर दस ओवर की समाप्ति के बाद है टीम का स्कोर तो मुकाबला यहाँ से थोड़ा सा लेट शुरू होगा लेट शुरू होगा तो भाई साहब यहाँ से फीफा में ज़्यादा मजा आ गया यार फीफा में भाई साहब ज़्यादा मज़ा आ चुका है बन इस क्रिकेट के मुकाबले के तो गेम यहाँ से धीरे धीरे आगे तो चलता हुआ है आगे यहाँ से धीरे धीरे गेम चलता हुआ तो देखते हैं बाकी मुकाबला किसी भी तरफ भाई जा सकता है मुकाबला किसी भी तरफ जा सकता है तो देखना दिलचस्प रहेगा प्रदीप शर्मा पाँच पैसे से खाया था भाई अर्जेंटीना का जैकपॉट लगा आ, लग गया भाई कॉन्ग्रेचुलेशन योगेश भाई ने लिखा है बियर पीते हो क्या सर योगेश भाई ने लिखा है नहीं भाई साहब बिल्कुल नहीं भाई बहुत दूर भाई बहुत दूर चेतन भाई ने लिखा फिर ठीक है भाई अर्जेंटीना जीतेगी बिल्कुल जीतेगी भाई अर्जेंटीना के बिल्कुल यहाँ से भाई साहब जीतने के पूरे पूरे चांसेस हैं चाहे अब जीते चाहे फिर टाइम में जीते ओवर टाइम में जीते कभी भी जीते भाई मस्ती मजा ने लिखा है सर चमिका रेट बॉलिंग करेगा जगदीश भाई ने लिखा है कौन जीतेगा मैच भाई साहब मैच तो अब यहाँ से देखिए पूरी तरह से जा चुका है पक्ष में पूरी तरह से जो मैच है भाई साहब वो पक्ष में जा चुका है राहुल पारिक ने लिखा है मैच उड़ेगा सौ प्रतिशत भाई साहब देख लेते हैं देख लेते हैं यहाँ से कि कितना मैच उड़ेगा कितने प्रतिशत उड़ने वाला है चेतन भाई योगेश भाई हम चाय पीते हैं चेतन भाई बिल्कुल सही कहा चाय भाई चाय तो पीते हैं किसी भी समय किसी भी समय भाई चाय तो पिला लीजिएगा अब वो भी बिना बहाने के तो भाई साहब चलिए यहाँ से विकेट आता हुआ विकेट भाई साहब चेतन भाई ने बताया है विकेट विकेट चलिए बोल्ड आउट यहाँ से छटा झटका लगते हुए छटा झटका भाई साहब यहाँ से लगते हुए टीम को तो भाई दुर्दशा हो गई है दुर्दशा एक तो हार होती है एक टीम की होती है दुर्दशा तो यहाँ से तो भाई साहब दुर्दशा हो चुकी है टीम की यहाँ से टीम की भाई दुर्दशा हो चुकी है तो दिलचस्प रहेगा देखना बोल्ड आउट यहाँ से हो चुके हैं बल्लेबाज नूर अहमद अभी अभी आए हैं दामुला का स्कोर है छप्पन रन छः विकेट के नुकसान पर तो यहाँ से मेरे ख़्याल से भाई साहब शायद अब थोड़ा सा भी यहाँ से क्या कहते हो भाई मुकाबला शायद भाई यहाँ से जीत नहीं पाएगी तो क्या करें भाई जाके फीफा देखें राहुल भाई जीता दो शिवम भाई ने लिखा भाई आप हो तो सब संभव है शिवम भाई साहब यहाँ से भाई संभव था यहाँ से दाम्बला की इस टीम ने भाई <laughs> पंकज भाई अब क्या फ़ायदा पैसे तो लगे हुए हैं राजेश शर्मा हैट्रिक को बचाने के बाद कामयाबी हासिल करके सनाका अब बिरयानी खाने के मूड में हुआ है बिल्कुल हो सकता है भाई देखिए कुछ भी हो सकता है मस्ती मजा भाई सर दोस्त की बात नहीं मानी रजा को वाइस कैप्टन नहीं बना के पी के एल स्पोर्ट्स मैसेज ड्रीम कैन बी ब्रोकन बिल्कुल हो सकता है भाई कुछ भी हो सकता है देखिए मुकाबले में सम्राट भाई भाई अगर एक और गिरा तो कॉफी मेरी तरफ से लाल सिंह भाई एलपीएल में कभी मत लगाओ भाई पहली पहली बात तो ये कंफ्यूज करती है फर्स्ट सिक्स ओवर में फिफ्टी प्लस रन बनाएगी बाद में एक सौ चालीस भी नहीं बनते मैच क्रैकर ने लिखा है भाई साहब अर्जेंटीना विनर भाई साहब देख लेते हैं देख लेते हैं अभी तक तो मुकाबला यहाँ से ड्रो की स्थिति में पूरी तरह से जाता हुआ तो बाकी देख लेते हैं भाई आपकी बात में कितना दम है Uh, बाकी जीतनी चाहिए भाई अर्जेंटीना अर्जेंटीना यार अपनी फेवरेट टीम है यहाँ से भाई साहब बिल्कुल जीतनी चाहिए उम्मीद करेंगे कि यहाँ से जीते अर्जेंटीना की टीम आयुष भाई ने लिखा है सिक्स तो भाई साहब चलिए लेते हैं यहाँ से छोटा सा एक ब्रेक लेंगे तो ब्रेक के बाद आपके साथ जुड़ते हैं मुकाबले में अगर कुछ हुआ तो भाई बताते हैं चलिए इसी के साथ फैबीन की ये गेंद हवा में गेंद जाते हुए सिकंदर रजा के बल्ले से आता हुआ ये छक्का <laughs> क्या छक्का यहाँ पर लगाया है भाई साहब <laughs> क्या छक्का यहाँ से लगाया है <laughs> तो भाई साहब छक्के के साथ स्कोर पहुँच चुका है चौंसठ रन छः विकेट के नुकसान पर छक्के के साथ स्कोर पहुंच चुका है चेतन भाई ने लिखा है सिक्स आशीष भाई ने लिखा लाइव दिखाओ आशीष भाई अब यहाँ से कमेंट्री करने की हिम्मत नहीं हो रही आप कह रहे यार लाइव दिखाओ राजेश भाई ने लिखा है दुर्दशा इनकी नहीं है जो हार गए हैं वो भी रोटी खाए रजाई में मुंह देकर छुप में घुस जाएंगे यार ज़रूर खान काबा ईगा भाई दा तू जीतेगा ही दो पैसे पे यार जल्दी बोलो भाई देवेंद्र राठी दस के पास सताईस रन रज़ा लव यू भाई चेतन भाई ने लिखा है फ़ोर फोर फोर तो चेतन भाई थोड़ी देर बाद जुड़ते हैं एक बार भाई साहब थोड़ा फुटबॉल का रुख करते हैं वहाँ भी थोड़ा सा काम है तो एक बार फुटबॉल के मैच से होकर अभी आपके पास भाई पहुँचता हूँ तो सिर्फ थोड़ी सी देर में